नमस्कार। आज हम सुनेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी हुई एक बंगाली उपन्यास देवी चौधरानी का हिंदी रूपांतर। देवी चौधरानी एक ऐसी नारी की गौरव गाथा है जो ससुराल से निकाल दिए जाने पर भी आजीवन पति परायण रही। इतना ही नहीं, डाकुओं के चंगुल में पड़कर वह डाकू भले ही बन गई हो, पर उसने कभी डाका नहीं डाला, कभी किसी को सताया नहीं। कालांतर में अपार धन दौलत की मालकिन होकर भी उसने सदैव गरीबों और निसहायों का उपकार किया। तो आज हम इसी देवी चौधरानी की कहानी सुनेंगे। कहानी सुनाने से पहले अपनी एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही इसके साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जैसे ही कहानियाँ अपलोड करूँ या आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। प्रफुल्ल! अरे प्रफुल्ल! आई माँ, अभी आई। क्या है माँ? बेटी पास आकर बोली। घोष के यहाँ से एक बैंगन तो ले आ। मैं नहीं जाऊँगी, भीख मांगते मुझसे नहीं बनता। तब क्या खाएगी? घर में आज खाने को कुछ भी नहीं है। रूखा भात खाऊंगी, नित्य मांगकर मैं क्यों खाऊं? अरे गरीबों को मांगने में लज्जा कैसी? अपना भाग्य ही ऐसा है। प्रफुल्ल ने कोई उत्तर न दिया। माँ ने फिर कहा, तो भात चढ़ा, मैं जाकर आती हूँ। तुम्हें मेरी सौगंध माँ, भीख मांगने न जाना। चावल है, नमक है, कच्चा मिर्च है, और हमें क्या चाहिए? प्रफुल्ल की माँ मुस्कुरा दी। वह चावल धोने चली, परंतु हांडी देखकर बोली, चावल भी कहाँ है? केवल आधी मुट्ठी चावल था जिससे एक का भी पेट न भरता। माँ हांडी लेकर चली तो प्रफुल्ल ने पूछा, कहाँ जा रही हो माँ? थोड़ा चावल उधार लेने जा रही हूँ। हम कितना चावल उधार ले चुके हैं माँ, तुम अब और उधार न लाओ। तब क्या खाएगी? घर में तो एक पैसा भी नहीं है जो मोल लेके आऊं। उपवास करूंगी, दुखी मन से प्रफुल्ल बोली। उपवास से कितने दिन जिएगी? मर जाऊंगी और क्या। मेरे मरने पर जो चाहे करना, मैं यह नहीं देख सकती। भीख मांगकर भी तुझे खिलाऊंगी। भीख मांगना बहुत बुरा है माँ, एक दिन के उपवास से आदमी मर नहीं जाता। आओ हम दोनों मिलकर यज्ञोपवीत बनाए, कल उन्हें बेचकर पैसे लाऊंगी। सूत कहाँ है? चरखा तो है, मैं अभी कात लेती हूँ। रुई कहाँ है? प्रफुल्ल मुंह नीचा करके रो पड़ी। माँ फिर चावल उधार लेने चली। प्रफुल्ल माँ के हाथ से हांडी लेकर बोली, माँ मैं भीख या उधार मांगकर क्यों खाऊं? मेरे पास सब कुछ तो है। माँ ने आंसू पोंछकर कहा, सब कुछ तो है बेटी, पर भाग्य में कहाँ है? भाग्य में क्यों नहीं माँ, मैंने क्या अपराध किया है जो ससुर के पास अन्न होते हुए भी मुझे न मिले? तूने इस अभागी के पेट से जन्म लिया है, यही तेरा अपराध है और यही तेरा भाग्य है। सुनो माँ, मैंने निश्चय कर लिया है कि ससुर का अन्न भाग्य में होगा तो खाऊंगी, अन्यथा न खाऊंगी। तुम चाहो खा लो, पर मुझे मेरे ससुराल पहुंचा दो। यह क्या बेटी, क्या ऐसा भी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता माँ, बिना बुलाए ससुराल कैसे भेज दूँ? मांगकर खाया जा सकता है और बिना बुलाए ससुराल नहीं जाया जा सकता। वे तो कभी तुम्हारा नाम भी नहीं लेते। वे न लें, इससे मेरा अपमान नहीं। जिनके ऊपर मेरा भार है उनसे मांगने में मुझे लज्जा नहीं, अपना मांगने में लज्जा कैसी? माँ रोने लगी। प्रफुल्ल बोली, तुम्हें अकेली छोड़कर जाने की मेरी इच्छा नहीं है, परंतु मेरा दुख कम होने पर ही तुम्हारा दुख कम होगा, इस आशा से जाने की इच्छा है। दोनों में देर तक बातें हुई। माँ ने बेटी का ही कहना ठीक समझा। माँ ने जो चावल बनाया था वह प्रफुल्ल ने खाना स्वीकार नहीं किया, माँ ने भी नहीं खाया। प्रफुल्ल बोली, समय नष्ट करने से क्या लाभ, रास्ता लंबा है। आ तेरे बाल बांध दूँ। नहीं, इन्हें यूं ही रहने दो। दोनों मैले कपड़े पहने ही घर से निकल पड़ी।
वरेंद्र भूमि में भूतनाथ नाम का एक गांव था। वहां प्रफुल्ल का ससुराल था। प्रफुल्ल के ससुर हरिबल्लभ बाबू बड़े आदमी थे। उनकी बहुत बड़ी जमींदारी थी, 2 मंजिले की बैठक, 4 दीवारी से घिरा बाग और तालाब। यह ग्राम प्रफुल्लमुखी के मायके से 6 कोस पर था। बिना खाए पिए माँ बेटी 6 कोस पैदल चलकर तीसरे प्रहर वहाँ पहुँची। घर में प्रवेश करने को प्रफुल्ल की माँ के पैर नहीं उठ रहे थे। प्रफुल्ल कंगाल की लड़की थी, इसीलिए हरिबल्लभ बाबू उससे घृणा करते थे, ऐसी बात नहीं थी। विवाह के पश्चात एक गड़बड़ी हो गई थी। हरिबल्लभ बाबू ने तो जानबूझकर यह विवाह किया था, कन्या सुंदर थी इसीलिए उन्होंने यह संबंध भी किया था। उधर प्रफुल्ल की माँ ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर यह विवाह किया था। इस विवाह में ही वह कंगाल हो गई थी, यहाँ तक कि अन्न का भी अभाव हो गया था। परंतु भाग्य का फल उल्टा ही हुआ। बारातियों को उसने उत्तम भोजन कराया, परंतु अपने पक्ष वालों को दही चिवड़ा ही दे सकी। इसे पड़ोसियों ने अपना अपमान समझा, वे बिना खाए पिए ही उठ गए। इससे उन लोगों के मन में मनमुटाव हो गया था। इसका पड़ोसियों ने भयंकर बदला लिया। रसोई छूने के दिन हरिबल्लभ ने प्रफुल्ल के पड़ोसियों को आमंत्रित किया। उनमें से कोई भी न गया और कहला दिया, कुलटा के साथ हरिबल्लभ बाबू ने संबंध किया है, आपको यह शोभा देता है, परंतु हम गरीबों के लिए जाति ही सब कुछ है, हम जाति भ्रष्ट कन्या के हाथ का पानी भी नहीं पी सकते। भरी सभा में यह बात कही गई। हरिबल्लभ ने सोचा, विवाह के दिन जो पड़ोसियों ने प्रफुल्ल के यहाँ न खाया था, उसका शायद यही कारण हो, वे झूठ क्यों बोलेंगे। हरिबल्लभ ने उनका विश्वास कर लिया। निमंत्रित व्यक्तियों ने नववधु के हाथ का स्पर्श किया भोजन न खाया। दूसरे ही दिन हरिबल्लभ ने वधु को उसके मायके भेज दिया। तभी से प्रफुल्ल का ससुराल से संबंध टूट गया। उन्होंने अपने पुत्र का दूसरा विवाह कर दिया। प्रफुल्ल की माँ ने 1-2 बार कुछ सामान भेजा, परंतु हरिबल्लभ ने वह भी वापस कर दिया। इसलिए आज उस घर में प्रवेश करते प्रफुल्ल की माँ के पैर कांप रहे थे, परंतु अब लौटा भी नहीं जा सकता था। दोनों ने साहस करके घर में प्रवेश किया। गृहस्वामी अंतःपुर में सो रहे थे। प्रफुल्ल की सास अपने केश चुनवा रही थी। तभी प्रफुल्ल और उसकी माँ वहाँ पहुँची। प्रफुल्ल ने घूंघट खींच लिया, उसकी आयु तब 18 वर्ष की थी। गृहिणी ने पूछा, तुम कौन हो? प्रफुल्ल की माँ लंबी सांस छोड़कर बोली, क्या परिचय दूँ आपको? क्या परिचय देने में बहुत कुछ बताना होगा? हम लोग आपके संबंधी हैं। संबंधी? कैसे संबंधी? उसके गांव की एक मजदूरन यहाँ काम करती थी, वह प्रफुल्ल के घर हो आई थी। वह बोली, मैं पहचान रही हूँ, समधिन है। समधिन? कौन समधिन? दुर्गापुर के समधिन, तुम्हारे बड़े लड़के की सास। गृहिणी कुछ अप्रसन्न होकर बोली, बैठो। वह गुमसुम सी बैठ गई। प्रफुल्ल मूड़ रही। गृहिणी बोली, यह लड़की कौन है तुम्हारे साथ? आपकी पुत्रवधू है। गृहिणी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम लोग यहाँ कहाँ आए थे? आपके पास। क्यों? क्या मेरी बेटी अपने ससुराल ना आती? आती क्यों नहीं, सास ससुर जब बुलाते तब आती, भले आदमियों के लड़के लड़की इसी तरह आते हैं। सास ससुर यदि 7 जन्म बुलाने का नाम न लें तब? यदि नाम न लें तो ना आए? तो खिलाएगा कौन? मैं अनाथ विधवा तुम्हारी पुत्रवधू को कहाँ से खिलाऊं? खिला नहीं सकती तो पैदा क्यों की थी? तुमने खाने पहनने का हिसाब लगाकर पेट रखा था, तो उसी के साथ लड़के के बहू के खाने पहनने का हिसाब क्यों नहीं लगाया? अरे बाप रे, यह औरत तो घर से संग्राम करने को तैयार होकर आई है। नहीं, संग्राम करने नहीं आई हूँ। आपकी बहू अकेले नहीं आ सकती थी, इसलिए पहुँचाने आई हूँ। अब जा रही हूँ। इतना कहकर प्रफुल्ल की माँ घर से निकल चली। माँ चली गई, प्रफुल्ल वहीं रही।
बस वैसे ही घूंघट निकाले खड़ी रही। सास बोली, तुम्हारी माँ गई, तुम भी जाओ। प्रफुल्ल हिली तक नहीं, वह मूर्ति की तरह खड़ी रही। अरे तू जाती क्यों नहीं, खड़ी कैसे रह गई? क्या मुसीबत है, फिर तुम्हें पहुंचाने के लिए एक आदमी भेजना होगा, अपनी माँ के साथ चली जाओ। अब प्रफुल्ल ने घूंघट उठाया, चांद की तरह उसका मुख खुला, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सास ने मन में सोचा, आह ऐसी चांद सी बहू लेकर भी मैं गृहस्थी न चला पाई। उसका मन कुछ नरम हो गया। प्रफुल्ल अस्फुट स्वर में बोली, मैं अब जाने के लिए नहीं आई हूँ माँ। मैं क्या करूँ बेटी, क्या मेरी इच्छा नहीं कि तुम्हें लेकर गृहस्थी चलाऊँ? परंतु लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जाति चित होने के भय से तुम्हें छोड़ना पड़ रहा है। माँ, जाति चित होने के भय से क्या संतान को त्याग दिया जाता है? क्या मैं तुम्हारी संतान नहीं हूँ? प्रफुल्ल की बात सुनकर सास का मन और भी नरम हो गया। वह बोली, मैं क्या करूँ बेटी? प्रफुल्ल बोली, कुछ भी सही, आपके घर में कितनी ही दासियाँ हैं, मैं आपके यहाँ दासी बनकर रहना चाहती हूँ। गृहिणी अब कुछ न कह सकी, वह सोचने लगी, लड़की तो लक्ष्मी है, रूप में भी बातों में भी, गृह स्वामी से पूछ लूँ कि वह क्या कहते हैं। तुम यहाँ बैठो बेटी। प्रफुल्ल बैठ गई। तभी द्वार की ओट से एक 14 वर्षीय सुंदरी ने घूंघट निकाल करके प्रफुल्ल को बुलाया। प्रफुल्ल ने सोचा यह कौन है, वह उठकर उस बालिका के पास चली गई। गृहिणी ने गृहस्वामी के कक्ष में प्रवेश किया। गृहस्वामी नींद से उठकर हाथ मुंह धो रहे थे। उनका मन प्रसन्न करने के लिए गृहिणी बोली, तुम्हें किसने जगा दिया? मैंने सबको मना किया था, परंतु कोई सुनता ही नहीं। जगाती तो तुम ही हो, पर आज शायद कुछ काम है, मुझे किसी ने नहीं जगाया, बात क्या है? गृहिणी हंसते हुए बोली, आज एक घटना घटी, उसे ही कहने आई हूँ। इस प्रकार भूमिका बांधकर और जरा मटक कर गृहिणी ने प्रफुल्ल के आने की बात कही। बहू के चांद जैसे मुखड़े और मीठी बातों का स्मरण कर उसने अपनी ओर से भी जोड़कर कुछ कहा, परंतु कुछ सफलता न मिली। गृहस्वामी क्रुद्ध होकर बोले, उसकी इतनी साहस, अभी उसे झाड़ू मारकर घर से निकाल दो। छी छी, कैसी बातें करते हो? कुछ भी हो, वह हमारे लड़के की स्त्री है, उल्टा क्या वह लोगों के कहने से हो गई? गृहिणी ने बहुत सी बातें कही, परंतु अंतिम आज्ञा यही रही कि उल्टा को झाड़ू मारकर निकाल दो। अंत में गृहिणी क्रुद्ध होकर बोली, झाड़ू मारनी है तो तुम ही मारो, मैं इस बीच में नहीं पड़ूंगी, यह कहकर वह चली गई। पर जहां प्रफुल्ल को छोड़कर गई थी वह वहां न थी। प्रफुल्ल को 14 वर्षीय लड़की ने बुला लिया था और प्रफुल्ल के वहां घुसते ही उसने द्वार बंद कर लिया था। प्रफुल्ल ने पूछा, द्वार क्यों बंद कर लिया? जिसे कोई आने न पाए, तुमसे कुछ बातें करनी है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सागर है। तुम कौन हो बहन? मैं तुम्हारी सौत हूँ। तुम मुझे पहचानती हो क्या? अभी द्वार की ओट से मैंने सब कुछ सुना है। तो तुम ही हो उनके गृहिणी, मैं अभागिन गृहिणी कैसे हो सकती हूँ? न मेरे दांत उतने बड़े बड़े हैं, न मैं उतनी काली ही हूँ। किसके दांत बड़े बड़े हैं? जो गृहिणी है उसके और किसके? वह कौन है? तुम नहीं जानती। जानती भी कैसे, कभी यहाँ रही ही नहीं। हमारी एक और सौत है। मैंने तो अपने अतिरिक्त एक ही विवाह की बात सुनी थी, मैंने सोचा तुम ही होगी बस। नहीं, वह तो पहले की ही है, मेरे विवाह को तो 3 ही वर्ष हुए हैं अभी। क्या वह बहुत भद्दी है? मुझे तो उसका रूप देखकर उल्टी आती है। इसीलिए शायद तुमसे विवाह हुआ। नहीं, किसी से कहना मत, तुम्हें बताती हूँ। मेरे बाप के पास बहुत रुपया है, मैं अपने बाप की अकेली संतान हूँ, बस उसी रुपये के लिए। समझी समझी, अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। तुम सुंदर हो और वह भद्दी,
फिर वह उनकी गृहिणी कैसे हुई? मैं अपने बाप की अकेली संतान हूँ, मुझे वह जल्दी से यहाँ भेजते नहीं, मेरे पिता और हमारे ससुर की पटती भी नहीं, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहती। कभी कभी आती हूँ, दो चार दिन हुए आई हूँ, शीघ्र ही चली जाऊँगी। प्रफुल्ल ने देखा सागर सरल लड़की थी, उससे बोली, तुमने मुझे क्यों बुलाया? कुछ खाओगी? अब क्या खाऊंगी, तुम्हारा मुंह सूखा है, बहुत दूर चल के आई हो, तुम्हें प्यास भी लगी होगी, किसी ने तुमसे खाने को पूछा भी नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। प्रफुल्ल ने कुछ खाया नहीं था, प्यास से होठ सूख रहे थे, बोली, सास जी ससुर जी के पास गई हैं, मेरे भाग्य में क्या है, बिना जाने मैं यहाँ का कुछ न खाऊंगी। नहीं नहीं, तुम्हें इन लोगों का खाने की कोई आवश्यकता नहीं, खाने के लिए मेरे मायके का है। यह कहकर सागर कुछ संदेश लेकर प्रफुल्ल के मुंह में ठूंसने सी लगी। प्रफुल्ल को खाना ही पड़ा। सागर ने ठंडा पानी दिया, उसे पीकर प्रफुल्ल कुछ स्वस्थ हुई। वह बोली, मैं तो स्वस्थ हुई, परंतु मेरी माँ बिना खाए मर जाएगी। तुम्हारी माँ कहाँ गई है? क्या जानूँ, शायद कहीं बाहर खड़ी होंगी। एक काम करूँ? क्या? ठकुरानी को उनके पास भेजूँ? वह कौन है? ठाकुर की बुआ, वह यहीं रहती है। वह क्या करेंगी? तुम्हारी माँ को कुछ खिलाएंगी? माँ यहाँ का कुछ भी न खाएंगी। धत, किसी ब्राह्मण के घर तो खाएगी? जो इच्छा हो करो, माँ का कष्ट सहा नहीं जाता। सागर ने ब्रह्म ठकुरानी को सब समझाया। वह बोली, हाँ बेटी, गृहस्थ के घर से कोई भूखा कैसे जा सकता है। वह उन्हें खोजने चली। प्रफुल्ल बोली, बहन जो बातें कर रही थी वही करो ना। बातें क्या, मैं यहाँ नहीं रहती, रह भी ना पाऊँगी, मेरा भाग्य तो मिट्टी के आम जैसा है, देवता का भोग भी नहीं बनूंगी। तुम आई हो तो जैसे भी हो रहो, मैं उस चुड़ैल को देख भी नहीं सकती। मैं तो रहने ही आई हूँ, रहने पाऊँ तब तो। देखो, ससुर की आज्ञा न भी हो तब भी तुम चली न जाना। जाऊंगी नहीं तो क्या करूंगी, किस लिए रहूंगी? रहूं तो यदि? यदि क्या? यदि तुम मेरे जन्म सार्थक करा सको। वह कैसे होगा बहन? प्रफुल्ल थोड़ा हंसी, परंतु तुरंत ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह बोली, नहीं समझे बहन? सागर तब समझी। वह कुछ सोचकर बोली, संध्या के बाद इसी कोठरी में आकर बैठना, दिन में तो दर्शन मिलना कठिन है। प्रफुल्ल बोली, पहले अपना भविष्य जानूं, तब तुमसे भेंट करूंगी। भाग्य में जो कुछ भी हो, एक बार उनसे भेंट तो करके ही जाऊंगी, वह क्या कहते हैं यह भी सुनकर जाऊंगी। इतना कहकर प्रफुल्ल बाहर आई। सास उसे खोज रही थी। प्रफुल्ल को देखकर सास ने पूछा, कहाँ गई थी बेटी? घर का द्वार देख रही थी। तुम्हारा ही घर द्वार है बेटी, पर क्या करूं, तुम्हारे ससुर किसी भी प्रकार राजी नहीं हो रहे। यह सुनकर प्रफुल्ल पर वज्रपात हुआ, वह माथे पर हाथ रखकर बैठ गई, रोई नहीं, चुप रही। सास को उस पर दया आई, उसने मन में सोचा, एक बार और प्रयत्न करके देखूं। वह बोली, अब कहाँ जाएगी, आज यहीं रह, सवेरे देखा जाएगा। प्रफुल्ल बोली, वह तो रहूंगी, परंतु एक बार ससुर जी से जरूर पूछिएगा, मेरी माँ चरखा काट कर पेट भरती है, उससे एक आदमी का भी पूरा नहीं पड़ता। आप पूछना मैं क्या काम करके खाऊं, मैं नीच हूं, तुच्छ हूं, हूं तो उनके पुत्रवधे, उनकी पुत्रवधु कैसे दिन बिताए। सास बोली, अवश्य पूछूंगी। संध्या को उसी कोठरी में सागर और प्रफुल्ल आपस में बातें कर रहे थे, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। सागर बोली, कौन? मैं हूं। सागर ने प्रफुल्ल का हाथ दबाकर धीरे से कहा, बोलना नहीं, वही चुड़ैल आई है। सौत? हाँ, चुप। कोठरी में कौन है, बोलती क्यों नहीं सागर बहू? तुम कौन हो, नाइन हो क्या? अरे मर, मैं क्या नाइन हूं?
फिर कौन हो? तेरी सौत नयन बहू। बहू का नाम नयन तारा था। लोग नयन बहू कहकर पुकारते थे और सागर को सागर बहू। सागर बोली, कौन दीदी? भला तुम क्यों नाइन होने लगी? वह तो गोरी है। अरिमर, मैं क्या उससे भी काली हूं? सौत ऐसी ही होती है, अभी 14 वर्ष की है ना तू। 14 वर्ष से क्या हुआ, तुम तो 17 की हो। तुमसे अधिक मेरा रूप भी है और यौवन भी। रूप और यौवन को बाप के घर बैठकर चाटना, मैं तुमसे एक बात पूछने आई हूं। क्या बात दीदी? बात क्या कहूं, तूने तो द्वार ही नहीं खोला, संध्या से ही द्वार बंद करके बैठ गई। मैं चिपकर संदेश खा रही थी। क्या तुम नहीं खाती? खा खा, मैं पूछती थी कि एक और बढ़ोतरी हुई है क्या? और एक क्या, पति? अरे नहीं, ऐसा भी क्या कभी होता है? होता तो भला होता ही है। अरे ऐसी बात जुबान पर भी न लाना। मैं पूछ रही हूँ, एक और बहू आई है क्या? कौन बहू, किसकी बहू? वही बहू, मैं जानती हूँ। मैंने तो नहीं सुना। अरे वह कुलटा, मैंने वह भी ना सुना। हमारी एक कुलटा सौत है, सुना है कि नहीं तूने? नहीं तो। अरे वह जो पहला विवाह हुआ था। परंतु वह तो ब्राह्मण की लड़की है। ब्राह्मण होती तो उसके साथ गृहस्थी ना चलती? अगर पति तुम्हें विदा करके मेरे साथ गृहस्थी चलाए तो क्या तुम उल्टा हो जाओगी? तू मुझे गाली दे रही है? तो तुम किसी को गाली क्यों देती हो? अच्छा, मैं जाकर ठकुराइन जी से कहती हूँ, तू बड़े आदमी की लड़की है इसीलिए मुझसे मनमानी करती है। यह कहकर नयन तारा लौट गई। सागर बोली, दीदी लौट आओ, द्वार खोलती हूँ। नयन तारा बहुत क्रुद्ध थी, परंतु यह देखने के लिए कि सागर ने कितने संदेश खाए हैं लौट पड़ी। वह कोठरी में प्रवेश कर प्रफुल्ल को देखी और बोली, यह कौन है री? प्रफुल्ल। प्रफुल्ल कौन? कुलटा बहू। अरे यह तो बड़ी सुंदरी है, परंतु तुमसे अधिक नहीं। चुप, तंग न कर। हाँ, तुझसे अधिक वास्तव में नहीं। एक प्रहर रात्रि व्यतीत होने पर गृहस्वामी भोजन करने आए। गृहिणी भोजन कराने बैठी। गृहस्वामी ने पूछा, वह कुलटा बहू गई क्या? गृहिणी बोली, रात को कहाँ जाती? क्या रात को मैं अपनी अतिथि को बहू को भगा देती? अतिथि को अतिथिशाला में जाना चाहिए। मैंने कह दिया मैं न भगा सकूंगी, भगाना हो तो तुम ही भगाओ, परंतु वह बहुत सुंदर है। सुंदर भी कुलटा ही होती है। खैर मैं ही भगा दूंगा, ब्रज को बुलाओ। तो एक नौकरानी ब्रजेश्वर को बुला कर लाई। युवक सुंदर था, वह पिता के पास विनीत भाव से आया। हरिबल्लभ बोले, तुम्हारी 3 शादियां हुई हैं जानते हो? प्रथम विवाह एक छोटी जाति की लड़की से हुआ था, वह आज फिर आई है। मैंने तुम्हारी माँ से कहा उसे झाड़ू मारकर बाहर कर दो, परंतु औरतें औरतों पर हाथ नहीं उठा सकती, यह तुम्हारा काम है और कोई उसे स्पर्श नहीं कर सकता। तुम रात को उसे झाड़ू मारकर घर से निकाल देना, नहीं तो मुझे चैन न पड़ेगा। गृहिणी बोली, नहीं बेटा, स्त्री पर हाथ न उठाना। पिता की बात माननी पड़ती है तो क्या माँ की बात न सुनेगा? खैर जो हो, भली तरह विदा करना। ब्रज पिता से बोले, जो आज्ञा, और माँ से अच्छा कहकर खड़ा रहा। तभी गृहिणी ने पति से पूछा, तुम जो बहू को निकाल रहे हो तो वो खाएगी क्या? जो चाहे करे, चोरी डकैती भीख मांगे, मुझे उससे क्या। गृहिणी ब्रजेश्वर से बोली, सुना तूने? बहू से यह बात भी कह देना, उसने पूछा है, इससे तुम्हारे पिता की नाक रह जाएगी। ब्रजेश्वर वहां से ब्रह्म ठकुरानी के पास पहुंचा, वह माला जाप कर रही थी। ब्रजेश्वर बोला, दादी। क्या है भाई? आज एक नई खबर है। नई खबर? सागर ने मेरा चरखा तोड़ दिया। वह अभी बच्ची है, तोड़ने दो, उसे चरखा काटने का शौक तो हुआ। यह नहीं, मैं कहता हूँ आज। सागर से कुछ न कहना, तुम सुखी रहो, मुझे चरखे की क्या कमी है।
तुम मेरी बात भी सुनोगी या अपनी ही कहती रहोगी? मैं बूढ़ी हूँ, कब तक जीवित रहूंगी? खैर जाने दो, मेरी बात सुनो नहीं तो तुम्हारे सब चरखे तोड़ दूंगा। क्या तो चरखों की बात नहीं है क्या? नहीं, मेरी दो ब्राह्मणी है, जानती हो ना? ब्राह्मणी जैसी नयन बहू वैसे ही सागर बहू, और कहानी मैं कहाँ से कहूँ? अरे कहानी रहने दो, तुमने तो कह दिया रहने दो, पर वे कहाँ छोड़ती हैं? एक कबूतर कबूतरी की कहानी जानते हो? लो कहानी सुनो। एक पेड़ पर एक कबूतर कबूतरी रहते थे। दादी क्या कहती हो तुम, मेरी बात सुनो। तुम्हारी बात क्या है, तुम कहानी सुनने आई हो ना, तुम लोगों को और कोई काम तो है नहीं? ब्रजेश्वर ने सोचा, बूढ़ी दादी को पता नहीं कब प्रभु की प्राप्ति होगी। वह बोला, अरे मेरी दो ब्रह्माणी और एक बागदिन, आज बागदिन यहाँ आई है। राम राम, बागदिन क्यों, वह तो ब्राह्मण की लड़की है। आई है ना वह? हाँ हाँ आई, क्यों नहीं। कहाँ है वह? मैं उसे भेंट करूँगा। भेंट कराकर मैं तुम्हारे माँ बाप की बुरी क्यों बनूँ? तुम कबूतर कबूतरी की कहानी सुनो। भेंट की बात नहीं है, माँ बाप ने मुझे उसे भगा देने के लिए कहा है, भेंट किए बिना उसे कैसे भगाऊंगा, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। भाई मैं बुढ़िया कृष्ण का जाप करती हूँ, कहानी सुननी हो तो कहो, बता सकती हूँ। मैं न बागदिन को जानती हूँ न ब्राह्मणी को। हाय हाय, तुम्हें कब डाकू उठा के ले जाएंगे पता नहीं। ऐसी बात ना कर, डाकू बड़े भयानक होते हैं, भेंट करेगा? तो क्या मैं तुम्हारी माला देखने आया हूँ? तो सागर बहू के पास जा, सौत सौत से मिलने देगी? जा, सागर ने तुझे बुलाया है, कोठरी में बैठी है, ऐसी लड़कियां बहुत नहीं हैं। ब्रजेश्वर ब्रह्म ठकुरानी के यहाँ से सीधा सागर के ऊपर वाले कमरे में गया। वहाँ सागर के स्थान पर प्रफुल्ल बैठी थी। ब्रज ने अनुमान से समझा कि यह वही स्त्री है। ब्रज संकट में पड़ गया। दोनों का एक स्त्री पुरुष से ऊपर अर्धांग का संबंध था, यह सभी संबंधों से घनिष्ठतर होता है। उन्होंने एक दूसरे को कभी न देखा था। अब बातें कैसे शुरू हो, पहले कौन बोले, और जब उनमें से एक दूसरे को धक्का देकर बाहर निकालने और दूसरा धक्का खाने के लिए आया है। पहले दोनों में से किसी ने कुछ न कहा। अंत में प्रफुल्ल ने तनिक मुस्कुराकर ब्रजेश्वर के चरणों पर प्रणाम किया। ब्रजेश्वर ने प्रणाम स्वीकार कर प्रफुल्ल की बाँह पकड़कर उसे ऊपर बिठा लिया और पलंग पर बैठकर स्वयं उसके निकट बैठ गया। प्रफुल्ल के मुख का घूंघट बैठते समय हट गया। ब्रजेश्वर ने देखा, वह रो रही थी। ब्रजेश्वर ने बिना कुछ समझे बूझे ही प्यार से प्रफुल्ल का मुख चूम लिया। तभी द्वार के अंदर एक और मुख दिखाई दिया, मुख हंस रहा था। ब्रजेश्वर ने उधर घूमकर देखा, वह सागर थी। सागर ने स्वामी को एक ताला और एक चाबी दिखाई। सागर पति से अधिक बातें न करती थी, ब्रज कुछ समझे नहीं। सागर द्वार खींचकर ताला लगाकर भाग गई। ब्रजेश्वर बोले, सागर क्या करती हो? परंतु वह जा चुकी थी, वह ब्रह्म ठकुरानी के घर पहुंच चुकी थी। ब्रह्म ठकुरानी ने पूछा, क्या हुआ सागर बहू, तुम आज यहाँ क्यों सोने आई हो? सागर चुप रही। तुम्हें ब्रज ने भगा दिया क्या? न भगाते तो तुम्हारे पास क्यों आती, आज मैं यहीं सोऊंगी। अच्छा सो, अभी वह खुद तुझे बुलाएगा। तेरे दादा भी इसी तरह मुझे भगा दिया करते थे, फिर तुरंत बुलाने आते थे। मैं क्रोध में नहीं जाती थी, फिर रह भी नहीं सकती थी। एक दिन क्या हुआ कि दादी एक कहानी कहो। कौन सी कहूँ, कबूतर कबूतरी की? अकेले सुनेगी? वह नई बहू कहाँ है, उसे भी बुला ला, दोनों सुनना। वह पता नहीं कहाँ है, मैं उसे खोजने कहाँ जाऊँगी, मैं अकेले ही सुनूंगी। ब्रह्म ठकुरानी कहने लगी। सागर सो गई। ठकुरानी कुछ देर कहानी कहती रही, फिर सागर के सो जाने पर वह भी सो गई। सवेरे सागर ने ताला खोला। ताला खोलकर
वह चुपचाप फिर ठकुरानी का टूटा चरखा लेकर बुढ़िया के कान के पास चलाने लगी। ताला खुलने का स्वर सुनकर प्रफुल्ल उठकर खड़ी हो गई, बोली, सागर ताला खोल गई है, अब मैं जाती हूँ। स्त्री न समझो तो दासी समझ कर ही याद रखना। अभी मत जाना, मैं एक बार पिताजी से बातें तो कर लूँ। क्या वो अपनी राय बदल देंगे? न बदले, मुझे अपना कर्तव्य करना ही होगा। अकारण तुम्हारा त्याग करना मुझे पाप लगता है। तुमने तो मेरा त्याग नहीं किया, तुमने तो ग्रहण किया है। मुझे अपनी शैया पर स्थान दिया है, यही मेरे लिए सब कुछ है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझ दुखिया के लिए अपने पिता से विवाद न करना, मुझे इससे सुख प्राप्त न होगा। फिर भी तुम्हारे भरण पोषण का प्रबंध तो उन्हें करना ही चाहिए। जब उन्होंने मुझे त्याग दिया तो मैं उनसे भिक्षा भी न लूँगी। तुम्हारा निजी कुछ हो तो मैं ले सकती हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, केवल यह अंगूठी है, इसे ले जाओ और इसे बेचकर अपना काम चलाना। मैं कुछ कमाने की चेष्टा करूँगा, मैं तुम्हारे भरण पोषण का वचन देता हूँ। ब्रजेश्वर ने अंगूठी प्रफुल्ल को दे दी। प्रफुल्ल ने अंगूठी पहनकर पूछा, यदि तुम मुझे भूल गए तब? मैं अन्य सबको भूल सकता हूँ, तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा। आज के बाद यदि पहचान न सके तो? यह मुख मुझे कभी नहीं भूलेगा। मैं यह अंगूठी बेचूंगी नहीं, भूखी मरती रहूंगी तब भी नहीं। जब तुम मुझे न पहचानोगे तब तुम्हें यह अंगूठी दिखाऊंगी। इस पर क्या लिखा है? मेरा नाम। दोनों रोते रोते एक दूसरे से विदा हुए। नीचे आने पर प्रफुल्ल की भेंट सागर और नयन से हुई। नयन तारा बोली, दीदी रात को कहाँ सोई? तीर्थ करके क्या कोई मुंह से कहता फिरता है? तुम्हारा मतलब? सागर बोली, समझी नहीं? कल यह मुझे भगाकर लक्ष्मी बन बैठी और देखती हो उन्होंने इन्हें उपहार में अंगूठी भी दी है। अंगूठी देखकर नयन डाह से जल उठी। वह बोली, दीदी ससुर ने तुम्हारे प्रश्न का क्या उत्तर दिया जानती हो? प्रफुल्ल ब्रजेश्वर से आदर पाकर यह बात भूल ही गई थी। उसने पूछा, किस प्रश्न का उत्तर? तुमने पूछा था ना, तुम कैसे खाओगी? उन्होंने कहा कि चोरी डकैती करके खाने को कह दो। देखा जाएगा, कहकर प्रफुल्ल विदा हुई। बिना किसी से बात किए प्रफुल्ल चल दी। सागर द्वार तक उसके पीछे पीछे गई। द्वार पर प्रफुल्ल ने कहा, आज जा रही हूँ बहन, अब इस घर में पैर न रखूंगी। तुम जब अपने पिता के यहाँ जाओगी तो तुमसे वहीं आकर भेंट करूंगी। तुम मेरे पिता का घर जानती हो? जान लूंगी। तुम वहां आओगी? मुझे अब लज्जा किसकी है? तुम्हारी माँ तुमसे मिलने को खड़ी है। बगीचे के बाहर प्रफुल्ल की माँ खड़ी थी। प्रफुल्ल उनके पास चली गई। प्रफुल्ल और उसकी माँ अपने घर लौट गईं। प्रफुल्ल की माँ को बड़ा कष्ट हुआ, उसे ज्वर आ गया। औषधि का उचित प्रबंध न होने से ज्वर बढ़ता ही गया। फिर भी दोनों समय स्नान चलता रहा। कभी मिल जाने पर कुछ रूखा सूखा खा लिया। अंत में उसने खाट पकड़ लिया। ज्वर ने भयानक रूप धारण कर लिया और अंत में उसका प्राणांत हो गया। पड़ोस के उन्हीं व्यक्तियों ने जिन्होंने उनकी बदनामी की थी उनका दाह संस्कार किया। अब प्रफुल्ल अकेली रह गई। लोगों ने कहा, तुम्हें अपनी माँ का श्राद्ध करना होगा। प्रफुल्ल बोली, इच्छा तो है परंतु रुपया नहीं। मोहल्ले वाले बोले, तुम उसकी चिंता ना करो, हम सब कर लेंगे। श्राद्ध की तैयारी हुई। एक पड़ोसी बोला, सोच रहा हूँ कि श्राद्ध में तुम्हारे ससुर को भी बुलाया जाए। कौन बुलाने जाएगा? एक दो प्रतिष्ठित व्यक्ति उन्हें बुलाने को अग्रसर हुए। प्रफुल्ल बोली, तुम ही लोगों ने तो झूठी बात कहकर मेरा घर छुड़वाया था, अब तुम ही लोगों ने बुलाने जाओगे? आखिर क्या मोह लेकर तुम उन्हें बुलाने जाओगे? वे बोले, अब सब भूल जाओ, हम लोग सब ठीक कर देंगे। अब तुम अनाथ हो, तुम्हारे साथ हमारी कोई शत्रुता नहीं है। प्रफुल्ल उन्मत्त हो गई।
वे दोनों हरिबल्लव को निमंत्रण देने गए। हरिबल्लव बोले, क्यों ठाकुर, तुम ही लोगों ने तो समधिन को जातिच्युत किया था, अब तुम ही मुझे बुलाने आए हो। आप भी क्या बातें करते हैं, अरे पड़ोसियों में तो ऐसा झगड़ा चलता ही रहता है, उस बात में कोई तथ्य न था। हरिबल्लव ने सोचा, यह सब धोखा है, इन लोगों ने उस लड़की से रुपया खाया है, परंतु उसने रुपया पाया कहाँ से। हरिबल्लव ने निमंत्रण की बात पर ध्यान नहीं दिया, उनका हृदय प्रफुल्ल की ओर और भी कठोर हो गया। पड़ोसी हार कर लौट आए। प्रफुल्ल ने यथारीति श्राद्ध करके पड़ोसियों की सहायता से ब्राह्मणों का भोजन का प्रबंध किया। ब्रजेश्वर ने यह सुनकर सोचा, एक रात के लिए छिपकर वहां जाया जाए और प्रफुल्ल को देखकर रातों रात लौट आए। फूलमणि नाइन का घर प्रफुल्ल के घर के पास ही था। माँ की मृत्यु के बाद फूलमणि से प्रफुल्ल ने अपने घर में सोने को कहा था। फूलमणि विधवा थी, उस पर प्रफुल्ल की माँ के उपकार भी थे। फूलमणि ने प्रफुल्ल का कहना स्वीकार कर लिया। प्रफुल्ल की माँ के मरने के दिन से ही फूलमणि रात को प्रफुल्ल के पास सोने लगी। फूलमणि के चाल चलन को प्रफुल्ल नहीं जानती थी। फूलमणि प्रफुल्ल से 10 वर्ष बड़ी थी। वह देखने सुनने में बुरी न थी, परंतु कपड़े लत्ते जरा चटक मटक पहनती थी। निम्न श्रेणी की स्त्री, दूसरी बाल विधवा, सो चरित्र शुद्ध नहीं रख सकी। प्राण चौधरी गांव के जमींदार थे। उनका कारिंदा दुर्लभ चक्रवर्ती गांव में कचहरी करता था। फूलमणि पर उसकी विशेष कृपा थी। यह सब प्रफुल्ल ने न सुना हो सो बात नहीं, परंतु कौन अपना घर द्वार छोड़कर उसके पास आकर सोता। प्रफुल्ल ने सोचा, वह अच्छी हो या बुरी, मैं बुरी तो नहीं हूँ, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। श्राद्ध के दूसरे दिन फूलमणि कुछ देर से आ रही थी। रास्ते में एक आम की बगिया थी। फूलमणि ने पेड़ के नीचे एक पुरुष खड़ा देखा, वह दुर्लभ था। चक्रवर्ती महाशय ने फूलमणि से पूछा, क्यों आज कैसा रहेगा। हाँ आज ही ठीक है, तुम दो प्रहर रात्रि गए पालकी लेकर आना, द्वार पर सीधे दस्तक देना, मैं द्वार खोलूंगी, परंतु देखना गोलमाल ना होने पाए। तुम डरो मत, वह शोर तो नहीं करेगी। मैं धीरे से द्वार खोल दूंगी, उसके सोते ही मैं उसका मुंह कपड़े से बांध दूंगी, फिर कैसे चिल्लाएगी। इस प्रकार ले जाने से कितने दिन रहेगी। एक बार ले जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। जिसका कोई नहीं है, जिसको अन्न के भी लाले पड़े हैं, वह खाने को पाएगी, कपड़ा पाएगी, रुपया पाएगी, सुहाग पाएगी, रहेगी क्यों नहीं। यह जिम्मा मेरा रहा, मुझे रुपये और गहने मिलने चाहिए। दुर्लभ हाँ कह के चला गया। फूलमणि प्रफुल्ल के यहाँ गई। प्रफुल्ल को इस सर्वनाश की खबर भी न थी। वह अपनी माँ के विषय में सोचती सोचती सो गई। दो प्रहर गए, दुर्लभ ने द्वार पर दस्तक दी, फूलमणि ने द्वार खोल दिया। दुर्लभ ने प्रफुल्ल का मुंह बांधकर उसे पालकी में डाल लिया। कहार पालकी उठाकर प्राण बाबू के विहार मंदिर की ओर चल पड़े। आधे घंटे पश्चात ब्रजेश्वर वहां प्रफुल्ल को खोजते खोजते पहुंचा। वह सबसे छिपकर रात में आया था, उसे वहां कोई न मिला। लाचार होकर वह लौट गया। प्रफुल्ल की पालकी के कहार डाकुओं के भय से चुप थे। शोरगुल के भय से पालकी के साथ अधिक लोग न थे, केवल दुर्लभ और फूलमणि ही थे। मार्ग में बड़ा भारी जंगल था। कहारों को सामने से दो आदमी आते दिखाई दिए। कहारों को लगा मानो साक्षात यम चले आ रहे हों। एक बोला, मुझे संदेह है कि ये दोनों डाकू हैं। दूसरा बोला, रात में क्या भले आदमी घूमते हैं, आदमी बलवान मालूम होते हैं, उनके हाथों में शायद लाठियां भी हैं। चक्रवर्ती महाशय क्या करते, पांव नहीं उठते थे, डाकुओं के हाथों तो आज जान गई ही समझो। चक्रवर्ती बोला, वही तो, मैं जिस बात से डर रहा था वही हुआ। उन दोनों व्यक्तियों ने आवाज दी, कौन है रे। कहार पालकी छोड़कर बाप रे कहकर जंगल में भागे। दुर्लभ चक्रवर्ती भी भागा। फूलमणि बोली, मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो, वह चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़ी। जिन दो व्यक्तियों से डरकर यह भागे थे, वे दीनाजपुर की कचहरी में नौकरी की खोज में जा रहे थे। सवेरा निकट देखकर वे चल पड़े थे।
कहारों को भागते देख वे खूब हंसे और फिर अपने रास्ते पर चल गए। परंतु कहारों और चक्रवर्ती महाशय या फूलमणि ने फिर मुड़कर नहीं देखा। प्रफुल्ल ने पहले ही अपने हाथ मुंह खोल दिए थे। प्रफुल्ल कुछ देर हतबुद्धि सी रही, फिर उसने सोचा बिना साहस के काम न चलेगा। उसने धीरे धीरे पालकी का द्वार खोला। उसने देखा दो आदमी आ रहे हैं, फिर वे दोनों चले गए। तब प्रफुल्ल बाहर निकली। उसने देखा वहां कोई न था। प्रफुल्ल ने सोचा उसे चुरा कर ले जाने वाले वहां फिर जरूर लौटेंगे, इसलिए वह जंगल में छिप गई। सवेरा होने पर जो होगा देखा जाएगा, यह सोचकर वह जंगल में घुसी और कुछ ही देर में सवेरा हो गया। सवेरा होने पर प्रफुल्ल जंगल में इधर उधर घूमने लगी। उसने देखा एक पगडंडी थी। प्रफुल्ल पगडंडी पर चल पड़ी। पगडंडी पर प्रफुल्ल काफ़ी दूर निकल गई, परंतु ग्राम का कोई चिन्ह न मिला। फिर पगडंडी भी लुप्त हो गई, आगे रास्ता नहीं था। चलते चलते प्रफुल्ल ने देखा कि घोर जंगल में एक खंडहर था। प्रफुल्ल ने ईंटों के ढेर पर चढ़कर देखा, वहाँ दो कोठरियाँ भी थीं। उसने सोचा शायद वहाँ कोई मनुष्य हो। प्रफुल्ल ने खंडहर में प्रवेश किया तो द्वार खुला था। प्रफुल्ल ने किसी वृद्ध के कराहने का शब्द सुना। प्रफुल्ल उनके पास गई। वृद्ध के होंठ सूखे थे और आंखें गड्ढों में धंस गई थी। वृद्ध ने पूछा, तुम कौन हो बेटी? क्या कोई देवी हो? मृत्यु के समय मेरा उद्धार करने आई हो? प्रफुल्ल बोली, मैं अनाथ हूँ, रास्ता भूलकर इधर आ निकली हूँ। देखती हूँ तुम भी अनाथ हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकती हूँ? बहुत सहायता कर सकती हो बेटी, मुरली वाले की जय हो। थोड़ा पानी पिला दो बेटी। प्रफुल्ल ने थोड़ा पानी लाकर वृद्ध को पिलाया। पानी पीकर वृद्ध कुछ स्वस्थ हुआ। प्रफुल्ल को जंगल में वृद्ध को देखकर बहुत कौतूहल हुआ। वह अधिक बोल नहीं सकता था, इसलिए वह उसका परिचय न पा सकी। फिर भी वृद्ध ने कुछ बताया कि वह वृद्ध वैष्णव था और अन्य उसका कोई नहीं था। एक वैष्णवी थी जो उसे मरता देख उसका सब कुछ लेकर चंपत हो गई थी। उसने प्रफुल्ल से प्रार्थना की, मुझे मरने पर घसीट कर समाधि में डाल देना। प्रफुल्ल ने स्वीकार कर लिया। तब वृद्ध बोला, यहाँ मेरा कुछ रुपया गड़ा है, उसे वैष्णवी नहीं जानती थी, जानती तो उसे भी लेकर चंपत हो जाती। यह रुपया यदि बिना किसी को दिए मर जाऊँगा तो मेरी आत्मा यहीं मंडराती रहेगी और मेरी मुक्ति न हो सकेगी। यह रुपया वैष्णवी को ही देता, परंतु वह दुष्ट स्त्री भाग गई, अब वह तुम्हें दिए जाता हूँ। बिछावन के नीचे एक तख्ता है, उसे उठाना। उसके नीचे एक सुरंग मिलेगी। सीढ़ी से नीचे उतरना, डरना नहीं, रोशनी लेकर जाना। नीचे एक कोठरी है, उसकी खिड़की में तुम्हें रुपया मिलेगा। प्रफुल्ल वृद्ध की सेवा करती रही। वृद्ध बोला, गौशाला में एक गाय है, दूध दूह सको तो दूध लाओ। प्रफुल्ल ने वही किया जो वृद्ध ने उससे कहा। तीसरे प्रहर वृद्ध का प्राणांत हो गया। प्रफुल्ल ने उसे ले जाकर समाधि में लिटाकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर पास के कुएं पर स्नान कर आधी धोती पहनी, आधी सुखा ली। तब वह फरसा कुदाल लेकर वृद्ध के रुपये की खोज में चली। वृद्ध उसे रुपया दे गया था, इसलिए उसे लेने में कोई दोष नहीं था। प्रफुल्ल ने तख्ता उठाया, उसके नीचे एक गड्ढा दिखाई दिया। प्रफुल्ल ने देखा उसमें उतरने की सीढ़ी थी। प्रफुल्ल को चकमक, सलाई इत्यादि सब कुछ मिल गया। वह गौशाला से कुछ फूस ले आई और उसे जलाकर सीढ़ियों से उतरने लगी। फरसा कुदाल उसने पहले से ही नीचे फेंक दिए थे। नीचे एक कोठरी थी, उसने फूस जलाया, कोठरी में प्रकाश हो गया। प्रफुल्ल बताए हुए स्थान पर खोदने लगी। खोदते खोदते ठन्न की आवाज़ हुई। प्रफुल्ल को वहाँ पर्याप्त धन मिला। धन के घड़ों को अच्छी तरह गाड़ कर वह बाहर आकर सो गई। पुलाव के बिछावन पर पड़ते ही उसे नींद आ गई। डाकुओं के भय से फूलमणि दौड़ती हुई दुर्लभ के पीछे पीछे भागी थी, परंतु दुर्लभ को अपने प्राणों की पड़ी थी। वह फूलमणि की क्या चिंता करता? फूलमणि जितना चिल्लाती उतना ही दुर्लभ और तेज भागता जाता था। कांटों के जंगल में दुर्लभ दौड़ा तो उसकी धोती ढीली हो गई और एक पैर कीचड़ में फंस गया।
फूलमणि चिल्लाई, अरे नीच, एक स्त्री को जंगल में लाया और अब डाकुओं को सौंप कर भाग रहा है। यह सुनकर दुर्लभ और जोर से भागा। हार कर फूलमणि रोने लगी और दुर्लभ को गालियां देने लगी। कुछ देर में फूलमणि ने देखा वह न तो डाकू थे और न ही दुर्लभ। कुछ देर सोचकर वह जंगल से बाहर निकल आई। पालकी खाली थी, वहां किसी को न पाकर वह घर की ओर चल पड़ी। दिन निकलने पर वह घर पहुंची। फूलमणि चुपचाप द्वार बंद करके सो रही थी। उसकी बहन ने आकर उसे जगाया और पूछा, क्यों री, तू अभी आई है क्या? क्यों, मैं कहाँ गई थी? जाएगी कहाँ, ब्राह्मण के घर गई थी। इतनी देर को लौटी है, यह मैं पूछ रही हूँ। तू तो अंधी है, सवेरे तेरे सामने यहाँ आकर सोई, तूने देखा नहीं क्या? मैं सवेरे से 3 बार ब्राह्मण के घर जाकर आई हूँ, वहाँ कोई न मिला। बता, प्रफुल्ल कहाँ है? चुप दीदी चुप, यह सब बात मत पूछ। क्यों, क्या हुआ? हमें ब्राह्मण देवताओं के कर्मों से क्या मतलब? या क्या कह रही है तू? किसी से कहना मत, कल उसकी माँ आकर उसे ले गई। हैं, माँ आकर उसे ले गई? फूलमणि ने एक कहानी गढ़ी कि प्रफुल्ल के बिछावन पर उसने उसकी माँ को देखा, फिर कमरे में एक आंधी उठी, फिर वहाँ कोई न दिखाई दिया। उसने अपनी बहन से मना किया कि यह सब वो किसी से न कहे। उधर सवेरे उठकर प्रफुल्ल ने सोचा कि अब वह कहाँ जाए। सोचा घर लौट जाए, परंतु वहाँ से फिर डाकू उसे उठा ले जाएंगे और वह धन कैसे ले जाए? लोगों में उठवा कर ले गई बात तो फैलेगी ही। बहुत कुछ सोचकर प्रफुल्ल ने वहीं रहने का निश्चय किया। उसके लिए दुर्गापुर और जंगल में कोई अंतर न था। यह निश्चय कर प्रफुल्ल घर के काम में जुट गई। घर में झाड़ू लगाई, फिर रसोई बनाने का प्रबंध करने लगी, परंतु बनाए क्या, हांडी में चावल दाल कुछ भी न था। प्रफुल्ल एक मोहर लेकर बाजार की खोज में निकली। प्रफुल्ल बड़ी साहसी लड़की थी, वह एक पगडंडी पर चल पड़ी। जंगल में उसकी भेंट एक ब्राह्मण से हुई। ब्राह्मण राम नामी ओढ़े था, उसके मस्तक पर तिलक था। वह प्रफुल्ल को देखकर बोला, कहाँ जाओगी माँ? मैं बाजार जाऊंगी। इधर बाजार का मार्ग कहाँ है? तो फिर किधर है? तुम कहाँ से आ रही हो? इसी जंगल से। इस जंगल में तुम्हारा घर है? हाँ। फिर तुम बाजार का रास्ता नहीं जानती? मैं नहीं आई हूँ। इस जंगल में तो स्वयं कोई नहीं आता, तुम कैसे आई? आप मुझे बाजार का रास्ता बता दीजिए। बाजार जाने में 1 प्रहर लगेगा, तुम अकेले ना जा पाओगी, चोर डाकुओं का भय रहता है। तुम्हारा और कौन है? कोई नहीं। ब्राह्मण कुछ देर प्रफुल्ल का मुख देखता बोला, तुम अकेली बाजार मत जाओ, विपत्ति में पड़ोगी। यहाँ मेरी एक दुकान है, यदि इच्छा हो तो वहाँ से चावल दाल खरीद लो। प्रफुल्ल बोली, ठीक है, परंतु आप तो पंडित मालूम देते हैं। पंडित अनेक प्रकार के होते हैं, तुम मेरे साथ आओ माँ। ब्राह्मण प्रफुल्ल को अपने साथ घने जंगल में ले गया। प्रफुल्ल डरी, तभी सामने एक कुटी दिखाई दी। कुटी का ताला बंद था, ब्राह्मण ने ताला खोला। प्रफुल्ल ने देखा दुकान नहीं थी, फिर भी हांडी पर चावल दाल नून तेल सब थे। ब्राह्मण बोला, तुम जितना ले जा सको ले जाओ। प्रफुल्ल आवश्यकता अनुसार लेकर बोली, इनका दाम कितना हुआ? 1 आना। 1 आना तो मेरे पास नहीं है। रुपया है? लाओ, बाकी मैं पैसे वापस कर दूंगा। मेरे पास रुपया भी नहीं है। तब बाजार क्या लेकर जा रही थी? 1 मोहर है। देखूं? प्रफुल्ल ने मोहर दिखाई। ब्राह्मण ने देखकर लौटा दी। वह बोला, मोहर भुनाने लायक मेरे पास पैसे नहीं हैं। चलो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूं, मुझे वहीं पैसे दे देना। मेरे घर में भी पैसा नहीं है। तो सभी मोहरे हैं? खैर चलो, घर देखाऊं, जब पैसा होगा तब दे देना, मैं जाकर ले आऊंगा। सभी मोहरे हैं, यह बात प्रफुल्ल को भली न लगी। उसने समझा कि यह चतुर ब्राह्मण समझ गया है कि उसके पास बहुत सी मोहरे हैं, इसीलिए उसका घर देखना चाहता है। प्रफुल्ल सब चीज़ें वहीं रखकर बोली, मुझे बाजार जाना ही होगा, कुछ कपड़ों की भी आवश्यकता है। ब्राह्मण हंसकर बोला, माँ
सोचती हो तुम्हारा घर देखकर मैं तुम्हारे मोहरे चुरा लूँगा? क्या बाजार जाकर मुझसे बच पाओगी? मैं पीछा न छोड़ूंगा तो क्या करोगी? प्रफुल्ल कांपने लगी। ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हारे साथ छल न करूंगा। मैं डाकुओं का सरदार हूं, मेरा नाम भवानी पाठक है। यह सुनकर प्रफुल्ल को काठ मार गया। भवानी पाठक का नाम उसने दुर्गापुर में सुना था। वह विख्यात डाकू था। उसके भय से सारी वीरेंद्र भूमि कांपती थी। प्रफुल्ल कुछ न बोली। भवानी बोला, विश्वास न हो तो देखो। यह कहकर वह एक नगाड़ा लाया और उस पर चोटे की। एक क्षण में लगभग 50 जवान वहां आ गए। वे बोले, क्या आ गया है सरदार? भवानी बोला, इस लड़की को पहचान लो, इसको मैंने माँ कहा है। तुम सब भी इसे माँ कहना और माँ की तरह ही मानना, इसका कोई अनिष्ट न हो। बस जाओ। यह सुनते ही डाकुओं का दल लुप्त हो गया। प्रफुल्ल आश्चर्यचकित रह गई। वह समझ न सकी। अब उसकी शरण के अतिरिक्त अन्य कोई चारा भी नहीं है। वह बोली, चलिए आपको अपना घर दिखा दूं। वह सामग्री उठाकर आगे आगे चली। उसके पीछे पीछे भवानी पाठक चले। उस टूटे घर में पहुंचकर प्रफुल्ल ने बोझा उतारा और भवानी पाठक को सादर बिठाया। भवानी पाठक बोले, इसी टूटे घर में तुम्हें मोहरे मिली थी? जी हाँ। कितनी मोहरे मिली? बहुत। ठीक से बताओ कितनी। मुझे धोखा दोगे तो हमारे आदमी यहाँ आकर सब खोद लेंगे। 20 घड़े। यह धन लेकर तुम क्या करोगी? अपने घर ले जाऊंगी। इन्हें तुम रख सकोगी? यदि आपकी सहायता पाऊं तो। इस वन पर मेरा अधिकार है, इसके बाहर मेरी शक्ति नहीं है। इन्हें इस वन के बाहर ले जाने पर मैं तुम्हारी रक्षा न कर पाऊंगा। तब मैं इसी जंगल में ही रहूंगी। आप मेरी रक्षा करेंगे ना? करूंगा, परंतु इतना धन तुम करोगे क्या? लोग धन लेकर क्या करते हैं? भोग करते हैं। मैं भी भोग करूंगी। भवानी ठाकुर सुनकर हंस पड़े। प्रफुल्ल लज्जित हो गई। भवानी बोले, माँ, बच्चों जैसी तुम्हारी बात सुनकर हंसी आ गई। अभी तुमने कहा तुम्हारा कोई नहीं, फिर तुम किसके साथ भोग करोगी? अकेले क्या ऐश्वर्य भोगा जाता है? प्रफुल्ल ने सिर झुका लिया। भवानी बोले, सुनो, कुछ लोग ऐश्वर्य पाकर भोग करते हैं, कुछ पुण्य संचय करते हैं और कुछ नरक का रास्ता बनाते हैं। तुम भोग नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारा कोई है नहीं। या तो तुम पुण्य संचय कर सकती हो या नरक का मार्ग बना सकती हो। बोलो, तुम्हें कौन सा रास्ता पसंद है? प्रफुल्ल बोली, ये बातें तो डाकुओं के सरदार जैसी नहीं है। नहीं, मैं केवल डाकुओं का सरदार ही नहीं हूँ, मैंने तुम्हें माँ कहा है। इस समय तुम्हारा जिसमें लाभ होगा मैं वही कहूँगा। धन भोग तुम नहीं कर सकती क्योंकि तुम अकेली हो। ऐसी दशा में धन से तुम खूब पाप या पुण्य कर सकती हो। तुम क्या करना चाहती हो यह मैं सुनना चाहता हूँ। यदि कहूँ कि पाप करूँगी, तब मैं अपने आदमियों द्वारा यह धन तुम्हारे साथ इस जंगल के बाहर भेज दूंगा। वन में मेरे बहुत से अनुचर धन के लोभ में तुम्हारे साथ पापाचार करने को तैयार हो जाएंगे। तुम्हारी पाप इच्छा होने पर मैं तुम्हें इसी क्षण यहाँ से विदा करने को बाध्य हो जाऊंगा। इस धन को मैं अपना नहीं समझता। मेरे साथ यदि आप मेरा धन भेज देंगे तो इसमें मेरी क्या हानि होगी? तुम रख पाओगी इसे? तुम युवती हो, रूपवती हो, डाकुओं के हाथ से छुटकारा पा सकती हो। तुम पाप की लालसा पूरी नहीं होगी, उससे पहले ही धन समाप्त हो जाएगा। धन कितना ही क्यों न रहे, समाप्त होने में देर न लगता है। उसके बाद? उसके बाद क्या? नरक का रास्ता साफ हो जाएगा, लालसा रहेगी और उसकी तुष्टि का साधन न रहेगा। यही नरक का रास्ता है। पुण्य संचय करोगी? बाबा, मैं गृहस्थ की लड़की हूँ, पाप को पहचानती भी नहीं। मैं क्यों पाप करने जाऊँगी? मैं कंगाल हूँ, मुझे रोटी कपड़े के अलावा और कुछ न चाहिए। मुझे धन भी न चाहिए। यह सब धन तुम ले लो, मेरे लिए मुट्ठी भर अन्न का प्रबंध कर देना, बस। भवानी प्रसन्न होकर बोले, नहीं, यह धन तुम्हारा ही है, मैं इसे नहीं लूँगा। प्रफुल्ल आश्चर्यचकित हुई। भवानी बोले,
सोचती होगी करता तो डकैती और लूटपाट है, फिर मेरे साथ कपट क्यों? खैर, कारण अभी तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। यदि तुमने पापाचरण करना चाहा तो मैं यह धन अभी लूट सकता हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा। एक बार फिर पूछता हूँ, यह धन लेकर तुम क्या करोगी? मैं देख रही हूँ कि आप ज्ञानी पुरुष हैं, आप मुझे परामर्श दीजिए, मैं इस धन का क्या करूँ? शिक्षा देने में 5-7 वर्ष लगेंगे, यदि चाहोगे तो मैं सिखा दूंगा। इस बीच तुम्हें यह धन नहीं छूना होगा, तुम्हें खाने पहनने का कोई कष्ट न होगा, तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, परंतु मैं जो कहूँगा बिना वाद विवाद मानना होगा। कहो, स्वीकार है? रहूँगे कहाँ? यही, इस घर की कुछ और मरम्मत करवा दूंगा। यहाँ अकेले ही रहना होगा? नहीं, मैं 2 स्त्रियों को और भेज दूंगा, वे तुम्हारे पास रहेंगी। उनसे डरना मत, इस जंगल का मालिक मैं हूँ, मेरे रहते तुम्हारा कोई भी अनिष्ट न होगा। आपकी शिक्षा कैसी होगी? तुम पढ़ना लिखना जानती हो? नहीं। तो पहले पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। प्रफुल्ल राजी हो गई, उस जंगल में एक सहायक पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। वहाँ से विदा होकर भवानी ठाकुर ने बाहर आकर देखा, एक व्यक्ति उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। भवानी ने पूछा, रंगराज तुम यहाँ क्यों आए? आपको ढूंढने। आप यहाँ कैसे आए? इतने दिनों से जो खोजता था वह आज पा गया। राजा? नहीं, रानी। राज रानी खोजने की अब आवश्यकता नहीं रही, अंग्रेजी राज्य कायम हो गया है। सुना है कलकत्ते में हेस्टिंग साहब अपना राज्य स्थापित कर रहे हैं। मैं क्या खोजता था तुम्हें मालूम है? वह पा गए? वह पाने योग्य वस्तु नहीं है, स्वयं बनाना होगा। ईश्वर लोहा बनाते हैं, मनुष्य तलवार गढ़ लेता है, अब 5-7 वर्ष गढ़ना पड़ेगा। इस घर में मेरे सिवा कोई और पुरुष ना आए। लड़की युवती है और सुंदर है। जो आ गया, जागीरदार के आदमियों ने रंजनपुर लूट लिया है, उसी के लिए मैं आपको खोज रहा था। चलो हम जागीरदार को लूटकर उसका धन गांव वालों को लौटा दें। भवानी ठाकुर ने प्रफुल्ल के पास 2 स्त्रियां भेज दी, एक कहीं आने जाने के लिए और एक प्रफुल्ल के पास रहने के लिए। दोनों ने प्रफुल्ल को प्रणाम किया। प्रफुल्ल ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? एक दूसरे की ओर संकेत करके बोली, यह कुछ बहरी है, इसे गोबरा की माँ कहते हैं। गोबरा की माँ? तुम्हारे कितने लड़के हैं? मैं लड़ाकी नहीं हूँ, सब लोग झूठ ही मुझे लड़ाकी कहते हैं। अरे अच्छा, तुम कौन सी जाति से हो? जा सकूँगी? हाँ हाँ, जहाँ कहोगे वहाँ जाऊँगी। तुम कौन लोग हो? क्या और लोग? और लोग लेकर क्या करोगी, मैं सब काम कर लूँगी। अच्छा, कौन काम ना कर सकोगी? पानी ना भर सकूँगी, मेरे बदन में जोर नहीं है, कपड़ा भी बेटी तुम ही धो लेना। और सब काम कर लोगी? बर्तन भी तुम ही मांझ लेना। अच्छा, यह भी ना कर सकोगी, तो करोगी क्या? हाँ, घर झाड़ने का काम भी मुझसे नहीं होता। अरे तब तुमसे होता क्या है? और जो कहोगी सो करूँगी, रस्सी बांटूंगी, पानी बहा दूंगी, अपनी जूठी पत्तन फेंक दूंगी, असल काम सब कर दूंगी, बाजार हो आऊँगी। दुकानदारों का हिसाब कर लोगी? बुढ़िया हो गई हूँ, अब वह नहीं होता। हाँ, जितना पैसा दोगी वह खर्च कराऊंगी। तुम यह ना कह सकोगी कि मैंने यह नहीं किया वह नहीं किया। अच्छा बाबा, तुम जैसे गुणवान मैं कहाँ पाऊंगी? यह तो तुम्हारा बड़प्पन है बेटी। प्रफुल्ल ने दूसरी स्त्री से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? यह नहीं जानती बहन। यह क्या, माँ बाप ने नाम नहीं रखा क्या? दूसरी ने कहा, रखा होगा, मुझे मालूम नहीं। क्यों? इसकी समझ होने के पूर्व ही मैं उनसे बिछुड़ गई थी, बचपन में ही बच्चे पकड़ने वाले ने मुझे चुरा लिया था। अच्छा,
तो उन लोगों ने भी तो कोई नाम रखा होगा। कई नाम रखे। क्या क्या? मोहजली, अभागी, चुड़ैल। गोबरा की माँ बोली, जो मुझे मोहजली कहे वह स्वयं चुड़ैल, वह स्वयं मोहजली बांझ कहेगी। दूसरी हंसकर बोली, अरे मैंने तुम्हें नहीं कहा। गोबरा की माँ बोली, कहा कैसे नहीं, अवश्य कहा होगा, तू मुझे क्यों गाली देती है। प्रफुल्ल हंसकर बोली, तुम्हें नहीं मुझे कहा। इस ब्राह्मणी की जबानी खराब है, तुम क्रोध न करना। गोबरा की माँ को अपने लिए उत्तेजित व दूसरे के लिए शांत देख प्रफुल्ल और युवती खूब हंसी। प्रफुल्ल दूसरी से बोली, तुम ब्राह्मणी हो, तब से क्यों नहीं बताया, मैं प्रणाम करती हूँ तुम्हें। वह आशीर्वाद देकर बोली, मैं ब्राह्मण की लड़की अवश्य हूँ, परंतु ब्राह्मणी नहीं हूँ। वह कैसे? मुझे कोई ब्राह्मण नहीं मिला। तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? बच्चे पकड़ने वाले क्या विवाह कराते हैं? क्या तब से तुम उन्हीं के बीच रही हो? उन्होंने मुझे एक राजा के यहाँ बेच दिया था। तो राजा ने तुमसे विवाह नहीं किया? राजकुमार करना चाहते थे, परंतु गंधर्व। अपने से? वह भी पता नहीं कितने दिन के लिए। फिर मैं वहाँ से भाग आई। फिर? मैं वहाँ से रानी का गहना लेकर भागी थी। मार्ग में डाकुओं ने मुझे पकड़ लिया। भवानी ठाकुर उनके सरदार थे, उन्होंने मेरी कहानी सुनकर मेरा गहना नहीं लिया, साथ में कुछ और दे दिया। उन्होंने मुझे यहाँ आने का आश्रय दिया, मैं उनकी कन्या के समान हूँ। उन्होंने एक तरह से मेरा विवाह कर दिया। एक तरह से क्या मतलब? मेरे सर्वस्व श्री कृष्ण भगवान हैं। वह कैसे? वह बोली, मेरा रूप, यौवन, प्राण सब उन्हीं को अर्पण है। वह तुम्हारे पति हैं? जो संपूर्ण रूप से मेरे अधिकारी हैं, यह वही हैं। प्रफुल्ल लंबी सांस लेकर बोली, क्या जानू, तुमने कभी पति नहीं देखा, इसी से यह कहती हो। पति देखा होता तो कृष्ण में मन न लगता। श्री कृष्ण में सब लड़कियों का मन लग जाता है, उनका रूप, यौवन, ऐश्वर्य सब कुछ अनंत है। वह भवानी ठाकुर की शिष्या थी, इस बात का उत्तर न दे सकी। अंततः जगदीश्वर हिंदुओं के हृदय में सअंत श्री कृष्ण बनकर निवास करते हैं, पति और भी सअंत है। इसलिए प्रेम पवित्र हो तो पति ईश्वर प्राप्ति की पहली सीढ़ी है। इसी से हिंदू स्त्रियों का पति ही परमेश्वर होता है। प्रफुल्ल बोली, बहन यह सब मेरी समझ में नहीं आया, तुमने अपना नाम नहीं बताया। भवानी ठाकुर ने निशी नाम रखा है, मैं दीवा की बहन निशी हूँ। स्त्री का देवता पति है और श्री कृष्ण सबके देवता हैं, तो मैं दो देवता क्यों बनाऊँ बहन? स्त्रियों की भक्ति का कोई अंत है क्या? स्त्रियों के प्रेम का अंत नहीं, भक्ति एक चीज है, प्रेम दूसरी। मेरे लिए तो दोनों नए हैं, मैं तो आज तक एक को भी न जान पाई। प्रफुल्ल रोने लगी। निशी बोली, मालूम देता है बहन, तुमने बहुत दुख पाया है। निशी ने प्रफुल्ल के आंसू पोंछ दिए। वह बोली, मैं यह नहीं जानती थी। तब निशी ने जाना, ईश्वर भक्ति की पहली सीढ़ी पति भक्ति ही है। जिस दिन दुर्लभ चक्रवर्ती प्रफुल्ल को चुरा कर ले गया था, उसी रात्रि को ब्रजेश्वर दुर्गापुर में प्रफुल्ल के यहाँ गया था। ब्रजेश्वर घुड़सवारी में बहुत तेज था, वह चुपचाप अंधेरे में घोड़े पर रवाना हुआ था। प्रफुल्ल की झोपड़ी में जाकर उसने देखा, वहाँ कोई न था, चारों ओर अंधकार था। पड़ोसी भी कोई न मिला जिससे कुछ पूछता। सोचा, शायद किसी संबंधी के यहाँ चली गई होगी। पिता के डर से वह उसी समय घर लौट आया। दिन बीतने लगे, हरिबल्लव की गृहस्थी चल रही थी, परंतु ब्रजेश्वर का जीवन सुखी न रहा। वह किसी से बात न करता था, किसी से मिलता भी न था। धीरे धीरे माँ को पता चला। उन्होंने देखा
ब्रजेश्वर बहुत थोड़ा खाकर उठ जाता था। उन्होंने समझा लड़के को मंदाग्नि है, वैद्य बुलाने की बात हुई। ब्रजेश्वर ने बात हंसकर टाल दी। वृद्धा ने एक दिन ब्रजेश्वर से पूछा, क्यों रे ब्रजेश्वर, तू बहू का मुंह भी नहीं देखता, आखिर क्यों? ब्रजेश्वर हंसकर बोला, थोड़ी तबीयत खराब है ना, इसीलिए इच्छा नहीं होती। खैर, यह तो नयन बहू जाने, परंतु खाना तो बना देती है ना, तुम खाना बनाती हो ना? हाँ, मैं तो हमेशा ही खाना बनाती हूँ। अब तुम्हारे हाथ पक गए हैं, दूध क्यों नहीं पीता? क्या वह भी मैं ही बनाती हूँ? गायों का दूध अच्छा नहीं रहा। तो दिन भर क्या सोचता रहता है? सोचता हूँ कि तुम्हें कब गंगा ले जाऊँ। बक बक ना कर, वह समय आने पर तू मुझे होम के नीचे फूंक देगा। तो मुझे गंगा ले जाने के लिए तू इतना दुबला हो गया है, क्या यह कम चिंता की बात नहीं है? कल नदी के किनारे बैठकर तू आंखों से आंसू क्यों गिरा रहा था पगले? मैं रो रहा था कि नहाते ही तुम्हारा भोजन करना पड़ेगा, इसी से आंखें भर आई। सागर को बुलवा दूं रसोई बनाने को? क्यों, सागर का खाना क्या तुम जानती नहीं हो? तो फिर प्रफुल्ल को बुलवा दूं? प्रफुल्ल का नाम सुनकर ब्रजेश्वर के मुख की दशा बदली। वह बोला, वह तो बागदी है ना? वह बागदी नहीं है, यह बात झूठ है। तुम्हारे पिता समाज से डरते हैं, परंतु लड़के से तो समाज बड़ा नहीं। मैं बात चलाऊं? नहीं, मैं अपने लिए पिता को समाज में बदनाम न करूंगा। उस दिन और बातें न हुई। ब्रह्म ठकुरानी सब कुछ न समझ पाई। प्रफुल्ल रूपवती थी। फिर उस रात्रि में ब्रजेश्वर ने देखा कि प्रफुल्ल जैसी सुंदर थी वैसे ही मधुर भी थी। यदि प्रफुल्ल स्त्री का अधिकार प्राप्त कर वहाँ आ जाती तो उसके गुणों पर सब छा जाते, परंतु यह नहीं हुआ। प्रफुल्ल विद्युत की तरह चमक कर सदा के लिए बादल में छिप गई थी, इसीलिए यह सब हो रहा था। ब्रजेश्वर का हृदय प्रफुल्लमय था, उसमें अन्य किसी के लिए स्थान नहीं रहा था। वृद्धा यह नहीं समझ सकी। कुछ दिन पश्चात फूलमणि की फैलाई हुई प्रफुल्ल के मरने की बात हरिबल्लभ के यहाँ पहुँची। यहाँ समाचार आया कि प्रफुल्ल वायुश्लेष्मा से मर गई। मरने के पहले उसने अपनी मृत माँ को देखा था, यह बात ब्रजेश्वर ने भी सुनी। हरिबल्लभ ने श्राद्ध करने के लिए मना कर दिया। वह बोले, बागदी का श्राद्ध ब्राह्मण करेंगे? नयनतारा ने भी स्नान किया। वह बोली, एक पाप कटा, दूसरी के लिए भी स्नान कर पाऊँ तो छाती ठंडी हो जाए। कुछ दिनों में ब्रजेश्वर ने खाट पकड़ ली। रोग विशेष कुछ न था, बस कुछ कुछ बुखार था। वैद्य की औषधि से लाभ न हुआ। ब्रजेश्वर ने प्राणों की बाजी लगा दी थी। अब बात छिपी न रही। पहले वृद्धा ने समझा, फिर गृहिणी ने भी समझा। गृहिणी ने समझा तो गृहस्वामी भी जान गए। अब हरिबल्लभ की छाती पर चोट लगी। वह रोकर बोले, यह मैंने क्या किया, अपने ही हाथों तो अपना घर उजाड़ दिया। गृहिणी बोली, लड़का न बचेगा तो मैं विष खा लूंगी। हरिबल्लभ ने प्रतिज्ञा की कि यदि प्रभु इस बार ब्रजेश्वर को बचा लें तो फिर उसकी इच्छा जाने बिना कोई कार्य न करेंगे। ब्रजेश्वर बच गया, धीरे धीरे वह निरोग हो गया। ब्रजेश्वर प्रफुल्ल को भूलने का प्रयत्न करने लगा। उसके पिता प्रफुल्ल की मृत्यु का कारण है यह याद करके ब्रजेश्वर व्याकुल हो उठता था। उधर प्रफुल्ल की शिक्षा आरंभ हुई। निशि ने उसे अक्षर ज्ञान कराया, वर्णमाला और अंक प्रफुल्ल ने उससे सीखे। फिर पाठक जी ने स्वयं अध्यापन कार्य किया। पहले व्याकरण पढ़ाया, दो चार दिन पढ़ाकर वह बहुत विस्मित हुए। प्रफुल्ल की बुद्धि बहुत प्रखर थी, वह बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने लगी। उसके परिश्रम को देखकर निशि भी चकित हुई। वह दिन रात व्याकरण पढ़ती थी। व्याकरण समाप्त हुआ, अब प्रफुल्ल काव्य पर छा गई।
उस पर भी उसका अधिकार हो गया था। रघुवंशम, कुमार संभव, नेपथ्य, शाकुंतलम उसने सब पढ़ा। फिर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया और अंत में भगवत गीता पढ़ी। 5 वर्षों में शिक्षा पूर्ण हुई। साथ साथ दूसरी शिक्षा भी चली। गोबरा की माँ केवल बाजार से सौदा ला देती थी, निशी भी सहायता अधिक न देती थी। प्रफुल्ल को सब काम स्वयं करना पड़ता था, इससे उसको कष्ट नहीं होता था। उसके आहार के लिए भवानी ठाकुर ने मोटा चावल, नमक, घी और कच्चे केले का प्रबंध किया था। निशी वही खाती थी। प्रफुल्ल को भी उसमें बहुत आनंद आता था, क्योंकि माँ के यहाँ वह इतना भी नहीं पाती थी। परंतु एक बात में प्रफुल्ल ने भवानी ठाकुर की बात न सुनी। एकादशी के दिन वह मछली अवश्य खाती थी। यदि गोबरा की माँ मछली न लाती तो वह किसी तालाब से पकड़ लाती थी। दूसरे वर्ष के आहार में प्रफुल्ल को नमक, मिर्च, भात और एकादशी को मछली मिलने लगी थी। तीसरे वर्ष मिठाई, घी, मक्खन, फल इत्यादि सब कुछ मिलने लगा, परंतु प्रफुल्ल वही नमक, मिर्च और भात खाती थी। वह निशी के साथ बैठकर खाती थी। निशी भी मिठाई बहुत न खाती थी, वह सब गोबरा की माँ को दे देती थी। चौथे वर्ष भोजन की व्यवस्था कुछ और अच्छी हुई, परंतु प्रफुल्ल ने वही खाया जो खाती थी। पांचवें वर्ष इच्छा अनुसार खाना खाने की आज्ञा मिली, परंतु प्रफुल्ल ने भोजन में कोई परिवर्तन न किया। वस्त्र पहनने को भी इसी प्रकार पहले वर्ष 2 धोतियाँ मिली, दूसरे वर्ष चादर, तीसरे वर्ष गर्मियों में मोटे गाढ़े की धोती और जाड़ों में मलमल की, चौथे वर्ष ढाका की धोतियाँ मिली, पांचवें वर्ष इच्छानुसार, परंतु प्रफुल्ल मोटा गाढ़ा ही पहनती रही। केशों के लिए तेल निषेध था, बाल रुखे ही बांधने पड़ते थे। दूसरे वर्ष खुले रहे, तीसरे वर्ष सिर मुड़वा दिया गया, चौथे वर्ष केश निकले। भवानी ठाकुर ने सुगंधित तेल लगाकर संवारने की आज्ञा दी। पांचवें वर्ष इच्छानुसार केस रखने की आज्ञा मिल गई। प्रफुल्ल ने पांचवें वर्ष बालों को हाथ भी न लगाया। प्रफुल्ल ने अपने बदन को वायु, धूप, आग सहन करने के योग्य बना लिया था। भवानी ठाकुर ने प्रफुल्ल को एक और शिक्षा प्राप्त करने को कहा। भवानी ठाकुर बोली, तुम्हें मल्ल युद्ध सीखना होगा। प्रफुल्ल लज्जा से सिर झुकाकर बोली, ठाकुर यह मैं नहीं सीख पाऊंगी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्यों ठाकुर? स्त्री मल्ल युद्ध क्यों सीखे? इंद्रियों पर विजय पाने के लिए? मुझे मल्ल युद्ध कौन सिखाएगा? पुरुष से मैं न सीखूंगी, निशी सिखाएगी। प्रफुल्ल ने 4 वर्ष तक मल्ल युद्ध भी सीखा। पहले वर्ष भवानी ठाकुर ने प्रफुल्ल के पास किसी पुरुष को जाने नहीं दिया था, न उसे किसी पुरुष से बातें करने दी थी। दूसरे वर्ष बातें करने पर प्रतिबंध न रहा। तीसरे वर्ष भवानी ठाकुर अपने चुने हुए शिष्यों को लेकर प्रफुल्ल के पास जाने लगे। वह उन लोगों से शास्त्रीय बातें करती थी। चौथे वर्ष भवानी ठाकुर अपने चुने हुए लठैतों के साथ प्रफुल्ल का मल्ल युद्ध कराते। पांचवें वर्ष सब बंधन खुल गए। अब जब वह पुरुषों से बातें करती तो उन्हें अपना पुत्र समझती थी। इस प्रकार अतुल ऐश्वर्यशालिनी प्रफुल्ल भवानी ठाकुर के दिशा दर्शन में सिद्ध हस्त हुई। 5 वर्षों में सब शिक्षा प्राप्त हुई उसे। एकादशी के दिन मछली खाने के अतिरिक्त प्रफुल्ल ने भवानी ठाकुर की जो बात न मानी वह था उसका परिचय। भवानी ठाकुर पूछ कर भी कुछ न जान पाए। 5 वर्षों का अध्ययन समाप्त कर भवानी ठाकुर प्रफुल्ल से बोले, 5 वर्षों की तुम्हारी शिक्षा समाप्त हुई, अब तुम अपना धन अपनी इच्छा से व्यय करो, मैं न रोकूंगा। मैं केवल राय दूंगा, उसे तुम मानना या न मानना। अपने खाने पहनने का प्रबंध अब तुम स्वयं करना। अब तुम कौन सा मार्ग अपनाओगी? कर्म करूंगी, ज्ञान मेरे लिए नहीं है। ठीक, मैं यह सुनकर प्रसन्न हुआ, किंतु कर्म अनासक्त होकर करना। अनासक्ति क्या है तुम जानती हो?
इसका प्रथम लक्षण है इंद्रिय संयम, यह मैंने गत 5 वर्षों में तुम्हें सिखाया है। दूसरा लक्षण है निरंकार, इसके बिना धर्मचरण नहीं हो सकता। ज्ञान अहंकार है, तुमने जो कुछ सीखा वह अपने गुणों से सीखा, यह बात मत सोचना। तीसरा लक्षण कर्म का फल श्री कृष्ण को अर्पण कर देना है। अब बताओ माँ, इस धनराशि का क्या करोगी? जब मैंने अपना सब कर्म श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया तो यह धन भी उन्हीं के चरणों में अर्पित है। सब का सब और क्या, परंतु ऐसा करके कर्म में अनासक्त न हो सकोगी। यदि आहार के लिए तुम्हें उद्योग करना पड़ेगा तो आसक्ति होगी, तब या तो भिक्षावृत्ति अपनानी होगी या इस धन से अपना काम चलाना होगा। भिक्षा में भी आसक्ति है, इसलिए तुम इस धन से ही अपना काम चलाना, शेष सब श्री कृष्ण को अर्पण करना। परंतु उनके चरणों में यह धन पहुँचेगा कैसे? वह सर्वभूत में स्थित है, मैं सर्वभूत में इसका वितरण करूँगी। ठीक, भगवान ने यही कहा है, परंतु दान करने के लिए बड़े कष्ट और बड़े श्रम की आवश्यकता है, वह तुम कर सकोगी? मैंने इतने दिन सीखा ही क्या है, उस कष्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ दुकानदारी भी करनी पड़ती है, कुछ वेश, कुछ भोग, कुछ ठाट की आवश्यकता होती है, उसमें बड़ा कष्ट है, वह सह सकोगी? वह किस प्रकार? सुनो, मैं डकैती करता हूँ, तुम्हें बता चुका हूँ। इस धन से कुछ आप भी ले लें और यह दुष्कर्म त्याग दें। मेरे पास काफ़ी धन है, मैं धन के लिए डकैती नहीं करता। फिर किस लिए करते हैं? मैं राज करता हूँ। डकैती से राज कैसे होता है? जिसके हाथ में राजदंड होता है वही राजा है। परंतु राजदंड तो राजा के हाथों में होता है। इस देश में कोई राजा नहीं, मुसलमान समाप्त हो गए, अंग्रेज अभी आए नहीं। मैं यहाँ राजा बनकर दुष्टों का दमन और शिष्टों का पालन करता हूँ। क्या आप यही डकैती करके करते हैं? सुनो, समझाता हूँ। भवानी ने देश की दुर्दशा का वर्णन किया, जमींदारों के अत्याचार बताए। उन्होंने बताया वे बाकीदारों के घर लूटते हैं, वे बच्चों के पैर पकड़कर पटक देते हैं, युवाओं की छाती बींध देते हैं, वृद्धों का वध कर देते हैं, युवतियों को कचहरी में ले जाकर नंगा करते हैं, मारते हैं, उनके स्तन काट डालते हैं, उनका अपमान करते हैं। मैं उन दुरात्माओं को दंड देता हूँ, अनाथ दुर्बलों की रक्षा करता हूँ। कैसे करता हूँ यह तुम 2 दिन मेरे साथ रहकर देख लो। प्रफुल्ल का हृदय यह सुनकर भर आया, वह भवानी ठाकुर को धन्यवाद देकर बोली, मैं आपके साथ चलूँगी, कुछ धन उन दुखियों को भी दे आऊँगी। मैं कह रहा था इन्हीं कामों में तुम्हें दुकानदारी सीखनी है, मेरे साथ चलना है तो जरा ठाट से चलना, सन्यासिन बनकर यह काम न होगा। मैंने कर्म कृष्ण को अर्पण किया है, उनके काम के लिए जो कुछ करना होगा करूँगी। भवानी ठाकुर की इच्छा पूरी हुई, वह दल के साथ डकैतों को लेकर निकले तो प्रफुल्ल धन का घड़ा लेकर साथ चली, निशी भी उनके साथ चली। भवानी ठाकुर ने 5 वर्षों तक सान पर चढ़ाकर प्रफुल्ल को तीक्ष्ण धार वाला अस्त्र बना दिया था। पुरुष होता तो अच्छा होता, परंतु प्रफुल्ल जैसे गुणों वाला पुरुष नहीं मिला। इतना धन भी किसी के पास नहीं था, धन की मार बहुत तीक्ष्ण होती है। परंतु भवानी ठाकुर ने एक भूल की, प्रफुल्ल एकादशी के दिन मछली क्यों खाती थी इस बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इस पर कभी विचार भी नहीं किया। खैर, अब प्रफुल्ल कर्म शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ी। बागदे की लड़की कहकर हरिबल्लव द्वारा प्रफुल्ल को निकाले हुए आज 10 वर्ष हो गए थे। हरिबल्लव राय के यह 10 वर्ष अच्छे नहीं बीते। जागीरदार देव सिंह का अत्याचार और ऊपर से डाकुओं का आतंक था। हरिबल्लव के ताल्लुके का रुपया डाकुओं ने लूट लिया और देवी सिंह का लगान नहीं गया। देवी सिंह ने ताल्लुका नीलाम करा लिया। हेस्टिंग तथा गोविंद सिंह की कृपा से सरकारी कर्मचारी देवी सिंह के दास थे। हरिबल्लव का 10,000 का ताल्लुका
देवी सिंह ने 250 रुपये में खरीद लिया। शेष लगान भी नहीं चुका, देनदारी बढ़ने लगी। देव सिंह से तंग आकर जेल के भय से हरिबल्लव ने दूसरी संपत्ति गिरवी रख ऋण चुकाया। इससे आय बहुत घट गई पर खर्च नहीं घटा। हरिबल्लव की पूजा, उत्सव, अन्य कर्म, दान धर्म, लाठीबाजी पहले की तरह चलती रही। डाकुओं के खजाना लूटने के बाद लठैत कुछ और बढ़ने लगे, खर्च पूरा नहीं पड़ता था। सरकारी खजाने में कई किश्तें शेष रह गईं, जो संपत्ति बची थी उसके भी बिक जाने की नौबत आ गई। ऋण पर ऋण नगद होता जा रहा था, सूद असल के बराबर हो गया। 50,000 रुपया देव सिंह का शेष रह गया। हरिबल्लव रुपये का प्रबंध न कर पाए। हरिबल्लव राय की गिरफ्तारी का परवान निकल गया। ब्रजेश्वर रुपये के लिए अपने ससुराल गया तो ससुर बोले, भैया मेरा रुपया तो तुम्हारे लिए ही है, मेरा और है कौन। परंतु जब तक मेरे पास है तब तक ही है, तुम्हारे बाप को दे दूंगा तो क्या बचेगा, महाजन सब ले लेंगे, तुम अपना धन क्यों नष्ट करना चाहते हो। ब्रजेश्वर बोला, मुझे धन की आवश्यकता नहीं, अपने बाप को बचाना मेरा धर्म है। ससुर बोले, तुम्हारे बाप को बचाने से मेरी बेटी को क्या लाभ। रुपया रहने से मेरी बेटी का दुख दूर होगा, ससुर के रहने से नहीं। यह सुनकर ब्रजेश्वर को बहुत क्रोध आया। वह बोला, तो आपकी लड़की रुपया लेकर रहे, दामाद की आपको क्या आवश्यकता है, मैं सर्वदा के लिए विदा होता हूँ। तब सागर के पिता ने आंखें लाल करके ब्रजेश्वर का और अपमान किया। ब्रजेश्वर ने भी कड़ा उत्तर दिया और उसने चलने की तैयारी की। यह सुनकर सागर भयभीत हुई। सागर की माँ ने दामाद को अंदर बुलाया, बहुत समझाया परंतु सब व्यर्थ। एकांत में ब्रजेश्वर की सागर से भेंट हुई। उसने ब्रजेश्वर के पैर पकड़कर कहा, एक दिन ठहरो, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। ब्रजेश्वर ने क्रुद्ध होकर पांव खींच लिए। पैर खींचने में कुछ जोर से सागर के पैर पर भी लग गया। सागर ने समझा पति ने लात मारी। वह छोड़कर खड़ी हो गई और बोली, मुझे लात मार रहे हो। ब्रजेश्वर ने लात नहीं मारी, लग गई, यह कह देने से बात समाप्त हो जाती, किंतु क्योंकि वह क्रुद्ध था इसलिए सागर की त्योरी देखकर उसका क्रोध भड़क गया। वह बोला, यदि मारी ही है तो क्या हुआ, मेरा पैर तुम्हारे बाप ने एक दिन पूजा था। सागर क्रोध में अपने आप को भूल गई। वह बोली, मैं उसका प्रायश्चित करूंगी। तो तुम बदले में लात मारोगी। मैं इतनी नीच नहीं हूं, परंतु यदि ब्राह्मण की बेटी हूं तो मेरा पैर। सागर की बात पूरी भी न हुई थी कि पीछे से किसी ने कहा, नौकर की तरह दबाओगे। सागर भी शायद यही बात कहने जा रही थी, उसने बिना सोचे समझे कह दिया, गोद में रखकर नौकर की तरह दबाओगे। ब्रजेश्वर बोला, तो मेरा यह प्रण है कि जब तक वह स्थिति पैदा न होगी तब तक तुम्हारा मुंह न देखूंगा, प्रतिज्ञा भंग करूं तो ब्राह्मण नहीं। यह कहकर ब्रजेश्वर चला गया। सागर रोने लगी, तभी नौकरानी वहां आई। उसे देखकर सागर ने उससे पूछा, खिड़की से तू बोली थी क्या। नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोली। तब खिड़की पर कौन था। तभी एक रूपवती और तेजस्विनी स्त्री ने कमरे में प्रवेश किया। वह बोली, खिड़की पर मैं थी। तुम कौन हो, सागर ने चकित होकर पूछा। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती। नहीं तो तुम कौन हो। मैं देवी चौधरानी हूं, वह स्त्री बोली। नौकरानी कांपती हुई बैठकर रोने लगी। देवी चौधरानी बोली, चुप रह हरमजादी, रोई तो जबान खींच लूंगी। नौकरानी सिसकती हुई खड़ी हो गई। सागर को भी पसीना आ गया, वह चुपचाप उसकी ओर देख रही थी। जो नाम उन्होंने सुना उसे बच्चा बूढ़ा कौन नहीं जानता, वह बड़ा भयानक नाम था। परंतु तभी सागर हंस पड़ी। देवी चौधरानी के चेहरे पर भी मुस्कान खिल उठी। दोनों फिर बहुत देर तक ध्यानपूर्वक एक दूसरे को देखती रहीं और बातें करती रहीं। वर्षाकाल की चांदनी रात थी, त्रिशोत्रा नदी में बाढ़ आ रही थी, चंद्रमा की किरणें नदी की लहरों पर चमक रही थीं। किनारे से कुछ दूर एक बजड़ा बंधा था। बजड़े से कुछ दूर एक नाव थी।
एक और बांसों पर पाल बिछा था, उस पर मल्लाह सो रहे थे। बजड़े की छत पर कोई भी न था। छत पर एक गलीचा था, वह बहुत सुंदर था। उस पर चित्र बने थे। गलीचे पर एक स्त्री बैठी थी। उसके बालों पर चांद की किरणें पड़ रही थीं। बालों की सुगंधी से आकाश भर उठा था। जूही का गजरा उसके बालों में बंधा था। रमणी साक्षात सरस्वती के समान वीणा बजा रही थी। चंद्रमा की किरणें युवती के अलंकारों पर नृत्य कर रही थीं। एकाएक उसके कर्ण कुंडल हिल उठे, सर्प जैसे उसके केश लहराने लगे। वीणा पर नटरागिनी बजी और पाल पर सोए हुए मल्हारों में से एक जाग उठा। वह चुपचाप आकर सुंदरी के पास खड़ा हो गया। उसने पूछा, क्या हुआ, दिखाई नहीं पड़ा, आ रहा है क्या? स्त्री ने पुरुष को एक दूरबीन उठा कर दी। उसने दूरबीन से चारों ओर देखा। उसे एक बड़ा बजरा दिखाई पड़ा। वह बोला, देख वही है। इधर और किसी बजरे के आने की बात तो नहीं थी? पुरुष फिर दूरबीन से इधर उधर देखने लगा। युवती बोली, रंगराज आ गया। क्या देख रहे हो? देखता हूँ कितने लोग हैं। कितने हैं? ठीक से पता तो नहीं चल रहा, अधिक नहीं है। नाव खोलूं? खोलो, अंधेरे अंधेरे चुपचाप चले जाओ। रंगराज ने कड़क कर कहा, नाव खोलो। उस नाव पर 50 आदमी सोए हुए थे। रंगराज की आवाज़ सुनकर वे सब उठ गए। उन्होंने अपने अपने हथियार संभाल लिए, सब तैयार होकर बैठ गए। नाव चुपचाप खुलकर बजड़े से आ लगी। रंगराज पांचों हथियारों से सुसज्जित होकर उस पर सवार हो गया। युवती बोली, रंगराज जो मैंने कहा याद रखना। याद है, कहकर वह नाव पर बैठ गया। नाव चुपचाप किनारे किनारे बढ़ चली। जो बजड़ा रंगराज ने देखा था वह बहता हुआ निकट आ गया। नाव को बहुत दूर नहीं जाना पड़ा। बजड़े के पास पहुंचकर नाव किनारा छोड़कर उस बजड़े की ओर चल पड़ी। शब्द जरा भी नहीं हो रहा था। बजड़े की छत पर 8 सिपाही थे। उनमें से 2 हथियार बंद थे, शेष 6 वायु का आनंद ले रहे थे। वे सो रहे थे। पहरे वालों में से एक ने नाव को बजड़े के निकट आते देखा। वह चिल्लाया, नाव दूर रखो। रंगराज बोला, तुम दूर रखो अपना बजड़ा। पहरेदार ने धमकाने को बंदूकें छोड़ी। रंगराज हंसकर बोला, क्या पांडे जी के पास छर्रा एक भी नहीं है? लो मुझसे ले लो। यह कहकर रंगराज ने पहरेदार को निशाना बनाया, परंतु तुरंत ही बंदूक नीचे करके कहा, अभी तुझे मारूंगा नहीं, केवल तेरी लाल पगड़ी उड़ाऊंगा। उसने बंदूक रखकर तीर चलाया, जिससे उसकी लाल पगड़ी उड़ गई। पहरेदार भयभीत हो उठे। नाव बजड़े के पीछे लग गई। 10-12 आदमी बजड़े पर चढ़ गए। सोए हुए 6 पहरेदार बंदूक की आवाज़ सुनकर उठ तो गए थे, परंतु नींद में ही आक्रमणकारियों ने उन्हें बांध लिया। जागने वालों ने लड़ाई की, परंतु बहुत साधारण। शीघ्र ही उन्हें भी बांध लिया गया। बजड़े में प्रवेश करना चाहा तो उसका द्वार बंद था। उसके अंदर ब्रजेश्वर था। वह ससुराल से घर लौट रहा था और रास्ते में यह आफत आ गई। रंगराज द्वार खटखटाकर बोला, दरवाज़ा खोलो महाशय। ब्रजेश्वर बोला, कौन है? रंगराज ने कहा, कोई बात नहीं, बजड़े पर डकैती हुई है। बजराज तनिक स्तब्ध रह गए, फिर पुकारा, पांडे, तिवारी, राम सिंह। राम सिंह ने छत से उत्तर दिया, धर्मावतार, हम सबको बांध रखा है इन लोगों ने। ब्रजेश्वर हंसकर बोले, बड़े दुख की बात है, जो तुम्हारे जैसे बहादुरों को भी बांध लिया। डाकुओं ने बहुत बड़ा अपराध किया। अब घबराओ नहीं, कल तुम्हारा प्रबंध होगा। रंगराज भी हंसकर बोला, मेरी भी यही राय है, अब आप द्वार खोलिए। तुम कौन हो? मैं डाकू हूँ और आपसे द्वार खोलने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं द्वार को क्यों खोलूँ? हम लोग आपको लूटने आए हैं। क्या मुझे भी तुमने पहरेदार समझ रखा है? मेरे हाथ में दुनाली बंदूक है,
जो पहले घुसेगा उसे जान से मार दूंगा। एक आदमी नहीं घुसेगा, आप अपनी बंदूक से कितनों को मारेंगे? फिर आप ब्राह्मण हैं और मैं भी ब्राह्मण हूं, एक और ब्रह्महत्या होगी, व्यर्थ ब्रह्महत्या से क्या लाभ है? तो मैं वह भी पाप करूंगा। तभी बगल का द्वार तोड़कर दो डाकू अंदर घुस गए। ब्रजेश्वर ने बंदूक घुमाकर उन्हें मारा, उनमें से एक गिर पड़ा। तभी रंगराज ने सामने के द्वार पर दो लात मारी, द्वार टूट गया, रंगराज अंदर आ घुसा। ब्रजेश्वर रंगराज को निशाना बनाने लगे तो रंगराज ने बंदूक छीन ली। दोनों बलवान थे परंतु रंगराज अधिक फुर्तीला था। ब्रजेश्वर फुर्ती से तलवार खींचकर हंसता हुआ बोला, देखो ठाकुर, मुझे ब्रह्म हत्या का भय नहीं। यह कहकर वह रंगराज पर झपटा। तभी टूटे हुए द्वार से चार पांच डाकू और आ गए। उन्होंने ब्रजेश्वर से तलवार छीन ली, दो ने उन्हें कसकर पकड़ लिया। एक डाकू रस्सी लेकर बोला, बांधना पड़ेगा क्या? ब्रजेश्वर बोला, बांधो नहीं, मैं हार मानता हूं, क्या चाहते हो बोलो, मैं देता हूं। आपके पास जो कुछ भी है सब लूंगा, पहले शायद कुछ छोड़ देता पर अब एक पैसा भी न छोड़ूंगा। जो बजड़े में है ले जाओ, मैं बाधा नहीं डालता। डाकुओं ने सामान उठाना शुरू किया। अब लगभग 25 आदमी बजड़े पर थे। सामान कुछ नहीं था, पहनने के कपड़े, पूजा के बर्तन बस। तब ब्रजेश्वर बोला, सब ले चुके, अब जाओ। रंगराज बोला, जाता हूँ, परंतु आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। मुझे कहाँ जाना होगा? हमारी रानी के पास। तुम्हारी रानी कौन है? हमारी राजरानी। वह कौन है? क्या डाकुओं की भी राजरानी होती है? देवी रानी का नाम नहीं सुना है तुमने? तो तुम लोग देवी चौधरानी के दल के हो? दल क्या, हम रानी जी के सेवक हैं। जैसी रानी वैसे सेवक। परंतु मुझे उनके दर्शन कराने क्यों ले जा रहे हो? क्या मुझे बंदी बनाकर कुछ वसूल करना चाहते हो? बजड़े पर कुछ नहीं मिला, आपको रोकने से शायद हमें कुछ मिले। चलो, मेरी भी चलने की इच्छा है। सुना है तुम्हारी रानी देखने योग्य है, वह युवती है ना? सुना है बहुत रूपवती है, हमारी माँ देवी के समान है। चलो, मैं भी देवी के दर्शन कराऊं। ब्रजेश्वर रंगराज के साथ बाहर निकले। बजड़े के मल्लाह भय से पानी में कूद पड़े। ब्रजेश्वर उनसे बोले, तुम लोग बजड़े पर जाओ, डरो मत, अल्लाह का नाम लो, तुम लोगों का सब कुछ सुरक्षित है। मल्लाह बजड़ पर चढ़ गए। ब्रजेश्वर रंगराज से बोला, मेरे पहरेदारों के बंधन खोल दो। रंगराज बोला, यदि इन्होंने खुलकर हम पर आक्रमण किया तो हम अपना सिर काट लेंगे, आप इन्हें समझा दें। ब्रजेश्वर ने पहरेदारों को समझा दिया, उन्हें आदेश दिया, तुम लोग यहीं रहना, कहीं जाना नहीं, मैं अभी लौट कर आता हूँ। ब्रजेश्वर नाव पर चढ़ गए। नाव के मांझियों ने देवी रानी की जय ध्वनि करके नाव को किनारे की ओर बढ़ा दिया। ब्रजेश्वर ने रंगराज से पूछा, तुम्हारी रानी कहाँ रहती है? वह बजड़ा देख रहे हो, वह उन्हीं का बजड़ा है। वह बजड़ा? मैं तो उसे अंग्रेजी जहाज समझ रहा था। इतने बड़े बजड़े में रहती हैं तुम्हारी रानी जी? वह रानी की तरह रहती हैं। इसमें 7 कमरे हैं। इतने कमरों में कौन रहता है? एक में उनका दरबार है, एक उनका शयन गृह है, एक में दासियां रहती हैं, एक स्नान गृह है, एक रसोई और एक फाटक है। नाव बजड़ से जा लगी। अब देवी चौधरानी छत पर नहीं थी। नाव के निकट आने पर वह कमरे में चली गई थी। रंगराज ने द्वार पर रानी जी की जय कहा। अंदर से देवी ने पूछा, क्या समाचार है? सब मंगल है। कोई घायल तो नहीं हुआ? जी कोई नहीं। उन लोगों में से कोई मरा तो नहीं? कोई नहीं, आपकी आज्ञानुसार ही कार्य हुआ है। उनका कोई आदमी घायल हुआ है? दो पहरेदारों को साधारण चोट आई है।
कुछ माल मिला? सब ले आया हूँ, कुछ है नहीं वैसे। बाबू? बाबू को पकड़ लाया हूँ, प्रस्तुत करो। रंगराज ने ब्रजेश्वर को द्वार पर खड़ा कर दिया। देवी ने पूछा, आप कौन हैं? ब्रजेश्वर निर्भय व्यक्ति था। जिस देवी चौधरानी के नाम से पूरा उत्तरी बंगाल कांपता था, उसके पास आकर उसे हंसी आ गई। उसने मन में कहा, पुरुष भी कभी स्त्री से डरते हैं? स्त्री पुरुष की दासी है। उसने हंसकर उत्तर दिया, परिचय जानकर आप क्या करेंगे? मेरे धन से आपको मतलब था, वह आपने ले लिया। नाम से क्या रुपया मिलता है? मिलेगा क्यों नहीं? आप किस हैसियत के आदमी हैं यह पता लगाने पर रुपया निकलेगा। क्या इसीलिए मुझे पकड़वा कर मंगवाया है? नहीं तो आपकी क्या आवश्यकता थी? देवी पर्दे के आर में खड़ी थी। किसने देखा कि इस बीच में उसने कितनी बार अपनी आंखों से आंसू पोछे? मैं यदि कहूं कि मेरा नाम दुखी राम चक्रवर्ती है तो आप विश्वास करेंगी? नहीं। तब पूछने से क्या लाभ? मैं देखना चाहती हूं कि आप कितना सत्य बोलते हैं। मेरा नाम कृष्ण गोविंद घोषाल है। यह भी गलत है। दयाराम बख्शी? तुम्हारा यह भी नाम नहीं है। मेरा नाम ब्रजेश्वर राय। यह हो सकता है। तभी देवी के पास एक और स्त्री चुपचाप आकर बैठी। वह बोली, आपका गला बैठ गया है। देवी के आंसू अब न रुक सके। वर्षा काल में खिले फूलों से जैसे बूंद टपकती है, वैसे ही देवी की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। देवी उस स्त्री से बोली, मैं अभिनय नहीं कर पाऊंगी, अब तू बोल, सब जानती तो है। यह कहकर वह दूसरे कमरे में चली गई। वह स्त्री देवी का आसन ग्रहण करके बातें करने लगी। वह स्त्री निशी ठकुरानी थी। निशी बोली, अब तुम सच बोलो, तुम्हारा नाम ब्रजेश्वर राय ही है ना? ब्रजेश्वर चकरा गए। वह पर्दे के अंदर कुछ देख नहीं पा रहे थे, परंतु स्वर सुनकर उन्होंने दोनों आवाज़ों में अंतर महसूस कर लिया। वह आवाज़ बड़ी मीठी थी, यह उतनी मीठी नहीं थी। ब्रजेश्वर बोले, परिचय जानती हैं तो मोल भाव कर लीजिए, मुझे आप किस शर्त पर छोड़ेंगी? एक कानी कौड़ी देने पर। पास में है तो देकर चले जाइए। इस समय तो कानी कौड़ी भी नहीं है। बजड़े से ले आइए। बजड़े पर जो कुछ था वो आपके आदमी ले आए, शेष कुछ भी नहीं है वहाँ। मल्लाहों से उधार मांग लीजिए, उनके पास कानी कौड़ी भी नहीं रहती है। तब जब तक कीमत न चुकाइएगा बंदी रहना होगा। ब्रजेश्वर ने सुना, अंदर किसी ने कहा, रानी जी, यदि एक कानी इस व्यक्ति का मूल्य है तो मुझसे ले लीजिए और इसे मेरे हाथ बेच दीजिए। रानी बोली, ले ले, परंतु तू करेगी क्या? ब्राह्मण है, पानी भरेगा नहीं, क्या करेगा? रमणी बोली, मेरा रसोईया चला गया है, यह रसोई बनाएगा? निशी बोली, सुना आपने, आप बेच दिए गए, मैं कानी कौड़ी पा गई, आपको अपने खरीदार के पास रसोई बनानी होगी। ब्रजेश्वर ने पूछा, वह कहाँ है? वह स्त्री है, बाहर नहीं आ सकती, आप अंदर आइए। ब्रजेश्वर ने कमरे में प्रवेश किया। वहाँ की सजावट देखकर वह विस्मित हो गए। कमरे की दीवारों पर अद्भुत चित्रकारी थी। ब्रजेश्वर ने पूछा, रानी जी को क्या कहकर आशीर्वाद दूं? मैं रानी नहीं हूं। ब्रजेश ने देखा, वह जिनसे बातें कर रहे थे यह उसकी आवाज नहीं थी। हो भी सकती थी, क्योंकि स्त्री अपनी आवाज बदल सकती है। फिर चौधरानी इतनी मायाविनी न होती तो डकैती कैसे कर सकती थी? उसने पूछा, अभी मैं जिनसे बातें कर रहा था वह कहाँ गई? सुंदरी बोली, तुम्हें आने की आज्ञा देकर वह सोने चली गई हैं, परंतु तुम्हें क्या करना है वह मैं बताऊंगी।
तुम कौन हो? तुम्हारी मालकिन। मेरी मालकिन? हाँ, मैंने अभी अभी तुम्हें कानी कौड़ी देकर खरीदा है। तो तुम्हें क्या कहकर आशीर्वाद दूँ? आशीर्वाद के बहुत से तरीके होते हैं। हाँ, सधवा, विधवा, पुत्रवती। मुझे शीघ्र मरने का आशीर्वाद दीजिए। मैं यह आशीर्वाद नहीं दे सकता। तुम्हारे 103 वर्ष की आयु हो। मेरी आयु 25 की है। तुम 78 वर्ष मेरी रसोई बनाओगे? पहले एक दिन तो बनाओ। यदि बनवा सकोगी तो 78 वर्ष भी बनाऊंगा। बैठो। कैसी रसोई बनाते हो? ब्रजेश्वर गलीचे पर बैठ गए। सुंदरी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वह तो तुम जानती ही हो, मेरा नाम ब्रजेश्वर है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा गला रुंधा क्यों है? क्या तुम्हारा कोई मुझसे पुराना परिचय है? मैं तुम्हारी मालकिन हूँ, मुझे आप कह के बातें करो। जी, अब ऐसा ही होगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम 5 कौड़ी है। पर तुम मेरे नौकर हो, नाम लेकर न पुकारना। और हाँ, मैं भी तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर न पुकारूंगी। मैं तुम्हें रामधन कहूंगी। तुम मुझे मालकिन कहना। अब बोलो, तुम्हारा घर कहाँ है? एक कौड़ी में खरीदे दास का इतना परिचय जानने की क्या जरूरत है? चलो न बताओ, रंगराज से पूछ लूंगी, तुम राढ़ी हो या वैदिक ब्राह्मण? मैं कुछ भी सही, मेरे हाथ की रसोई तो खाएंगी ही आप। यदि तुम मेरी श्रेणी के न होगे तो मैं तुम्हारे हाथ की रसोई कैसे खाऊंगी? तुम्हें कोई दूसरा काम दूंगी। दूसरा काम क्या होगा? पानी भरना, लकड़ी काटना बहुत काम है। मैं राढ़ी हूं। तब तो तुम्हें पानी भरना और लकड़ी काटना होगा। मैं वारेंद्र हूं। तुम कुलीन राढ़ी हो या वंशज? ये सब बातें तो विवाह के समय पूछी जाती है। क्या मेरा विवाह कराइएगा आप? वैसे मैं विवाहित हूं। विवाहित हैं? कितने विवाह हुए हैं? पानी भरना पड़ेगा तो भरूंगा, परंतु इतना परिचय नहीं दे सकूंगा। 5 कौड़ी रानी को पुकार कर बोली, रानी जी, ब्राह्मण बड़ा हठी है, बात का उत्तर नहीं देता। दूसरे कमरे से निशी बोली, बेतें लगाओ। तभी एक दासी लपलपाती बेंत मसलन पर रख गई। 5 कौड़ी ने रुमाल में हंसी रोककर एक दो बार कालीन पर बेंत को फटकारा और ब्रजेश्वर से बोली, देख रहे हो कितनी लचकदार है यह बेंत? ब्रजेश्वर मुस्कुरा कर बोले, आप सब कुछ कर सकती हैं, पूछिए। क्या पूछती हैं? अब तुम्हारा परिचय लेकर क्या होगा? तुम्हारे हाथ की रसोई तो खानी नहीं है, तुम और क्या कर सकते हो वह बताओ। आज्ञा दीजिए, आप क्या कराना चाहती हैं? पानी खींचकर ला सकते हो? नहीं, यह काम मैंने पहले कभी नहीं किया है। लकड़ी काटकर ला सकते हो? नहीं, यह भी मुझसे नहीं होगा। बाजार से सामान खरीदकर ला सकते हो? यह काम कुछ कर सकता हूँ। कुछ से नहीं चलेगा। पंखा झल सकते हो? हाँ, इसमें मुझे आपत्ति नहीं। तो यह पंखा लेकर हवा करो। ब्रजेश्वर पंखा झलने लगा। 5 कौड़ी बोली, क्या तुम पैर भी दबा सकते हो? ब्रजेश्वर ने सोचा शायद डाकुओं के सरदार को प्रसन्न करके उससे मुक्ति मिल सके। वह बोला, आप जैसी सुंदरी के पैर दबाने हो तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। तब जरा दबाओ, कहकर 5 कौड़ी ने अपना पैर ब्रजेश्वर की जांघ पर रख दिया। ब्रजेश्वर को पैर दबाना पड़ा। वह लाचारी में पैर दबाने लगे, साथ ही सोचने लगे, यह ठीक नहीं हुआ, प्रायश्चित करना होगा, परंतु किसी प्रकार यहाँ से छुटकारा तो मिले। 5 कौड़ी बोली, रानी जी, तनिक इधर आइए। देवी के आने की आहट सुनकर ब्रजेश्वर ने पैर हटा दिया। 5 कौड़ी हंसकर बोली, यह क्या, भागते क्यों हो?
पांच कौड़ी ने स्वाभाविक स्वर में यह बात कही थी। ब्रजेश्वर ने विस्मित होकर अपने से कहा, यह तो पहचानी हुई आवाज़ लगती है। उसने साहसपूर्वक पांच कौड़ी के मुख का रुमाल हटा दिया। पांच कौड़ी खिलखिलाकर हंस पड़ी। ब्रजेश्वर विस्मित होकर बोले, यह क्या, तुम सागर? हाँ, सागर हूँ। गंगा नहीं, यमुना नहीं, ताल तलैया नहीं, साक्षात सागर हूँ। तुम्हारा अभाग्य था जो तुम किसी पर स्त्री के आनंद पूर्वक पैर दबा रहे थे, और जब घर की स्त्री ने पैर दबाने को कहा था तो क्रुद्ध होकर चले आए। खैर, मेरी बात पूरी हो गई और आपकी भी। आपने मेरा पैर दबाया है, अब आप मेरा मुंह देख सकते हैं। आप चाहे चरणों में स्थान दें या त्याग दें, आपने यह भी देख लिया कि मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ। ब्रजेश्वर ने सहमे हुए स्वर में पूछा, सागर, तुम यहाँ कैसे? सागर बोली, सागर के स्वामी, आप यहाँ कैसे? मैं तो बंदी हूँ, क्या तुम भी बंदी हो? मुझे वहाँ पकड़ कर लाया गया है, क्या तुम्हें भी इसी प्रकार पकड़ कर लाया गया है? मैं बंदी नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई पकड़ कर यहाँ लाया है। मैंने स्वयं अपनी इच्छा से देवी रानी से सहायता ली है। आपसे पैर दबवाने के लिए मैं देवी रानी के राज्य में आई हूँ। तभी निशी वहाँ आ गई। उसके वस्त्र आभूषणों की चमक देखकर ब्रजेश्वर ने समझा, शायद वही देवी रानी है। वह उठकर खड़ा हुआ। निशी बोली, डकैत होने पर भी स्त्रियों को इतने सम्मान की आवश्यकता नहीं होती। आप बैठिए। अब आप जान गए कि आपके बजरे को क्यों रोका गया था। सागर का प्रण पूरा हो गया। अब यदि आप यहाँ से जाना चाहें तो जा सकते हैं। आपका सब सामान बजरे पर भेजा जा रहा है, परंतु सागर का क्या होगा? अब यह अपने बाप के यहाँ कैसे लौटेगी? इसे भी आप अपने साथ ले जाइए। ब्रजेश्वर की समझ में कुछ ना आया। तब क्या डकैती झूठी थी? क्या ये लोग डाकू नहीं हैं? उसने पूछा। तुम लोगों ने मुझे खूब मूर्ख बनाया। मैंने समझा था कि मेरे बजरे पर देवी चौधरानी के दल ने डाका डाला है। निशी बोली, यह देवी चौधरानी का ही बजरा है। देवी रानी सचमुच डकैती डालती हैं। देवी रानी डकैती डालती हैं? तो क्या आप देवी चौधरानी नहीं हैं? जी नहीं। यदि आप उनके दर्शन करना चाहते हैं तो वह दर्शन दे सकती हैं, परंतु पहले जो कहती हूँ वह सुनिए। हम डकैती ही करते हैं, परंतु आपसे हमारा ऐसा कोई अभिप्राय न था। हमें केवल सागर की प्रतिज्ञा पूर्ण करनी थी। अब बताइए, सागर घर कैसे जाए? जिस तरह आई थी उस तरह जाए? यह रानी के साथ आई थी। मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। वहाँ तो मैंने रानी जी को नहीं देखा। आपके चले जाने के बाद रानी जी वहाँ पहुँची थी। तब इतना शीघ्र यहाँ कैसे पहुँच गई? हमारी नाव देखी है आपने? उसमें 50 डांडे एक साथ लगते हैं। तब आप ही इन्हें नाव पर पहुँचा आइए। इसमें कठिनाई है। वह बिना किसी से कहे आई है। लौटने पर घर भर पूछताछ करेगा। आपके साथ जाने पर कोई कुछ न कहेगा। चलो यही सही, आप नाव तैयार कराइए। अभी कराती हूँ, कहकर निशी वहाँ से चली गई। एकांत पाकर ब्रजेश्वर ने पूछा, सागर, तुमने यह प्रतिज्ञा क्यों की थी? सागर मुंह ढाँप कर रोने लगी। वह सिसक कर बहुत रोई। फिर बोली, पीछे देवी रानी सुन रही थी ना? ब्रजेश्वर ने पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? बुला लेती तो सब समाप्त हो जाता। कर्म का भोग, परंतु मैंने न पुकारा तो तुम क्यों नहीं लौटे? तुमने मुझे भगा दिया था, बिना बुलाए कैसे आता? अंत में ब्रजेश्वर ने पूछा, सागर, तुम डाकुओं के साथ यहाँ क्यों आई? सागर ने कहा, देवी रिश्ते में मेरी बहन लगती हैं। मेरा उनसे पहले का परिचय है। तुम्हारे आने पर वह वहाँ पहुँची थी। मुझे रोती देखकर बोली, रोती क्यों हो? तुम्हारे श्याम सलोने को मैं अभी पकड़वा कर मंगाती हूँ। मेरे साथ चलो। मैं उनके साथ चली आई।
मैं नौकरानी से कह आई हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। ब्रजेश्वर बोले, परंतु देवी रानी तो कुछ कहती नहीं। सागर ने देवी को पुकारा तो देवी नहीं, निशी आई। उसे देखकर ब्रजेश्वर बोले, नाव तैयार हो तो मैं जाऊं? नाव तुम्हारी है, परंतु तुम रानी जी के बहनोई हो, यहां आने पर आपका स्वागत भी तो होगा। अपमान जो कर डाला हमने उसका हमें बड़ा दुख है। डाकू है तो क्या, हम हिंदू नहीं हैं? क्या आ गया है? पहले ठीक से बैठिए, ब्रजेश्वर बोला। मैं बड़े आराम से बैठा हूँ। निशी सागर से बोली, तुम ही उठाकर बिठाओ, हम तुम्हारी चीज़ को छू नहीं सकते, सोना चांदी छोड़कर। तो क्या मैं पीतल कांसा हूँ? पुरुष स्त्री का बर्तन भांडा ही तो होते हैं, उसके बिना गृहस्थी नहीं चलती, उसे रखना ही पड़ता है, उसे मांजने धोने उठाने रखने में जान निकल जाती है। सागर अपना लोटा थाली संभालो। एक तो पीतल कांसा, फिर लोटा थाली, घड़ा कलसा कहलाने योग्य भी नहीं। मैं तो वैष्णवी हूँ, घर गृहस्थी की बातें सागर से जानी है। सागर बोली, पुरुष वास्तव में कलशा होते हैं, हृदय से खाली, हर गुणवती उन्हें पूरी तरह से भरकर रखती है। तूने ठीक कहा सागर, तभी तो स्त्रियां इन्हें अपने गले में बांधकर संसार सागर में डूब मरती हैं। तू संभाल अपना कलशा और रख ठिकाने। कलशा स्वयं ठिकाने हो जाते हैं, यह कहकर ब्रजेश्वर मसलन पर बैठ गया। तभी दो और सुंदर वेशभूषा धारण किए युवती दासियां आकर सोने का झालर झलने लगी। निशी सागर से बोली, अपने पति के लिए तंबाकू भर ला। सागर फुर्ती से सुगंधित तंबाकू भर लाई। ब्रजेश्वर बोले, मुझे दूसरे हुक्के पर तंबाकू दो। यह जूठा नहीं है, इस पर कभी किसी ने तंबाकू नहीं पिया है, हम तंबाकू नहीं पीती हैं। तब यह कहाँ से आया? देवी की रानीगिरी की दुकान है यह सब, पर जब मैं यहाँ आया था तब तो कोई तंबाकू पी रहा था? कोई नहीं। ब्रजेश्वर ने गुड़गुड़ी के मुंह के नाल देखे, वह नई थी। वह धूम्रपान करने लगे। निशी सागर से बोली, तो यहाँ क्या कर रही है, जा पान लगा कर ला, अपने हाथों से लगाना, हो सके तो जादू टोना कर देना। सागर बोली, पान तो मैंने लगाया है, परंतु जादू टोना नहीं जानती, जानती तो मेरी यह दशा नहीं होती। निशी, पति के लिए कुछ जलपान भी ले आ। ब्रजेश्वर बोला, अरे बाप रे बाप, इतनी रात गए जलपान, क्षमा करो मुझे। परंतु उसके किसी ने न सुनी। सागर ने बराबर के कमरे में आसन बिछाकर थाली में सामग्री सजा दी, सोने के पात्र में शीतल सुगंधित जल रखा। निशी बोली, उठो। ब्रजेश्वर हाथ जोड़कर उठा, बोला, डकैती करके मुझे बंदी बना लिया, वह अत्याचार तो मैंने सह लिया, परंतु इतनी रात को यह अत्याचार न सह सकूंगा। परंतु अंत में ब्रजेश्वर को खाना ही पड़ा। सागर निशी से बोली, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देनी पड़ती है। निशी बोली, दक्षिणा रानी जी स्वयं देंगी। वह ब्रजेश्वर को अन्य कमरे में लेकर चली। भोजन के पश्चात निशी ब्रजेश्वर को देवी के शयनगार में ले आई। शयनगार दरबार की तरह सजा था, वहाँ स्वर्ण मंडित पलंग था जिसमें मोती की झालरें लगी थी, किंतु ब्रजेश्वर का ध्यान उधर नहीं था, वह तो उस अतुल संपत्ति की स्वामिनी से मिलने आया था। एक ओर काठ की चौकी पर घूंघट निकाले एक स्त्री बैठी थी। निशी और सागर में ब्रजेश्वर ने जो चंचलता देखी थी वह उसमें नहीं थी, वह धीर और स्थिर थी। उसका मुख लज्जा से झुका हुआ था, वह एक मोटी धोती और हाथ में एक साधारण गहना पहने हुई थी। निशी चली गई। देवी ने उठकर ब्रजेश्वर को प्रणाम किया। ब्रजेश्वर और भी चकित हो गया, अन्य किसी ने उसे प्रणाम नहीं किया था। ब्रजेश्वर ने देखा वह वास्तव में देव मूर्ति थी, वह मूर्ति उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उस मुख को देखकर ब्रजेश्वर को उसकी याद आई, क्या उस मुख और इस मुख में कोई समानता थी?
ब्रजेश्वर एक टक देखने लगे, परंतु वह तो बहुत दिनों पहले ही मर चुकी थी। कभी कभी किसी का मुख देखकर मनुष्य को अन्य की स्मृति हो आती है। ब्रजेश्वर का हृदय भर आया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। देवी उन्हें न देख पाई, दोनों मेघों में बिजली भरी थी। देवी बोली, मैंने आज आपको कष्ट दिया, कारण आप जानते ही होंगे, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। ब्रजेश्वर बोले, आपने मेरा उपकार ही किया है। ब्रजेश्वर और कुछ न कह सका। आपने हमारे यहाँ जलपान कर हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाई है। आप कुलीन हैं, आपकी मर्यादा रखना हमारा धर्म है। आप हमारे संबंधी हैं, मैं जो दक्षिणा स्वरूप आपको दे रही हूँ कृपया ग्रहण कीजिए। स्त्री से बढ़कर और क्या धन हो सकता है रानी जी, आपने मुझे वही दिया है, इससे अधिक और क्या दीजिएगा। ओह ब्रजेश्वर, यह तूने क्या कहा, स्त्री से धन पर बढ़कर और कौन धन है। तब बाप और बेटे ने मिलकर प्रफुल्ल को क्यों भगा दिया था। देवी एक चांदी की कलसी लेकर ब्रजेश्वर के पास रखकर बोली, आपको यह ग्रहण करनी ही होगी। आपके बजड़े पर सोना चांदी बिखरा पड़ा है, अगर मैं यह न लूं तो सागर क्रुद्ध होगी, परंतु एक बात है। बात समझकर देवी बोली, मैं शपथ से कहती हूं कि यह चोरी या डकैती का धन नहीं है, यह मेरी अपनी संपत्ति है, अतएव संकोच न करें। ब्रजेश्वर उद्धत हो गया। ब्रजेश्वर कलसी में हाथ डालकर देखा तो उसमें मोहरे थी। पूछा, यह जो इस कलसी में भरा है इसे कहाँ उलट दूँ। यह सब मैं आपको दे रही हूँ। यह सब? हाँ सब। इसमें कितनी मोहरे हैं? 3300। 3300 मोहरे, अर्थात 50,000 रुपये से भी अधिक। शायद सागर ने आपसे रुपये की बात की है। मैंने सागर से सुना था कि आपको 50,000 रुपये की आवश्यकता है, इसलिए आप ये दे रही हैं। यह रुपया मेरा नहीं है, ना ही मुझे इसे दान करने का कोई अधिकार है। यह सब रुपया देवता का है, अधिकार मेरा है, उसी अधिकार से मैं आपको ऋण दे रही हूँ। मुझे इन रुपयों की बहुत आवश्यकता है इस समय, इसके लिए मुझे चोरी डकैती भी करनी पड़ती तो मैं करता, मेरे पिता संकट में हैं। यह रुपया मुझे कब चुकाना होगा। देवता की संपत्ति देवता को मिल जाए बस। मेरी मृत्यु का समाचार पाकर इनमें एक मोहर सूद की मिलाकर देश सेवा में खर्च कर देना आप। यह तो आपको धोखा देना हुआ, मुझे यह स्वीकार नहीं है। तब आपकी जैसी इच्छा हो वैसे चुका दीजिए। धन एकत्रित होने पर मैं आपके पास भेज दूंगा। आपका कोई आदमी मेरे पास नहीं आ सकेगा, मैं स्वयं रुपया लेकर आऊंगा। कहाँ आओगे, मैं एक स्थान पर तो ठहरती नहीं। आप जहाँ कहें, दिन निश्चय करें तो मैं स्थान बता सकती हूँ। मैं माघ या फागुन में एक रुपया एकत्रित कर पाऊंगा, वैशाख में रुपया लौटा दूंगा। तब वैशाख के शुक्ल पंचमी की सप्तमी को रात्रि में रुपया लेकर यहीं आना, चंद्रास्त के पश्चात भेंट न होगी। ब्रजेश्वर ने स्वीकार किया। देवी ने दासी को कलसी नाव पर रखने की आज्ञा दी। ब्रजेश्वर भी आशीर्वाद देकर नाव पर जाने को उद्धत हुए तो देवी ने रोककर बोला, यह तो ऋण हुआ, दक्षिणा कहाँ दी है अभी। कलसी दक्षिणा में ही तो है ना, वह आपके योग्य नहीं। यह कहकर देवी ने अपनी अंगूठी उतारी। ब्रजेश्वर ने प्रसन्नता पूर्वक उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। देवी ब्रजेश्वर का एक हाथ पकड़कर अंगूठी पहनाने लगी। ब्रजेश्वर का हृदय जाने कैसा होने लगा, उसका बदन कंटकित होने लगा, हृदय में जैसे अमृत की धारा बहने लगी। वह हाथ खींचना भूल गए। तभी दो बूंद गर्म जल ब्रजेश्वर के हाथ पर गिरा। ब्रजेश्वर ने देखा, देवी का चेहरा आंसुओं से भींगा था। ब्रजेश्वर को वह मुख याद आ गया,
उस रात्रि को भी वह मुख उसी प्रकार आंसुओं से भीगा था। उन आंसुओं को पोंछना भी याद आया। ब्रजेश्वर ने अनायास ही देवी का मुख ऊपर उठाया। वह मुख बिल्कुल प्रफुल्ल के मुख जैसा था। ब्रजेश्वर के सिर पर आकाश टूट पड़ा। उसने यह क्या किया? क्या यह प्रफुल्ल थी? पर वह तो 10 वर्ष हुए मर चुकी है। वह भागकर नाव पर जा चढ़ा। सागर को भी अपने साथ न ले जा सका। सागर बोली, पकड़ो पकड़ो, आसामी भाग रही है। कहती हुई वह जाकर नाव पर चढ़ गई। नाव ब्रजेश्वर और सागर को उनके बजरे पर पहुंचा आई। उधर निशी ने देखा, देवी शयनगार में पड़ी रो रही थी। उन्हें उठाकर बैठाया और आंसू पोंछकर बोली, यही आपका निष्काम धर्म है, यही सन्यास है। आपका भगवत वाक्य कहाँ गया? देवी चुप रही। निशी बोली, यह व्रत तुम जैसी स्त्रियों के लिए नहीं है। इसके लिए मेरी जैसी स्त्री होनी चाहिए। मुझे रुलाने को ब्रजेश्वर नहीं है। मेरा ब्रजेश्वर और बैकुंठेश्वर एक ही है। देवी आंखें पोंछकर बोली, तुम यमराज के यहाँ जाओ। निशी बोली, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझ पर यमराज का कोई अधिकार नहीं, परंतु तुम संन्यास छोड़कर घर लौट जाओ। देवी, वह मार्ग खुला होता तो इधर ना आती। बजड़ा खोलने को कहो, पालें उठवा दो। ब्रजेश्वर अपने बजड़े पर आकर भी गंभीर रहा, सागर से बोला तक नहीं। उसने देखा कि देवी का बजड़ा हवा की तरह उड़ गया। तब उसने सागर से पूछा, बजड़ा कहाँ गया? देवी यह बात किसी को नहीं बतलाती हैं। यह देवी कौन है? देवी देवी है। यह तुम्हारी होती कौन है? बहन। कैसी बहन? नाते की। ब्रजेश्वर चुप हो गए। उन्होंने मल्लाहों से पूछा, तुम लोग उस बजड़े के साथ अपना बजड़ा ले जा सकते हो? मल्लाह बोले, असंभव, वह टूटे तारे की तरह जा रहा है। ब्रजेश्वर फिर चुप हो गया। सागर सो गई। सवेरा होने पर सागर का बजड़ा चल पड़ा। सागर ब्रजेश्वर के पास आकर बैठ गई। ब्रजेश्वर ने पूछा, क्या देवी डकैती करती हैं? तुम क्या समझते हो? डकैती का सब सामान उनके पास है। वह चाहे तो कर सकती है, परंतु विश्वास नहीं होता। विश्वास क्यों नहीं होता? हाँ, परंतु बिना डकैती किए इतना धन कहाँ से प्राप्त किया होगा? कोई कहता है देवता ने दिया है, कोई कहता है देवी को गड़ा हुआ धन मिला है, कोई कहता है देवी सोना बनाना जानती हैं। देवी क्या करती हैं? देवी कहती है कि उनका कुछ भी नहीं, सब पराया है। यह धन कहाँ से पाया? मैं क्या जानूं? पराए धन पर इतनी अमीरी, मालिक कुछ कहेगा नहीं? देवी अमीरी नहीं करती, जमीन पर सोती है, गाढ़ा पहनती है। यह तुम्हारे हाथ में क्या है? सागर ने ब्रजेश्वर की अंगुली में अंगूठी देखी। ब्रजेश्वर ने बोला, देवी की नाव पर जलपान किया था ना, उन्होंने मुझे यह अंगूठी दक्षिणा में दी है, देखो। ब्रजेश्वर ने अंगूठी सागर को दे दी। सागर ने उसे उलट पुलट कर देखा। वह फिर बोली, इसमें देवी चौधरानी नाम लिखा है? कहाँ? अंदर। ब्रजेश्वर उसे पकड़कर बोला, अरे यह क्या? यह तो मेरा नाम है, यह तो मेरी अंगूठी है। सागर तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ, देवी कौन है? तुम ना पहचान सके तो मेरा क्या दोष? मैंने तो एक क्षण में पहचान लिया था। प्रफुल्ल? देवी ही तो प्रफुल्ल है। ब्रजेश्वर चुप रहा। सागर ने देखा, उसका बदन अपूर्व आनंद से भर गया, उसका चेहरा चमक उठा, परंतु आंखें सजल हो गई। सागर की ओर देखते हुए उसने अपनी आंखें मूंद ली और उसकी गोदी में सिर रखकर लेट गया। सागर ने कातर होकर पूछा, परंतु कुछ उत्तर न पाया, केवल एक बार कहा, प्रफुल्ल डाकू है क्या? देवी का बजड़ा अपने स्थान पर पहुंच गया। देवी ने नदी में स्नान किया। उन्होंने देह और सिर पर नदी की मिट्टी पोत ली और रूखे केश फैला दिए।
भीगी साड़ी में देवी का अनुपम सौंदर्य प्रकट हुआ। इस वेश में वह साक्षात देवी लग रही थी। इसी अपूर्व वेश में एक स्त्री को साथ लेकर देवी ने जंगल में प्रवेश किया। देवी जंगल में काफ़ी दूर जाकर अपनी दासी से बोली, दीवा तू यहीं बैठ, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर देवी ने घने जंगल में प्रवेश किया। जंगल में एक सुरंग थी, नीचे एक कोठरी थी जहाँ अंधेरा था। पहले वहाँ मंदिर था। देवी अंधकार में सीढ़ियाँ उतरने लगी। मंदिर में एक दीपक टिमटिमा रहा था। उसके प्रकाश में एक शिवलिंग दिखाई दिया। एक ब्राह्मण शिवलिंग के सामने पूजा कर रहा था। देवी शिवलिंग को प्रणाम करके बैठ गई। ब्राह्मण पूजा समाप्त कर देवी से बातें करने लगा। माँ, कल रात तुमने डकैती की थी? आप क्या जानते हैं? क्या जानूं? ब्राह्मण भवानी पाठक थे। देवी बोली, क्या जानूं? क्यों ठाकुर, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? मैं 10 वर्ष डाकुओं के साथ रही हूँ, लोग जानते हैं। जितनी डकैती होती है मैं ही करती हूँ, परंतु मैंने कभी यह नहीं किया, यह आपको ज्ञात है। फिर भी आप यह कहते हैं कि क्या जानूं? क्रोध क्यों होती हो? हम लोग जिसलिए डकैती करते हैं उसे बुरा नहीं मानते, अगर बुरा समझते तो करते ही नहीं। तुम भी इसे बुरा नहीं समझती। इन 10 वर्षों में इस विषय में मेरा मत बदल चुका है। मैं तब आपकी बातों में भूली थी, अब न भूलूंगी। दूसरे का धन लूटना यदि बुरा नहीं तो क्या है? मैं अब आपसे कोई संबंध न रखूंगी। यह क्या, इतने दिन जो समझाया, क्या वह फिर से समझाना होगा? यदि मैं डकैती की एक भी कौड़ी अपने नाम में लूं तो वह पाप है। तुम जानती हो मैं दूसरों को देने के लिए डकैती करता हूं। हम भले आदमियों को नहीं लूटते, हम जालिम आदमियों का धन लूटकर उन्हें देते हैं जिन पर अत्याचार होता है। देश में अराजकता फैली है, दुष्टों का दमन करने वाला कोई भी नहीं, इसलिए हम तुम्हें रानी बनाकर राज शासन चलाते हैं। तुम्हारे नाम से दुष्टों का दमन और श्रेष्ठों का पालन करते हैं। राजा रानी आप जिसे बनाना चाहे बना सकते हैं, अब आप मुझे छुट्टी दीजिए, इसमें मेरा मन नहीं लगता। इस राज्य को संभालने के लिए अन्य किसी के पास इतना अतुल ऐश्वर्य नहीं है। तुम्हारे दान से सब तुम्हारे वश में रहते हैं। मैं यह सब धन आपको देती हूँ, जैसे मैं खर्च करती हूँ वैसे ही आप करें। मैं अब काशी जाकर रहूँगी। भवानी, लोग केवल तुम्हारे धन से प्रभावित नहीं हैं, तुम रूप गुण हर चीज़ में राजरानी लगती हो। बहुतेरे तुम्हें साक्षात भगवती मानते हैं। तुम सबकी मंगलकारिणी हो, दान करती हो, भगवती के समान रूपवती हो। तुम्हारे नाम पर हम शासन चला रहे हैं। देवी, इसीलिए लोग मुझे डाकू समझते हैं, या कलंक मरने पर भी नहीं मिट सकेगा। भवानी, कलंक? वीरेंद्र भूमि में क्या कोई इस नाम को कलंकित कर सकता है? चलो उसे जाने दो, धर्म कार्य में यश अपयश नहीं देखा जाता। कलंक के भय से कर्म निष्काम कैसे हुआ? कलंक की बात सोचकर तुमने केवल अपना लाभ हानि सोचा, दूसरों का नहीं। आत्मविसर्जन कहाँ हुआ? मैं तर्क वितर्क आपसे नहीं कर सकती, आप महोपाध्याय हैं। मेरी स्त्री बुद्धि में जो आता है वही करती हूँ। मैं इस पद से मुक्त होना चाहती हूँ, मुझे यह भला नहीं लगता। भला नहीं लगता? तो कल रंगराज को डकैती के लिए क्यों भेजा? सही कहना, मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। छिपा नहीं है तो यह भी ज्ञात होगा कि रंगराज ने डकैती नहीं की, केवल अभिनय किया था। यह मैं नहीं जानता, इसीलिए पूछ रहा हूँ। देवी, यह काम एक आदमी को पकड़ने के लिए किया गया था। किस आदमी को? नाम देवी के मुख से नहीं निकला, परंतु भवानी ने से छल नहीं कर सकती थी वह। देवी बोली, उनका नाम ब्रजेश्वर राय है। मैं उसे खूब जानता हूँ, उससे तुम्हें क्या काम था? कुछ देना था, उसके बाप को जागीरदार कैद करने वाला है, उसे कुछ देकर ब्राह्मण की जान बचाई। भवानी, यह उचित नहीं किया। हरिबल्लभ राय बड़ा पाजी और पाखंडी आदमी है, उसने अपने निर्धन समधिन पर घोर अत्याचार किया था। ऐसे नीच व्यक्ति को जेल जाना ही उचित था। देवी सिहर कर बोली, वह कैसे?
भवानी, उसके एक पुत्र वधु को केवल विधवा माँ थी। हरिबल्लभ ने उसे बागदी कहकर घर से निकाल दिया। इसी दुख में बहू की माँ मर गई। देवी, और बहू? सुना है वह बेचारी भी भूखों मर गई। हमें इन बातों से क्या मतलब? हमने परोपकार का व्रत लिया है, जिसे दुखी देखेंगे उसी का दुख मिटाएंगे। इस समय बहुत से लोग दरिद्र हो गए हैं, जागीरदार ने उनका सर्वस्व छीन लिया है। उन्हें कुछ खाने पीने को मिले तो वे अपनी शक्ति बढ़ाएं, शक्ति पाकर वे अपने अधिकार लाठी से प्राप्त कर सकेंगे। तुम शीघ्र अपना दरबार लगाकर उनकी रक्षा करो। देवी, सूचना भिजवा दीजिए, आगामी सोमवार को दरबार लगेगा। भवानी, नहीं, तुम अब वहाँ न रह पाओगी। अंग्रेजों को पता चल गया है कि तुम यहाँ हो। वे 500 सिपाहियों के साथ तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। यहाँ दरबार न होगा, दरबार बैकुंठपुर के जंगल में होगा। यही सूचना फैला दी गई है। सोमवार का दिन निश्चित किया गया है। वहाँ जाने का साहस सिपाही न करेंगे, करेंगे तो मारे जाएंगे। इच्छा अनुसार रुपया लेकर वहाँ प्रस्थान करो। देवी, इस बार जा रही हूँ, परंतु फिर मैं यह काम न कर सकूँगी। अब मेरा मन नहीं लग रहा। देवी जंगल से निकलकर बजरे पर जा चढ़ी। रंगराज ने देवी को देवी ने आदेश दिया, सोमवार को बैकुंठपुर के जंगल में दरबार लगेगा, वहाँ के लिए प्रस्थान करो। बरकंदाओं को भी सूचना भेज दो, साथ में रुपया ले चलना है। बजड़े के मस्तूल पर पाले हवा में फूल उठे। नाव बजड़े के सामने बंध गई। 60 जवान रानी जी की जय कहकर उसे खेलने लगे। बजड़ा हवा की तरह उड़ चला। स्थल मार्ग से साधारण वेश में बहुत से लोग बजड़े के साथ चल पड़े। उनके साथ एक एक लाठी भी थी। बजड़े के अंदर असंख्य ढाल, बरछे और बंदूकें थीं। सोमवार को जंगल में देवी का दरबार लगा। देवी पूजा की प्रतिमा के समान सजी थी। यह सब देवी का ठाट था। दोनों ओर से 4 युवा दासियां सोने के झालर डुला रही थीं। उनके आगे पीछे बहुत से चौकीदार भड़कीले पोशाक पहने खड़े थे। बरकंदाजों की शोभा और भी बढ़कर थी। 500 बरकंदाज देवी के दोनों ओर थे। लाल पगड़ी, लाल अखाड़ा, घुटने तक की लाल धोती और उनके हाथ में ढाले और बरछे थे। चारों ओर लाल झंडे लगे थे। देवी सिंहासन पर बैठी थी। 10,000 व्यक्तियों ने देवी रानी की जय की। 10 युवकों ने देवी की स्तुति की। रंगराज एक एक दरिद्र को देवी के सिंहासन के पास लेकर जाने लगा। उन्होंने भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी ने मीठे शब्दों में सबका परिचय जाना और दान किया। प्रातःकाल से दान करते करते रात्रि का एक पहर बीत गया। यही देवी की डकैती थी। गुडलैंड के साहब को सूचना मिली कि बैकुंठपुर के जंगल में देवी का दल आया है। असंख्य डाकू हैं। डाकू बहुत सा धन लेकर अपने घरों को लौटे हैं। इस बार उन्होंने बड़ी भारी डकैती की है। उधर ब्रजेश्वर ठीक समय पर घर पहुंचे। हरिबल्लभ ने पूछा, रुपये का क्या हुआ? ससुर ने रुपया नहीं दिया। वह घबरा कर बोले, तो रुपया नहीं मिला? ब्रजेश, ससुर ने नहीं दिया, मैं दूसरी जगह से लाया हूँ। लाए हो? तुम मुझसे कहा क्यों नहीं? हे माँ दुर्गे, मेरे प्राण तो बचे। जहाँ से रुपया पाया वह लेना चाहिए या नहीं, यह मैं नहीं समझ पाया। किसने दिया है? नाम याद नहीं आ रहा। वह जो डाकू स्त्री है ना, देवी चौधरानी? हाँ, वही। उससे रुपया कैसे मिला? संजोग से मिल गया। डाकू का रुपया? क्या लिख पढ़ के भी आए हो? कुछ लिखना पढ़ना कुछ नहीं पड़ा, फिर भी पाप का धन ग्रहण करने वाला भी पापी ही होता है, इसलिए मैं ये रुपया नहीं रखना चाहता। रुपया न लूँ तो क्या मैं जेल में जाऊँ? ऋण लेने से मैं पाप पुण्य क्या, यह सोचने की बात नहीं। सोचना यह है कि डाकू का रुपया लिख पढ़ करके तो नहीं लिया ना, कहीं देने में देर हो गई तो घर बार न लूट लें। ब्रजेश्वर कुछ न बोला। हरिबल्लभ ने पूछा, लौटाने की मियादी कितनी है? वैसाख शुक्ल सप्तमी के चंद्रास्त तक। रुपया भेजा कहाँ जाएगा? उस दिन वह संधानपुर के घाट पर रहेंगी, वहीं रुपया पहुंचाना होगा। ठीक है, रुपया भेज दिया जाएगा।
ब्रजेश्वर चला गया। हरिबल्लव ने मन में सोचा, मैं उसका रुपया चुकाने जाऊंगा, सिपाही बुलाकर पकड़वा ना दूंगा, सब टंटा कट जाएगा। उस दिन यदि पलटन सहित कप्तान साहब को उसके बजड़े पर ना भेजा तो मेरा नाम भी हरिबल्लव नहीं। यह बात हरिबल्लव ने ब्रजेश से नहीं कही थी। सागर ने ब्रह्म ठकुरानी से कहा कि ब्रजेश्वर ने एक राजरानी से विवाह कर लिया है, उसने मना किया पर वह माने नहीं, वह शूद्र जाति की है, उसके दो विवाह और भी हैं, इसलिए ब्रजेश्वर की तो जात गई। अब सागर ब्रजेश्वर का जूठन न खाएगी। ब्रह्म ठकुरानी ने ब्रजेश्वर से पूछा। ब्रजेश्वर स्वीकार करके बोला, रानी की जाति उच्च है, वह सागर की बहन है। अब रही विवाह की बात, सो उसके तीन और मेरे भी तीन। ब्रह्म ठकुरानी ने तो यह बात झूठ जानी, मगर सागर चाहती थी कि ब्रह्म ठकुरानी यह बात नयनतारा से कहे। वह पति से के नया विवाह करने को सुनकर चिढ़ गई, इसलिए कुछ दिन ब्रजेश्वर नयनतारा के पास न गया। नयनतारा ने तूफान मचा दिया, उसने गृहिणी से कहा। गृहिणी बोली, तुम पागल हो गई हो, ब्राह्मण पुत्र शूद्र से विवाह नहीं कर सकता, तुम चिढ़ती हो इसीलिए वे तुम्हें चिढ़ाते हैं। नयन बहू तब भी न समझी, वह बोली, यदि किया हो। गृहिणी बोली, यदि किया हो तो बहू को मैं घर में रखूंगी, लड़के की बहू को मैं छोड़ नहीं सकती। तभी ब्रजेश्वर आ गया और नयन बहू उठकर भाग गई। ब्रजेश्वर ने पूछा, क्या कहती थी? कहती थी कि तू नया विवाह करे तो बहू को घर पर ले आऊं। ब्रजेश्वर कुछ बिना कुछ कहे चला गया। गृहिणी ने गृहस्वामी से यह बात उठाई, उन्होंने पूछा, तुम्हारा क्या मन है? सोचती हूँ सागर बहू यहाँ रहती नहीं, नयन बहू लड़के के योग्य नहीं है, यदि ब्रज एक ब्याह और करके घर बसाए तो सुख मिले। लड़के का मन जान लो, वह चाहे तो कहना मैं अच्छा संबंध कर दूंगा। मैं उसका मन टटोल लूँ? मन टटोलने का भार ब्रह्म ठकुरानी को सौंपा गया। उन्होंने ब्रजेश्वर को बहुत से विरही राजकुमारों की कहानियां सुनाई, परंतु फल न निकला। तब ब्रह्म ठकुरानी ने स्पष्ट पूछा, परंतु ब्रजेश्वर का मन न खुला। ब्रजेश्वर बोले, माँ बाप की जो आज्ञा होगी वही करूँगा। वैशाख शुक्ल सप्तमी निकट थी और देवी का ऋण चुकाने का कोई उद्योग न था। हरिबल्लव इस समय संपन्न थे, चाहते तो रुपये एकत्रित कर सकते थे, परंतु उन्होंने ध्यान ही न दिया। समय सिर पर आ गया, दो चार दिन रह गए। अब ब्रजेश्वर ने तकाजा किया तो बोले, घबराओ नहीं, मैं रुपयों का प्रबंध करने जा रहा हूँ, षष्ठी को लेकर लौटूंगा। वह पालकी पर चढ़कर घर से निकल पड़े। हरिबल्लव ने सीधे रंगपुर जाकर कलेक्टर साहब से भेंट की। वह बोले, मेरे साथ सिपाही भेजिए, मैं देवी चौधरानी को पकड़वाता हूँ, पकड़वा देने से मुझे क्या इनाम मिलेगा? साहब बहुत प्रसन्न हुए। वह जानते थे कि देवी चौधरानी सब डाकुओं की सरदार है। उन्होंने देवी को पकड़ने का काफ़ी प्रयास किया था, परंतु सफलता न मिली थी। साहब हरिबल्लव को पुरस्कार देने को उद्यत हो गए। हरिबल्लव बोले, मेरे साथ 500 सिपाही भेजिए। साहब ने हुक्म दिया और हरिबल्लव के साथ 500 सिपाही चल पड़े। ब्रजेश्वर से हरिबल्लव ने उस घाट का नाम सुन लिया था जहाँ देवी आने वाली थी। शायद देवी बजड़े पर रहे, इसीलिए वह फौज लेकर नाव पर चले। पांच नावें बजरा घेरने को चली। साहब ने बहुत सी सेना स्थल मार्ग से भी भेज दी। जिस घाट पर ब्रजेश्वर को पकड़ा गया था उसी पर देवी उपस्थित थी। संध्या बीत चुकी थी, बजड़ा था परंतु नाव और उसके 50 जवान नहीं थे, बजड़े पर कोई पुरुष नहीं था। देवी गाढ़े की धोती पहने साधारण वेश में थी। देवी छत पर अकेली नहीं थी, उनके पास दो स्त्रियां भी बैठी थीं, एक निशा दूसरी दीवा। दीवा बोली, क्या परमेश्वर कभी भी प्रत्यक्ष देखा जा सकता है? प्रफुल्ल बोली, प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, मैं प्रत्यक्ष देखने की बात नहीं कर रही थी, मैं प्रत्यक्ष करने की बात कर रही थी। प्रत्यक्ष 6 प्रकार का होता है, तुम मेरी बात सुनती हो तो यह तुम्हारा श्रवण प्रत्यक्ष है। तुम मेरे फूलों की सुगंध सूंघ रही हो ना? हाँ सूंघ रही हूँ, यह नासिका प्रत्यक्ष है। यदि मैं तुम्हें हाथ से छू दूँ तो वह त्वचा प्रत्यक्ष होगा।
यदि निशि तेरा माथा खाए तो वह रमणा प्रत्यक्ष होगा। ओ यह ठीक है, परंतु प्रभु को न देखा, न सुना, न सूंघा, न छुआ है और न खाया ही जा सकता है, उसे किस तरह प्रत्यक्ष किया जाए? आँख, कान, नाक, रसना और त्वचा को छोड़कर एक ज्ञानेंद्रिय होती है, उसी से परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है। देखो आज अंग्रेजों के सिपाही मुझे पकड़ने को आ रहे हैं, तुम जानती हो ना? दीवा बोली, हाँ जानती हूँ। सिपाही को तुमने प्रत्यक्ष किया है? नहीं, उनके आने पर प्रत्यक्ष करूँगी। मैं कहती हूँ वे आ गए हैं, पर बिना आँखों से देखे तुम प्रत्यक्ष नहीं कर पा रही हो। लो इसकी सहायता लो। देवी ने दीवा को दूरबीन दिया। दीवा ने उससे देखा। देवी बोली, क्या देखा? एक नाव है, उसमें बहुत से आदमी हैं, वे सिपाही हैं। फिर देवी ने दीवा को 5 नावें दिखाई। निशि ने पूछा, नाव किनारे पर दिख रही है, पर यहां ना आकर वहां क्यों लगी है? शायद स्थल से आने वाले सिपाही अभी नहीं आए हैं, ये उनकी प्रतीक्षा में है। अब हम चाहें तो भाग सकते हैं? उन्हें मालूम नहीं कि हमारे पास दूरबीन है। बहन प्राण रहेंगे तो कभी न कभी पति से भेंट अवश्य होगी, आज प्राण बचाओ। देवी प्राणों का भय होता तो मैं सब कुछ जानकर भी यहाँ क्यों आती और अन्य लोगों को विदा क्यों देती, अपने हजारों बरकंदाजों को क्यों भेज देती? हम पहले जानती तो तुम्हें यहाँ कभी ना आने देती, दीवा बोली। मैंने जो सोचा है वह मैं अवश्य करूँगी, मैं आज पति के दर्शन करूँगी, उनकी आज्ञा प्राप्त कर दूसरे जन्म में उनसे मिलने के लिए प्राण त्याग दूंगी। तुम दोनों जब मेरे पति लौटने लगे तो उनके साथ चली जाना, मैं अकेली पकड़ी जाकर फांसी चढ़ूंगी, इसीलिए मैंने सबको हटा दिया है। निशि बोली, इस बदन में प्राण रहते तो मैं तुम्हें न छोड़ूंगी, मरना ही होगा तो तुम्हारे साथ ही मरूंगी। तभी देवी ने निशि के हाथ से दूरबीन लेकर एक डोंगी देखी। वह बोली, वह आ रहे हैं, तुम लोग नीचे आओ। दीवा और निशि कमरे में चली गई। डोंगी बाजरे से लगी, उसमें से ब्रजेश्वर कूदकर बजड़े पर चढ़ाया और देवी की ओर बढ़ा। देवी ने उसके चरणों की धूली मस्तक से लगाई। ब्रजेश्वर बोला, आज रुपया नहीं ला सका, शायद 2-4 दिनों में दे सकूं। तुमसे कहा था भेंट होगी, इसीलिए इस समय आया हूँ। पिताजी रुपये का प्रबंध करने गए हैं, वह अभी लौटे नहीं हैं। देवी ब्रजेश्वर की भोली भाली बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराती हुई बोली, अब मुझसे भेंट नहीं होगी, कहते हुए देवी का गला भर आया। उन्होंने अपनी आंखें पोंछी। भेंट नहीं होगी, परंतु ऋण चुकाने का और एक उपाय है, जब सुविधा हो तब वह रुपया गरीब दुखियों में बांट देना, मुझे मिल जाएगा। ब्रजेश्वर देवी का हाथ पकड़कर बोले, प्रफुल्ल तुम्हारा रुपया। जैसे ही ब्रजेश्वर ने प्रफुल्ल का हाथ पकड़ा, प्रफुल्ल का बांध टूट चुका, उसकी आंखों से आंसू की धारा बह चली, रुपये की बात उस धारा में बह गई। तेजस्विनी देवी बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ी। ब्रजेश्वर की विचित्र दशा हुई, उसने सोचा वह डकैती करती है, उसे आंसू बहाने की क्या आवश्यकता है। ब्रजेश्वर की भी आंखें भर आई। ब्रजेश्वर के आंसू गालों पर से बहते हुए प्रफुल्ल के हाथ पर गिरने लगे। ब्रजेश्वर ने सोचा था कि डकैती करने के लिए प्रफुल्ल का तिरस्कार करेगा, पापिन कहेगा और जन्म भर के लिए त्याग कर चला आएगा, परंतु आंसुओं से हाथ भिगाकर वह कुछ भी न कह सका। आंसू पोंछकर ब्रजेश्वर बोला, प्रफुल्ल तुम्हारा रुपया मेरा रुपया है, उसे चुकाने के लिए मैं कातर नहीं हूँ, परंतु आज मैं बहुत कातर हूँ। गत 10 वर्षों से मैं तुम्हारे ध्यान में डूबा रहा, मेरी 2 स्त्रियाँ और हैं, परंतु गत 10 वर्षों में मैंने उन्हें कभी स्त्री नहीं समझा। यह क्यों हुआ यह मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। मैंने सुना था कि तुम संसार में नहीं हो, परंतु मेरे लिए तुम तब भी थी। मेरे मन में और किसी का ध्यान न था, तुम्हारे मरने का समाचार पाकर मैं भी मरना चाहता था। आज सोचता हूँ मर गया होता था तो अच्छा होता था, तुम मर गई होती तो भी अच्छा होता। अब जो कुछ सुन समझ रहा हूँ वह न तो सुनना पड़ता न ही समझना पड़ता। आज 10 वर्ष की खोई संपत्ति प्राप्त कर भी मुझे स्वर्ग का सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, मुझे मर्मांतक पीड़ा है।
उसके आंसू बह चले। वह दोनों हाथों से माथा पकड़कर बोला, मैं अपने मन के मंदिर में जो प्रतिमा बैठा कर रखा था प्रफुल्ल, वह यह पेशा करती है। प्रफुल्ल बोली, डकैती करती हूँ। नहीं करती क्या? प्रफुल्ल कह सकती थी कि जब ब्रजेश्वर के पिता ने उसे अपने घर से निकाला था तो प्रफुल्ल ने उनसे पूछवाया था कि मैं कंगाल हूँ, तुम निकाल दोगे तो मैं क्या खाऊंगी। ससुर ने उत्तर दिया था, चोरी डकैती या भीख मांगकर खाना। ब्रजेश्वर प्रफुल्ल की भर्त्सना करने चला था। प्रफुल्ल कह सकती थी, डाकू की भर्त्सना कर रहे हो, तुम ही लोगों ने तो चोरी डकैती करने की आज्ञा दी थी, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रही हूँ। परंतु यह उत्तर प्रफुल्ल ने नहीं दिया। वह हाथ जोड़कर बोली, मैं डाकू नहीं हूँ, मैं शपथ लेकर कहती हूँ मैंने कभी डकैती नहीं की और न कभी डाके की एक कौड़ी छुई है। तुम मेरे देवता हो। मैं अन्य देवता की अर्चना करना सीख रही थी परंतु सीख न पाई। लोग मुझे डाकू कहते हैं, क्यों कहते हैं वह मैं तुम्हें सुनाती हूँ। वही सुनाने के लिए आज मैं यहाँ आई हूँ, फिर तुम इसे कभी न सुन सकोगे। प्रफुल्ल ने ससुराल से निकल जाने के दिन से लेकर आज तक की सारी कहानी ब्रजेश्वर को सुनाई। ब्रजेश्वर सुनकर विस्मित, लज्जित और आनंद विभोर हो उठे। प्रफुल्ल ने पूछा, मेरी इन बातों पर आपको विश्वास है? अविश्वास का कोई कारण नहीं, ब्रजेश्वर उत्तर न दे सका। परंतु उसके चेहरे की कांति देखकर वह समझ गई थी कि विश्वास हो गया है। प्रफुल्ल बोली, अपनी चरण धूलि देकर मुझे विदा करो, देर न करो, विपत्ति आने वाली है, तुम्हें पाकर जाने को कह रही हूँ, इसी से समझ लो कि विपत्ति असाधारण है। मेरी दो दासियाँ इस नाव पर हैं, उन्हें अपने साथ लेते जाओ, वे जहाँ चाहें वहाँ पहुँचा देना। मुझे जैसे आज तक याद रखा है वैसे ही भविष्य में याद रखना, सागर मुझे भूलने न पाएगी। ब्रजेश्वर कुछ चुपचाप सोचकर बोला, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ प्रफुल्ल, तुम्हारे इतने आदमी थे सब कहाँ गए? बजड़े पर सिर्फ दो स्त्रियाँ हैं, उन्हें भी जाने को कहती हो और कहती हो कि फिर भेंट न होगी, यह सब क्या है, क्या आपत्ति है, मुझे न बताओगी? तुम्हारे सुनने की बात नहीं है। तो क्या मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं हूँ? उसी समय बंदूक का शब्द हुआ। सामने से 5 नावें आ रही थीं। डांडों की चोट से उछलता पानी चांदनी रात में चमक रहा था, उसमें सिपाही भरे थे। बंदूक का स्वर सुनकर 5 नाव बढ़ने लगी। यह देखकर प्रफुल्ल बोली, अब विलंब न करो, जल्दी से डोंगे पर चलो, चढ़ो और चले जाओ। क्यों, ये नावें किसकी है? इनमें कंपनी के सिपाही भरे हैं, ये बंदूकें भी उन्हीं के सिपाहियों ने छोड़ी थी। वे इधर क्यों आ रहे हैं, तुम्हें पकड़ने के लिए? प्रफुल्ल चुप रही। ब्रजेश्वर बोला, ज्ञात होता है, तुम पहले से ही यह सब जानती थी? हाँ, मेरे गुप्तचर सभी स्थानों पर हैं। तुम्हें यह यहाँ आकर जाना, यह पहले से जानती थी? पहले से जानती थी। तब जानबूझकर यहाँ क्यों आई? एक बार तुम्हारे दर्शन करने के लिए। तुम्हारे आदमी कहाँ हैं? उन सबको मैंने विदा कर दिया, वे मेरे लिए क्यों मरे? तो क्या तुमने आत्मसमर्पण करने का निश्चय किया है? जी कर भी क्या होगा, तुम्हें देख लिया, मन की बात तुमसे कह दी, तुम मुझे प्यार करते हो यह जान लिया, मेरे पास जो कुछ था वह गरीबों को बांट चुकी हूँ, अब क्या शेष है? मेरे साथ घर नहीं चलोगी? अब कहते हो, तुमने मुझसे शपथ खाई है, मैं भी शपथ खाता हूँ, आज तुम किसी तरह अपने प्राण बचा लो, मैं तुम्हें अपनी गृहिणी बनाऊँगा, अब मैं किसी की बात ना सुनूँगा। ससुर जी क्या कहेंगे? उन्हें भी मैं समझ लूँगा। अब कोई उपाय नहीं है, तुम अपनी डोंगी बुलाओ, निशि और दीवा को ले जाकर शीघ्र यहाँ से चले जाओ। ब्रजेश्वर ने डोंगी बुलाई, डोंगी वाले से कहा, तुम लोग भाग जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। डोंगी वाले जल्दी से डोंगी खोलकर चलते बने। प्रफुल्ल बोली, तुम नहीं गए? तुम मरना जानती हो तो क्या मैं मरना नहीं जानता? तुम मेरी स्त्री हो, मैं 100 बार तुम्हारा त्याग कर सकता हूँ, परंतु मैं तुम्हारा पति हूँ, विपत्ति में तुम्हारी रक्षा का भार मुझ पर है, इस समय मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तो क्या तुम्हें छोड़कर भाग जाऊँ? देवी गंभीर वाणी में बोली, अच्छा, यदि जान बचाने का कोई उपाय होगा तो करूँगी। कहकर प्रफुल्ल ने आकाश की ओर देखा, परंतु तुरंत ही निराश होकर बोली, परंतु मेरे बचने से एक दूसरा अमंगल होगा,
वह क्या? मैंने सोचा था वह बात तुम्हें न बतलाऊं, पर बिना बतलाए अब कोई चारा नहीं। इन सिपाहियों के साथ मेरे ससुर हैं, मैं न पकड़ी गई तो उन पर विपत्ति आ सकती है। ब्रजेश्वर सिहर उठा, वह माथा ठोक कर बोला, क्या क्या वही मुखबिर हैं? प्रफुल्ल चुप रही। ब्रजेश्वर सब समझ गया। इस स्थान पर देवी चौधरानी से मिलने की बात हरिबल्लव ने ब्रजेश से सुनी थी। देवी की गूढ़ मंत्रणा को और कोई नहीं जान सकता था। हरिबल्लव ने इसीलिए रुपया चुकाने का कोई यत्न नहीं किया। यह समझने में ब्रजेश्वर को अधिक समय न लगा। उसका हृदय अपने पिता के प्रति घृणा से भर गया। वह फिर बोले, मैं मरूं तो कोई हानि नहीं, तुम्हारा मरना उससे अधिक दुख करोगा, परंतु मैं उसे देखने नहीं आऊंगा। फिर भी पिताजी की रक्षा अवश्य करनी है। उसकी चिंता न करो, मेरी रक्षा नहीं होगी, अतः उन्हें कोई भय नहीं। उनकी रक्षा से तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि उनके अमंगल की शंका रहते ही मैं अपनी रक्षा के लिए प्रयत्न न करूँगी। तुमने कहा तब भी वही बात है, न कहते तब भी वही बात होती। उसी समय जंगल से शंखनाद हुआ। उसे सुनकर प्रफुल्ल चौंक पड़ी। देवी ने पुकारा, निशी निशी। दौड़कर छत पर आई। यह शंखनाद किसने किया? दाढ़ी वाले बाबा का लगता है। रंगराज का? हाँ, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। परंतु मैंने तो सवेरे ही उसे देवीगढ़ भेजा था। शायद मार्ग से लौट आए हैं, उन्हें बुलाओ। ब्रजेश्वर बोला, नाद दूर से आया था, यहाँ से आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, मैं उतर कर खोज लाता हूँ। देवी बोली, आपको कुछ नहीं करना है, आप नीचे जाकर निशी के पास बैठे। निशी और ब्रज नीचे गए। निशी ने अपनी वंशी निकाली। उसने वंशी पर मल्हार राग छेड़ा। रंगराज बजरे पर आ गए। ब्रजेश्वर निशी से बोला, तुम छत पर जाओ, क्या बातें होती है आकर मुझे बताना। निशी स्वीकार कर कमरे के बाहर निकली और फिर लौटकर ब्रजेश्वर से बोली, जरा बाहर आकर देखिए। ब्रजेश्वर ने देखा तो जंगल में से असंख्य लोग निकल रहे हैं। उसने पूछा, ये कौन है? सिपाही है क्या? ये बरकंदाज हैं, रंगराज के सैनिक। देवी भी उन्हीं को देख रही थी। तभी रंगराज ने आकर उन्हें आशीर्वाद दिया। देवी ने पूछा, तुम यहाँ कैसे रंगराज? मैं देवीगढ़ी जा रहा था, रास्ते में ठाकुर जी से भेंट हो गई। भवानी ठाकुर से? उनसे सुना कि कंपनी के सिपाही आपको पकड़ने आ रहे हैं। हम दोनों बरकंदाज इकट्ठे इधर आए हैं। अब उनकी नाव को इधर आते देख मैंने शंख बजाकर संकेत दिया था। उस जंगल में भी सिपाही हैं? हम लोगों ने उन्हें घेर लिया है। ठाकुर जी कहाँ हैं? वह बरकंदाजों को लेकर बाहर निकल रहे हैं। तुम कितने बरकंदाज लाए हो? 1000 के लगभग होंगे। सिपाही कितने होंगे? 500। 1500 लड़ाई में कितने मरेंगे? 200-400 मर सकते हैं। ठाकुर जी से कहो, इस काम में मुझे मर्माहत पीड़ा पहुंची है। क्यों माँ? मेरे प्राण बचाने के लिए तुम लोग इतने संहार करने को उद्यत हो? तुम्हें धर्म ज्ञान नहीं है? मेरी आयु समाप्त हो चुकी है, मैं अकेली ही मरूंगी। मेरे लिए 400 आदमी क्यों मरे? मुझे क्या तुम लोगों ने इतना नीच समझा है? मैं इतने लोगों का प्राण लेकर अपने प्राण बचाऊंगी? आपके रहने से अनेकों प्राणों की रक्षा होगी, देवी ने क्रुद्ध होकर कहा। रंगराज, ठाकुर जी से कहो कि वे इसी क्षण बरकंदाजों के साथ लौट जाएं। विलंब होगा तो मैं पानी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। रंगराज का मुंह उतर गया। वह बोला, मैं जा रहा हूँ माँ, ठाकुर जी से कह दूंगा, वह जो उचित समझेंगे वह करेंगे, मैं तो दोनों का आज्ञाकारी हूँ। रंगराज चला गया। निशी रंगराज के जाने के बाद देवी से बोली, अपने प्राणों को जो तुम जी चाहे करो, परंतु आज तुम्हारे पति तुम्हारे पास हैं, उनका भी ख्याल नहीं किया तुमने? किया है बहन, ख्याल करके मैं कुछ न कर पाई। अब जगदीश्वर पर भरोसा है। अपने पति का प्राण बचाने के लिए मैं इतने व्यक्ति का प्राण नहीं ले सकती। मेरे पति मेरे लिए सब कुछ हैं, परंतु उनके लिए यह कौन है? निशी चकित रह गई। वह बोली, देवी ने सच्चा निष्काम धर्म सीखा है। आपके साथ मरना भी सुखकर होगा।
निशी ने यह सब ब्रजेश्वर से कहा। ब्रजेश्वर प्रफुल्ल की को अपनी स्त्री न समझ सका। उसने कहा, वह सचमुच देवी है, मैं महापापी हूँ, उसे डाकू कहकर उसकी भर्त्सना करने चला था। नाव बजरे के निकट आ गई। प्रफुल्ल निश्चल बैठी रही। प्रफुल्ल की दृष्टि दूर आकाश पर लगी थी। वह जय जगदीश्वर कहके छत से नीचे उतर आई। निशी ने पूछा, अब क्या करोगी देवी? अपने पति की रक्षा। और अपनी? मेरी बात न पूछो, मैं जो कहती हूँ या करती हूँ उसे सावधानी से देखो। मेरा तुम्हारा चाहे जो भी हो, मुझे अपने पति, दिवा और ससुर को बचाना है। यह कहकर देवी ने शंख से फूंक मारी। निशी बोली, यह अच्छा किया आपने। जंगल से बरकंदाजों का दल बाहर निकलने लगा। उन्होंने देखा नावें काफ़ी निकट आ चुकी थी और वे बजरा घेर लेंगे। वे दौड़ पड़े। रानी जी की जय कहकर वे एक बजरा घेरने चले। उन्होंने बजरा घेर लिया और नावों ने उन्हें घेर लिया। वह शंख बजाते रहे। बरकंदे बजरे पर आ चढ़े। वे बजरे के माझी थे। वे अपने अपने स्थान पर डांड पतवार पकड़ कर बैठ गए। सिपाहियों ने बंदूक पर संगीने चढ़ाकर उस पर आक्रमण किया। चारों ओर लड़ाई होने लगी। प्रफुल्ल ने सोचा, भवानी ठाकुर तक उनकी बात पहुंच नहीं पाई या उन्होंने सुनी नहीं। अच्छा, आज वह मेरा भी काम देखें। देवी के पास एक सफ़ेद झंडा था। उन्होंने बाहर आकर उसे फहरा दिया। उस झंडे को देखते ही लड़ाई बंद हो गई। जो जहाँ था हथियार रोक कर खड़ा हो गया। देवी ने ब्रजेश्वर से कहा, तुम यह झंडा पकड़े रहो, रंगराज यहाँ आए तो उनसे कहना कि अंदर आए। यह कहकर देवी ब्रजेश्वर को झंडा पकड़ा कर अंदर चली गई। तभी रंगराज वहाँ आया। उसने ब्रजेश्वर के हाथ से सफ़ेद झंडा देख कर पूछा, तुमने किसकी आज्ञा से यह झंडा फहराया? रानी जी की आज्ञा से। तुम कौन हो, पहचान नहीं रहे? रंगराज बोले, पहचान गया, तुम ब्रजेश्वर बाबू हो, यहाँ क्यों आए हो? बाप बेटे एक ही काम के लिए आए हो क्या? कोई इसे बांधो। आज्ञा पाकर दो व्यक्ति ब्रजेश्वर को बांधने के लिए आए। ब्रजेश्वर ने कोई आपत्ति न की। वह बोले, मुझे बांध लो, कोई हानि नहीं, परंतु यह बताओ कि यह सफ़ेद झंडा देखकर युद्ध क्यों रुक गया? रंगराज बोले, जानते नहीं, सफ़ेद झंडा देखकर अंग्रेज लड़ाई बंद कर देते हैं। मैं नहीं जानता था। खैर, तुम पूछ आओ कि मैंने रानी जी की आज्ञा से यह सफ़ेद झंडा फहराया है। तुम्हारे लिए आदेश है कि उनसे आज्ञा प्राप्त करो। रंगराज सीधा अंदर पहुंचा। वह बोला, रानी माँ? कौन, रंगराज? जी हाँ, हमारे बजरे से सफ़ेद झंडा क्यों दिखाया? मैंने आज्ञा की है, तुम सफ़ेद झंडा लेकर लेफ्टिनेंट के पास जाकर कहो कि लड़ने की आवश्यकता नहीं, मैं आत्मसमर्पण कर रही हूँ। मेरा शरीर रहता या ना होगा, रंगराज बोला, प्राण देकर भी मेरी रक्षा न कर सकोगे? तब प्राण भी दे दूंगा, मूर्खों जैसी बात न करो। सिपाहियों की बंदूकों के सामने लाठी सोटा नहीं चलेगा, रक्त का एक बूंद भी नहीं बहेगा। मैं गोली के सामने खड़ी हो जाऊंगी, तुम मुझे बचा न पाओगे। इससे मैं पकड़े जाने से भागने का अवसर रहेगा। मुझे छुड़ाने में अपने प्राण न दो, मेरे पास बहुत रुपया है, कंपनी के आदमी रुपये के दास हैं, मैं भाग निकलूंगी। देवी ने घूस देकर भागने की बात रंगराज को फुसलाने के लिए कही थी। वैसे उन्होंने सरल भाव से आत्मसमर्पण करने का निश्चय किया हुआ था। रंगराज बोले, जो देकर आप उन्हें अपने वश में करेंगी वह तो बजड़े में है, पकड़े जाने पर रंगरेज बजरा भी ले लेंगे। तुम उनसे कह देना कि वे केवल मुझे ही पकड़ सकेंगे, बजरे को नहीं। मैं इसी शर्त पर आत्मसमर्पण करने को उद्यत हूँ। यदि वह न माने और बजरा लूटने आए तब? कह देना, बजड़े पर आएंगे तो मैं नहीं पकड़ी जाऊंगी, उनके बजड़े पर चढ़ते ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। हमारी बात स्वीकार करें तो मैं स्वयं उनके नाव पर चलकर आऊंगी। रंगराज ने सोचा, इन सब में अवश्य कोई कौशल है। देवी ने पूछा, भवानी ठाकुर कहाँ हैं? वह बरकंदाओं को लेकर युद्ध कर रहे हैं, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, शायद वहीं होंगे। पहले उनके पास जाओ, उनसे कहो कि तुरंत लौट जाएं, मेरे लिए बजरे के लोगों को छोड़ जाएं। मेरी रक्षा के लिए युद्ध की आवश्यकता नहीं है, मेरी रक्षा का उपाय भगवान कर रहे हैं। रंगराज बोले, माँ एक आज्ञा चाहता हूँ। हरिबल्लव आज का मुखबिर है,
उसके लड़के ब्रजेश्वर को मैंने नाव पर देखा है। उसका उद्देश्य अच्छा नहीं है, उसे बांध कर रखना चाहता हूँ। यह सुनकर निशी और देवा हंस पड़ी। देवी बोली, नहीं बांधना नहीं, उन्हें अभी चुपचाप छत पर बैठा रहने को कहो। रंगराज ने ब्रजेश्वर को छत पर बिठा दिया और भवानी ठाकुर को जाकर देवी का संदेश दिया। आकाश में मेघ देखकर भवानी ने आपत्ति नहीं की, वह बरकंदाओं के साथ लौटने लगे। तभी निशी मल्हारों के कान में कुछ कह गई। भवानी ठाकुर को विदा कर रंगराज सफ़ेद झंडा लेकर लेफ्टिनेंट के पास गया। कोई उससे कुछ नहीं बोला। साहब ने पूछा, तुम लोग आत्मसमर्पण करोगे? हम लोग नहीं, आप जिसे पकड़ने आए हैं वह आत्मसमर्पण कर रही हैं। देवी चौधरानी आत्मसमर्पण करेंगी? जी हाँ। और तुम लोग? हम लोग कौन? देवी चौधरानी के दल के लोग? वे नहीं करेंगे। मैं उन्हें दल के साथ पकड़ने आया हूँ। दल में कौन कौन है? इन हजारों बरकंदाओं में कितनों को पकड़ेंगे आप? भवानी ठाकुर अभी गए नहीं हैं, जाने का प्रयत्न कर रहे थे। साहब बोले, ये सब डाकू, हम इन सब को पकड़ेंगे। तभी साहब ने देखा बरकंदाज सेना जा रही है। वह गरज कर बोले, तुम लोग सफ़ेद झंडा दिखाकर भाग रहे हो? तुमने पकड़ा किसे है जो भाग रहे हैं? अभी कोई भागा भी नहीं है, पकड़ सको तो पकड़ लो। यह कहकर रंगराज ने सफ़ेद झंडा फेंक दिया। सिपाही साहब की आज्ञा न पाकर चुपचाप खड़े रहे। साहब ने उनका पीछा करना व्यर्थ समझा। वह बोले, उन्हें जाने दो तो तुम सब आत्मसमर्पण करोगे? केवल देवी रानी। अब लड़ेगा कौन? ये थोड़े से लोग? तुम्हारी सेना तो जंगल में घुस गई। रंगराज ने देखा भवानी ठाकुर जंगल में जा चुके थे। वह बोले, मैं नहीं जानता, मुझे जो आज्ञा मिली है वह कहता हूँ। बजड़ा नहीं मिलेगा, बजड़े का धन भी नहीं मिलेगा, हम में से और कोई भी नहीं मिलेगा, केवल देवी रानी मिलेंगी। क्यों? वह मैं नहीं जानता। मैं सबको कब्जे में करूँगा। साहब बजड़े पर मत चढ़ना, उसे छूना नहीं वरना शामत आ जाएगी। हमारे 500 सिपाही को तुम्हारे दो चार आदमी आफत करेंगे? यह कहकर साहब ने भी सफ़ेद झंडा फेंक दिया और सिपाहियों से कहा, बजड़ा घेरो। साहब ने आदेश दिया, बजड़े पर चढ़कर बरकंदाजों के हथियार छीन लो। देवी ने आदेश दिया, बजड़े पर जिसके पास हथियार हो पानी में फेंक दो। सुनते ही बजड़े के हथियार पानी में गिर गए। यह देखकर साहब बोले, अब बजड़े पर देखता हूँ कि क्या है। आप बल प्रयोग करके ऊपर न चढ़ें, आपको कुछ हो जाए तो मुझे दोष न देना। तुम्हारा क्या दोष? यह कहकर साहब एक सशस्त्र सिपाही के साथ बजड़े पर चढ़ गए। साहब रंगराज के साथ अंदर पहुंचे तो द्वार खुल गया। कमरे का ठाट देखकर साहब आश्चर्यचकित रह गए। दो मसलनों और स्वर्ण रत्न आदि से आभूषित दो सुंदर स्त्रियां बैठी थीं। उनके बदन पर बहुमूल्य वस्त्र और अलंकार थे। रंगराज ने देखा, उनमें से एक निशी और एक दीवा थी। साहब के लिए वे एक चांदी की चौकी रख गई, वह उस पर बैठ गए। रंगराज देवी को खोज रहे थे। एक कोने में साधारण वेश में देवी खड़ी थी। साहब ने पूछा, देवी चौधरानी कौन है, किससे बातें करूं? निशी बोली, मुझसे बात कीजिए, मैं देवी हूं। दीवा हंसकर बोली, दिल्लगी ना करो, यह दिल्लगी का समय नहीं है लेफ्टिनेंट। यह मेरी बहन दिल्लगी बहुत करती है परंतु दिल्लगी का अवसर नहीं है। आप मुझसे बात कीजिए, मैं देवी चौधरानी हूँ। निशी बोली, तू मेरे लिए क्यों फांसी चढ़ना चाहती है? फिर साहब से बोली, यह मेरी बहन स्नेहवश मुझे बचाने के लिए आपको धोखा दे रही है। मैं इसके प्राण लेकर अपने प्राण नहीं बचा सकती। चलिए, कहाँ चलना होगा? मैं देवी चौधरानी हूँ। दीवा बोली, साहब आपको ईशा की कसम, जो आप निरपराध को पकड़ें, मैं देवी चौधरानी हूँ। साहब परेशान होकर रंगराज से बोले, यह क्या गोलमाल है? तुम बताओ, इनमें से देवी चौधरानी कौन है? रंगराज केवल यही समझ रहा था कि उसमें कोई भेद था। वह निशी की ओर संकेत करके बोला, हुजूर, यह देवी रानी है। तब देवी आगे बढ़कर बोली, मुझे इस बीच में ना आना चाहिए, परंतु झूठी बात पकड़ी जाने पर सब मारे जाएंगे, इसलिए कहती हूँ यह बात झूठ है। साहब ने देवी की ओर देखा, तब देवी कौन है? मैं देवी हूँ।
अब देवी निशे दिवा और रंगराज में झगड़ा होने लगा। लेफ्टिनेंट साहब बोले, तुम दोनों में से कौन देवी है? वह दासी है, वह देवी नहीं हो सकती। मैं दोनों को पकड़ कर ले जाऊंगा। बाद में जो देवी चौधरानी सिद्ध होगी उसे फांसी दे दी जाएगी। क्या देखकर निशी ने कहा, आप मुखबिर को बुला लें, वह बता देगा कि देवी चौधरानी कौन है। देवी का अभिप्राय हरिबल्लव को बजरे पर बुलाना था। उनकी रक्षा का उपाय की बिना वह देवी अपने प्राण की रक्षा नहीं कर सकती थी। साहब ने मुखबिर को बुलाने की आज्ञा दी। हरिबल्लव कमरे की ओर बढ़े। वह कमरे की सजावट देखकर चकित रह गए। वह साहब को सलाम करना भूलकर निशी को सलाम कर बैठे। निशी हंसकर बोली, बंदगी खां साहब, मिजाज तो खुश है आपके। दीवा हंसकर बोली, खां साहब बंदगी, मुझे सलाम नहीं की, रानी को भूल गए आप। साहब हरिबल्लव से बोले, ये दोनों अपने आप को देवी चौधरानी कहती हैं, इनमें से देवी चौधरानी कौन है? हरिबल्लव बड़ी कठिनाई में पड़े। उन्होंने देवी को देखा नहीं था। कुछ सोचकर उन्होंने निशी की ओर संकेत किया। निशी खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह घबराकर बोले, भूल हुई। इतना कहकर उन्होंने दीवा की ओर उंगली उठा दी। दीवा भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। हरिबल्लव ने घबराकर फिर निशी को दिखाया। साहब गर्म होकर बोले, वृद्ध जात सुअर पाजी कहीं का पहचानता नहीं, बदमाशी करता है हमारे साथ। दीवा बोली, साहब शायद हमें यह नहीं पहचानते, इनका लड़का पहचानता है, वह बजड़े की छत पर है, वह पहचान लेगा। हरिबल्लव घबरा कर बोले, मेरा लड़का ब्रजेश्वर? जी हाँ वही। वह कहाँ है? बजड़े की छत पर है। वह यहाँ कैसे आया? यह सब तो वही बतलाएंगे। साहब ने उन्हें बुलाने की आज्ञा दी। रंगराज ब्रजेश्वर से कहा, आपको देवा ठकुरानी बुला रही हैं। ब्रजेश्वर उतरकर कमरे में आया। साहब ने ब्रजेश्वर से पूछा, तुम देवी चौधरानी को पहचानते हो? जी पहचानता हूँ। देवी चौधरानी इनमें से कौन है? वह इनमें से कोई नहीं है। साहब क्रोध में पागल होकर बोला, क्या इन दोनों में से कोई भी देवी चौधरानी नहीं है? वे दोनों उनकी दासी हैं, वह इनमें नहीं है। तुम देवी को पहचानते हो? अच्छी तरह पहचानता हूँ। यदि वे देवी नहीं तो वह बजड़े में कहीं छिपी होगी, शायद वह दासी हो। मैं बजड़े की तलाशी लूंगा, तुम मेरे साथ चलकर मुझे बताओ। आप तलाशी लो, मैं आपको क्यों बताऊं? साहब गरज कर बोले, बज्जात तुम मुखबिर नहीं हो? नहीं, मैं तो आपका मुखबिर नहीं हूं। सर्वनाश हरिबल्लव के मुंह से निकला। बाहर से जमादार चिल्लाया, हुजूर तूफान। आसमान से भयंकर वेग से आती हुई हवा साई साई करके बहने लगी। कंपनी की नावें आपस में टकराने लगी। साहब गरज कर बोला, तुम मुखबिर का लड़का नहीं है, हरामखोर बदमाश। ब्रजेश्वर साहब की गाली न सह सका। उसने उसके गाल पर इतने जोर का घूंसा लगाया कि वह लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ा। तभी कमरे में शंखनाद हुआ। शंख बजते ही मल्लाह रस्से खोलकर बजरे पर चढ़ गए। किनारे से सिपाहियों ने संगीने उठा ली, परंतु वे उठी ही रह गई। पलक मारते ही देवी के कौशल से एक क्षण में कंपनी के 500 सिपाही खड़े के खड़े रह गए। प्रचंड वेग से आंधी का झोंका आया और बजरा घूम गया। साहब ब्रजेश्वर पर घूंसा उठा रहे थे, तभी उन्हें रंगराज ने पीछे से कसकर पकड़ लिया। रंगराज के साहब को पकड़ने पर एक सशस्त्र सैनिक उन पर झपटा। ब्रजेश्वर ने उसकी बंदूक उससे छीनकर नदी में फेंक दी। रंगराज ने साहब की तलाशी लेकर उनका रिवॉल्वर छीन लिया और उसे भी नदी के हवाले कर दिया। अब साहब चुपचाप चांदी की चौकी पर बैठ गए। साहब की फौज जो बजरे को घेरे खड़ी थी, बजरा उस पर से होकर निकल गया। कुछ ने डुबकी लगाकर प्राण बचाए, पानी अधिक न था इसलिए कोई मरा नहीं। बजरा टूटे तारे के समान उड़ता हुआ आंधी के समान चल पड़ा। सिपाहियों की सेना छिन्न भिन्न हो गई। लेफ्टिनेंट और हरिबल्लव अब भी उनके बंदी थे। बजरा पानी को चीरता हुआ तीर की तरह उड़ा जा रहा था, भयंकर शब्द हो रहा था। रंगराज बाहर द्वार से पीठ लगाए बैठ गए। उस समय बाहर से सतर्क रहने की आवश्यकता थी, क्योंकि बजरा बहुत ही तीव्र गति से भागा जा रहा था। दीवा देवी के पास गई, निशी वहीं बैठी रही। साहब सोच रहे थे कि अब डाकुओं से छुटकारा कैसे मिले, वह जिन्हें पकड़ने आए थे उन्हें के यहाँ तो पकड़े गए, अब कलेक्टर को क्या मुँह दिखाएंगे।
हरिबल्लभ निशी के पास बैठ गए। निशी बोली, आप थोड़ा लेट लीजिए, थक गए होंगे, आज नींद नहीं आएगी। आज ना आएगी तो कब आएगी? क्यों, फिर क्या होगा? आप देवी चौधरानी को पकड़वाने आए थे ना? देवी पकड़ी जाती तो क्या होता जानते हो? उन्हें फांसी दी जाती, वही आपके साथ किया जाएगा। हैं, फांसी? देवी ने तुम्हारा क्या अनिष्ट किया था जो तुम इस नीच कर्म पर उद्धत हुए? तुम जेल जा रहे थे, देवी ने तुम्हें बुलाकर 50,000 रुपया देकर तुम्हारी रक्षा की, तुमने भलाई का यह बदला दिया? तुम उन्हें फांसी दिलवाना चाहते हो? बोलो, तुम जैसे नीच को और क्या दंड मिलना चाहिए? हरिबल्लभ चुप रहे, उनके मुख से एक शब्द भी ना निकला। निशी बोली, इसी से कहती हूँ सो लो, फिर सोना न मिलेगा। नौका कहाँ जा रही हो जानते हो? हरिबल्लभ में बोलने की शक्ति नहीं थी, उन्होंने निराश दृष्टि से निशी की ओर देखा। निशी बोली, हम लोग श्मशान जा रहे हैं, वहाँ जाकर साहब को फांसी दी जाएगी, और जानते हो तुम्हारे लिए क्या आज्ञा है देवी की? हरिबल्लभ हाथ जोड़कर बोला, मुझे बचा लो, मुझे फांसी न देना, मेरी ब्राह्मणी रोएगी। कौन पापी तुम्हें बचाए? तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा। हरिबल्लभ फफक फफक कर रोने लगे। आंधी के भीषण नाद में उनके रोने की आवाज़ किसी ने ना सुनी। साहब उनका रोना सुनकर बोला, रो मत उल्लू, मरना तो एक ही बार है, क्या रोज रोज मरेगा तू? हरिबल्लभ रोकर बोले, क्या तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकती? मैं तुम्हें 1,00,000 रुपया दूंगा, तुम मुझे बचाओ। कहते लज्जा नहीं आती? 50,000 रुपये के लिए तो तुमने यह कृतज्ञता बरती, अब 1,00,000 रुपये की बात हाँकते हो। मुझसे जो कहोगी वही करूँगा, परंतु मेरी जान बचाओ। निशी सोचकर बोली, एक काम निकल सकता है, परंतु नहीं, मैं तुमसे कोई काम न कराऊंगी। तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, या कहकर हलीबल्लव ने निशी के पैर पकड़ लिए। तुम कृतघ्न पापी और मुखबिर हो, तुम्हारी बात का विश्वास कैसे किया जाए? तुम जो कसम बोलो वो कसम खाने को तैयार हूँ। ब्रजेश्वर के माथे की कसम खा सकते हो? हरिबल्लभ को उस समय अपने प्राणों की पड़ी थी, वह हाथ जोड़कर बोले, ब्रजेश्वर की कसम, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। तुम तो हमारी मुट्ठी में हो, सुनो, मैं कुलीन घर की लड़की हूँ, मेरी छोटी बहन के लिए वर नहीं मिला है, मैं उसकी विवाह की चिंता में हूँ। आयु कितनी है उसकी? यही 30 की होगी, कुलीनों में यही सब कुछ होता है। उसका विवाह न होने से मेरे पिता की जात चली जाएगी, तुम मेरे पिता का उद्धार करो, तुम मेरी बहन से विवाह कर लो, मैं यह कहकर रानी जी से तुम्हारे प्राणों की रक्षा की भीख मांग सकती हूँ। बल्लव को अब कुछ सांस आया, परंतु साथ ही गृहिणी की बात ध्यान आई तो वह कांप उठे। नई गृहिणी को घर लेकर गए तो वह घर में नहीं घुसने देगी। फिर भी हरिबल्लभ प्राणों के लोभ में बोले, यह कौन सी बड़ी बात है, कुलीनों की जात बचाना तो कुलीनों का धर्म है, पर मैं वृद्ध हूँ, मेरी आयु क्या विवाह करने की है? मेरा लड़का विवाह कर लेगा तो काम चलेगा? वह राजी हो तो उनसे भी काम चल सकता है, मैं उससे कहूँगा। ठीक है, तब आप उन्हें ही आज्ञा दें, मैं आपको पालकी मंगाकर आपके घर भेज दूंगी, आप घर पहुंचकर बहू भात का प्रबंध करें, हम ब्याह करके बहू को उनके साथ भेज देंगे। हरिबल्लभ कहाँ सूली चढ़ रहे थे और कहाँ बहू भात की तैयारी का काम उन्हें मिल गया, वह बोले, रानी जी से यह सब बातें कर लो, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, मैं जा रही हूँ, कहकर निशी कमरे में चली गई। उसके जाने पर साहब हरिबल्लभ से बोले, तुम स्त्री से क्या क्या बातें कर रहे थे? कोई विशेष बात नहीं की उसने। तो तुम रो क्यों रहे थे? मैं कहाँ रो रहा था? मैं तो हंस रहा हूँ, यह कहकर हरिबल्लभ ने हंसने का प्रयास किया। निशी से देवी ने पूछा, ससुर जी से तुम क्या बातें कर रही थी अभी? देख रही थी कि मैं तुम्हारी सास बन सकती हूँ या नहीं। निशी, तुमने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को समर्पण कर दिया है, परंतु देखती हूँ फिर भी उपहास अपने लिए बचा कर रखा है। देवता को अच्छी चीज़ें ही देनी चाहिए, खराब चीज़ें नहीं। आंधी रुकने पर नाव किनारे से लगी। देवी ने देखा प्रभात की बेला आ गई थी। देवी निशी से बोली, निशी, आज का यह प्रभात देख रही हो, कितना सुहावना है ना? निशी ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम्हारा अवसान
और मेरा उदय हुआ है। मेरा अवसान ही मेरा सुप्रभात है। आज चौधरानी का सुप्रभात है क्योंकि आज उसका अवसान है। अवसान में ही जीवन का उत्थान होता है निशी। आज मेरे जीवन को वास्तविक शांति प्राप्त हुई है। आज मेरे हृदय की जलन शांत हुई है। निशी मौन रही, फिर कुछ ठहर कर बोली, आज देवी मर गई, प्रफुल्ल ससुराल जा रही है। उसमें अभी देर है, तुम नाव बांधने को कहो। निशी ने मांझियों को बजरा किनारे करने की आज्ञा दी। देवी ने कहा, रंगराज से पूछा हम कहाँ तक पहुँचे? यहाँ से रंगपुर और भूतनाथ कितनी दूर है? रंगराज ने बताया, रंगपुर का रास्ता यहाँ से कई दिनों का है, भूतनाथ एक दिन में पहुँचा जा सकता है। देवी निशी से बोली, ससुर जी को स्नान के बहाने बजरे के नीचे भेज दो। देवी बोली, इतनी भी क्या शीघ्रता है? निशी रंगराज को बुलाकर हरिबल्लव को सुनाती हुई बोली, साहब को फांसी देनी होगी, ब्राह्मण को अब सूली नहीं दी जाएगी, उसे स्नान के लिए भेज दो। हरिबल्लव ने पूछा, मेरे लिए रानी जी की क्या आज्ञा है? निशी बोली, मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई है, तुम स्नान करने जाओ। रंगराज ने प्रबंध करके हरिबल्लव को स्नान करने के लिए बजरे से नीचे उतार दिया। देवी निशी से बोली, साहब को भी छोड़ देने को कहो, वह रंगपुर लौट जाए, उन्हें 100 मोहरे दे दो। निशी ने 100 मोहरे रंगराज को देकर आदेश दिया। रंगराज साहब से बोला, साहब उठो, मुझे कहाँ जाना होगा? तुम हमारे कैदी हो, या पूछने वाले तुम कौन होते हो? साहब चुपचाप रंगराज के पीछे पीछे चल दिए। वह चलकर उसी घाट से गुजरे जिस पर हरिबल्लव स्नान कर रहे थे। उन्होंने रंगराज से पूछा, साहब को कहाँ ले जा रहे हो? रंगराज बोले, इस सामने वाले जंगल में। वहाँ ले जाकर इनका क्या करोगे? जंगल में ले जाकर इन्हें फांसी दी जाएगी। हरिबल्लव कांप उठे, वह गायत्री मंत्रों का जाप भूल गए, फिर संध्या भी ठीक से नहीं कर पाए। जंगल ले जाकर रंगराज साहब से बोला, हम लोग किसी को फांसी नहीं देते और ना ही हम डाका डालते हैं। देवी जी ने अब तक अपने जीवन में कभी कोई डाका नहीं डाला है। तुम सीधे अपने घर को लौट जाओ, हमारे पीछे न लगना, जाओ, तुम्हें मुक्त किया। फिर पूछा, रंगपुर यहाँ से दूर है, जाओगे कैसे? जैसे भी होगा चला जाऊँगा। नाव ले लेना, गांव में जाकर घोड़ा खरीद लेना या पालकी कर लेना। ये लो, रानी ने तुम्हें ये 100 मोहरे मार्ग व्यय के लिए दी है। साहब देवी का यह व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने केवल 5 मोहरे ली और बोला, इनसे मेरा काम चल जाएगा, मैं यह ऋण ले रहा हूँ। हम लेने आए तो अदा कर देना, तुम्हारा कोई सिपाही घायल हुआ या मर गया हो तो सूचना देना। क्यों? रानी उनकी सहायता करेंगी। साहब को विश्वास ना हुआ, वह कुछ कहे बिना ही वहाँ से चुपचाप चला गया। रंगराज निकट के गाँव से पालकी लेकर बजरे की ओर चल पड़े। ब्रजेश्वर अंदर जाकर देवी के पास बैठ गए। देवी बोली, तुम्हारी आज्ञा के मैंने पालन किया। तुमने जान बचाने को कहा था, सो मैंने बचा दी। आज देवी चौधरानी मर चुकी है, अब प्रफुल्ल जीवित रहे या देवी के साथ प्रस्थान करे। ब्रजेश्वर प्रफुल्ल को बाजुओं में भरकर बोला, अब मेरे प्रफुल्ल को मुझसे कोई पृथक नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ न चलोगी तो मैं भी न जाऊँगा। मैं घर चलूँ? ससुर जी से पूछ लिया? आप तो मुझे तब भी घर से नहीं निकालना चाहते थे। उन्हें भेज दो, हम दोनों पीछे चलेंगे, मैं उन्हें ठीक कर लूँगा। तभी रंगराज पालकी लेकर आया। हरिबल्लभ भी संध्या पूजा करके लौट आए थे। उन्होंने ब्रजेश्वर को बुलाया। उन्होंने सोचा, मेरे लड़कों को देखकर डाकू औरतें भी मुग्ध हो गई हैं, चलो अच्छा ही है, जान तो बच गई। वह ब्रजेश्वर से बोले, ब्रज तुम यहाँ कैसे आए? खैर यह बात पीछे होगी, मैंने इन लोगों को एक वचन दिया है, वह तुम्हें पूरा करना होगा। निशी ठकुरानी कुलीन है, उनके पिता को अपनी पुत्री के लिए वर नहीं मिल रहा है, इनकी जात जा रही है। कुलीनों की जात बचाना कुलीनों का धर्म है। मेरी इच्छा है कि तुम उनका उद्धार करो, तुम इनकी बहन से विवाह कर लो। इनकी बहन से विवाह कर लो? कुछ समझ में ना आया। निशी को हंसी आई परंतु वह गंभीर बनी रही। हरिबल्लव बोले, मेरे लिए पालकी आ गई है, मैं घर जाकर बहुभात का प्रबंध करूंगा, तुम विवाह करके बहू को घर ले आना। हरिबल्लव ने प्रस्थान किया।
उन्होंने पालकी पर चढ़कर दीर्घ श्वास ली। मन में सोचा, चलो जान तो बची। हरिबल्लव के चले जाने पर ब्रजेश्वर ने निशि से पूछा, यह सब क्या गोलमाल हुआ? तुम्हारी बहन कौन है? नहीं जानते? उसका नाम प्रफुल्ल है। ब्रजेश्वर बोले, निशि, मैंने तुम्हारी सब बातें सुन ली थी, परंतु मैं इस प्रकार छल नहीं करूँगा। मैं प्रफुल्ल को घर ले जाऊँगा और वहाँ पिताजी से सब बातें खोल कर कहूँगा। क्या तुम्हारे पिताजी देवी चौधरानी को घर में घुसने देंगे? देवी बोली, देवी चौधरानी की मृत्यु हो चुकी है, अब प्रफुल्ल की बात करो निशि। प्रफुल्ल को ही? क्या वह घर में घुसने देंगे? प्रफुल्ल को तो उन्होंने पहले ही घर से निकाल दिया था। ब्रजेश्वर बोले, यह सब मुझे देखना है निशि, अन्य किसी को नहीं। अब प्रफुल्ल को मुझसे पृथक करने की शक्ति किसी में नहीं है। ब्रजेश्वर वहीं रहेगा जहाँ प्रफुल्ल रहेगी। ब्रजेश्वर के इन शब्दों को सुनकर देवी, दीवा और निशि को असीम शांति प्राप्त हुई। वहां से वे लोग भूतनाथ के घाट पर पहुंचे। घाट पर बजरा लगते ही गांव वाले ब्रजेश्वर की नई बहू को देखने के लिए उतावले हो गए। गांव की स्त्रियां उसे देखने को दौड़ी। बहू को देखने के लिए भीड़ लग गई। सास ने घूंघट उठाकर बहू का मुंह देखा तो चौंक पड़ी। बोली, बहू तो बहुत अच्छी है। उनकी आंखों में पानी भर आया। वह अन्य देखने वाले स्त्रियों से बोली, मेरा बेटा और बहू बहुत दूर चल के भूखे प्यासे आ रहे हैं। बहू अब यहीं रहेगी, तुम लोग रोज देखोगी। इस समय अपने अपने घर को जाओ। पड़ोसने अपने अपने घर को लौट गई। गृहिणी ब्रजेश्वर को एकांत में बोली, बहू कहाँ मिली बेटा? यह नया विवाह नहीं है माँ, क्या आप प्रफुल्ल को नहीं पहचानती? मैं यही पूछ रही हूँ कि यह खोया धन कहाँ से प्राप्त हुआ बेटा? उसकी आंखों में आंसू आ गए। विधाता की कृपा से प्राप्त हुआ है माँ, पिताजी से कुछ न कहना, मैं उन्हें सब समझा दूंगा। तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है बेटा, मैं सब कह दूंगी। बहू बात हो जाए तुम चिंता न करो, तुम किसी से कुछ मत कहना। गृहिणी हरिबल्लव से बोली, यह नया विवाह नहीं है, भाग्य से हमें अपनी बहू मिल गई है। यह सुनकर हरिबल्लव चौंके, मानो उन्हें बिच्छुओं ने काट लिया हो। हैं, बड़ी बहू? किसने कहा? मैंने पहचान लिया और ब्रज ने भी कहा। परंतु वह तो 10 वर्ष पहले मर चुकी है। मरा आदमी क्या कभी लौटता है? परंतु इतने दिन वह कहाँ रही? यह सब मैंने अभी ब्रजेश्वर से नहीं पूछा है, पूछूंगी भी नहीं। जब ब्रज उसे घर ले आया तो समझ बूझ कर ही लाया होगा। मैं पूछता हूँ उससे। तुम्हें मेरी कसम, जो तुमने उससे कुछ भी कहा, एक बार तुम्हारे कहे से मैं अपना लड़का खो बैठी थी। यदि तुम कुछ कहोगे तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। हरिबल्लव बोले, तो लोगों में नए विवाह की बातें फैली रहने दो, यह बात न कहना। गृहिणी ने यह समाचार ब्रजेश्वर को सुनाया तो वह बोला, नहीं, मैं इस तरह की चोरी की कोई बात न करूंगा। मेरी प्रफुल्ल देवी है, उसने हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को बचाया है। जो 50,000 रुपये देकर पिताजी ने अपनी रक्षा की थी वह उसी ने दिए थे। यह सुनकर हरिबल्लव दंग रह गए। प्रफुल्ल ने ब्रजेश्वर से कहकर सागर को बुलवा भेजा। जो बुलाने गया था उसने सागर को बताया कि ब्रजेश्वर एक और विवाह करके लाए हैं। यह सुनकर सागर को बड़ी घृणा हुई। सागर ससुराल आई, आते ही वह पहले नयन बहू के पास गई। सागर और नयन एक दूसरे की आंखों का कांटा थी, परंतु आज दोनों एक होकर मिली। नयन तारा की दशा हांडी में बंद सांप जैसी थी। प्रफुल्ल के आने के पश्चात उसकी केवल एक बार ब्रजेश्वर से भेंट हुई थी। उसकी गाली की चोट खाकर ब्रजेश्वर भाग खड़ा हुआ था। सागर बोली, सुना है एक और विवाह किया है? क्या जाने विवाह है या निकाह। ब्राह्मण का निकाह होता है? ब्राह्मण है या शूद्र है या मुसलमान, मैं क्या देखने गई हूँ? ऐसी बात न कहो, अपनी जात बचाकर बात करनी चाहिए। जिसके घर में इतनी बड़ी लड़की ब्याह कर लाए उसकी क्या जात रहती है? कितनी बड़ी है? हमारे ही आयु की होगी ना। तेरी माँ के बराबर है? बाल पके हैं क्या? बाल न पके हो तो क्या, रात दिन घूंघट निकाल कर क्यों रखे रहती है? दांत भी टूटे हैं क्या? सागर ने पूछा। बाल पक गए तो क्या दांत न टूटे होंगे? एक भी दांत नहीं है। ऐसा क्यों किया? कुलीनों के यहाँ यही सब होता है। शक्ल सूरत में कैसी है? साक्षात परी। मैं जरा देखा हूं। जा,
जन्म सार्थक करा। नई सौत को खोजते खोजते सागर ने उसे तालाब पर पकड़ा। प्रफुल्ल पीठ किए बैठी थी। सागर ने पूछा, क्या तुम ही हमारी नई बहू जी हो? कौन, सागर? आ गई तो? कहकर प्रफुल्ल ने सागर की ओर मुंह किया। सागर विस्मित होकर बोली, देवी रानी? चुप, देवी मर चुकी। प्रफुल्ल? प्रफुल्ल भी मर चुकी। तब तुम कौन हो? नई बहू। यह सब कैसे हुआ, मुझे बताओ। यह सब यहाँ कहने की बात नहीं, घर चलो, वहीं चलकर सब कुछ बताऊंगी। दोनों घर चली आई। प्रफुल्ल ने सागर को सब बताया। सागर बोली, क्या अब गृहस्थी में मन लगेगा? रानीगिरी के बाद बर्तन मांझना, घर बुहारना भला लगेगा? योग शास्त्र के बाद ब्रह्म ठकुरानी बन सकोगी? जिनके इशारों पर 2000 आदमी नाचते थे, वह क्यों कर किसी की आज्ञा का पालन कर सकेगी? प्रफुल्ल बोली, कर सकेगी, तभी तो आई है। स्त्रियों का यही धर्म है। गृहस्थ धर्म सबसे कठिन है, इससे बढ़कर और कोई भी योग नहीं। इससे कठिन और कौन सा संन्यास होगा? मैं यही संन्यास धारण करूंगी अब। सागर, तब कुछ दिन तुम्हारे पास रहकर मैं भी तुम्हारी शिष्या बनूंगी। ससुराल में रहकर सागर ने देखा, प्रफुल्ल ने जो कहा था वही किया। घर के सब लोग सुखी हुए। सास प्रफुल्ल से इतनी प्रसन्न थी कि घर का सारा भार उसे सौंप कर सागर के लड़के को लिए फिरती थी। सागर ने भी प्रफुल्ल का गुण समझा। अब वह काम न करती थी जो उन्हें अच्छा न लगता था। सास ससुर प्रफुल्ल से पूछे बिना कोई काम न करते थे। ब्रह्म ठकुरानी ने भी रसोई का भार प्रफुल्ल पर छोड़ दिया था। अब रसोई तीनों बहुएं मिलकर बनाती थी, परंतु जिस दिन प्रफुल्ल कुछ न बनाती उस दिन किसी को कुछ अच्छा न लगता था। जिनके पास प्रफुल्ल खड़ी न होती थी वही सोचता था कि आज भरपेट भोजन न कर सका। अंत में नयन बहू भी उनकी प्रशंसक बन गई। अब वह किसी तरह से किसी भी बात पर कलह नहीं करती है। सागर इस पर बहुत दिनों बाप के यहाँ जाकर नहीं ठहरी, वह जल्दी लौट आई। वह सब लोगों के लिए बड़े आश्चर्य की बात थी, परंतु प्रफुल्ल के लिए नहीं। प्रफुल्ल ने निष्काम धर्म का अभ्यास किया था। प्रफुल्ल गृहस्थी में आकर ही यथार्थ सन्यासिनी हुई थी। उसे कोई कामना नहीं थी, वह केवल काम खोजती थी। कामना का अर्थ है अपना सुख खोजना, काम का अर्थ है दूसरे का सुख खोजना। प्रफुल्ल भवानी ठाकुर द्वारा सान पर चढ़ाई हुई तलवार थी, जिसने सांसारिक कष्टों को अनायास ही काट डाला था। प्रफुल्ल का झगड़ा अब ब्रजेश्वर के साथ था। वह कहती थी, मैं अकेली ही तुम्हारी स्त्री नहीं हूँ। तुम जैसे मेरे हो वैसे ही सागर और नयन बहू के भी हो। वे दोनों भी तुम्हारी पूजा क्यों नहीं कर पाती? ब्रजेश्वर यह कुछ नहीं सुनता, उसका हृदय केवल प्रफुल्लमय था। प्रफुल्ल कहती, मुझ जैसा प्यार उन्हें भी करो, अन्यथा मुझे भी तुम्हारा संपूर्ण प्रेम न मिलेगा। मैं और वे एक ही हैं। यह ब्रजेश्वर की समझ में नहीं आता था। अब घर के आर्थिक काम में भी उसके हाथ आ गए थे। जिम्मेदारी के काम में गृहस्वामी कहते, नई बहू से पूछो क्या करना चाहिए। प्रफुल्ल के परामर्श से घर की लक्ष्मी बढ़ने लगी। समय आने पर धन जन से पूर्ण घर छोड़कर हरिबल्लव का प्राणांत हुआ। जब ब्रजेश्वर के पास काफ़ी रुपया था, एक दिन प्रफुल्ल बोली, अब आप मेरा 50,000 रुपये चुका दीजिए। ब्रजेश्वर ने बोला, तुम रुपया लेकर क्या करोगी? रुपया मेरा नहीं, भगवान श्री कृष्ण का है, मैं उन्हें लौटा दूंगी। किस तरह? 50,000 रुपये में एक अतिथिशाला बनवा दो। ब्रजेश्वर ने वैसा ही किया। अतिथिशाला में अन्नपूर्ण की मूर्ति स्थापित की। उसका नाम रखा गया देवी निवास। रंगराज, दीवा और निशि देवी निवास में कृष्ण सेवा के लिए आ गए। भवानी ठाकुर का कुछ पता न चल पाया कि वह कहाँ गए। कहते हैं भवानी ठाकुर किसी दूसरे द्वीप पर चले गए। धन्यवाद।